नमस्कार सतबाब हेलो छो की हाल चाल गईस कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप क्या देख रहे हो इंजीनियर तो खुशी मनाओ श्योर बढ़िया मस्त के साथ मस्ती के साथ सेशन को करेंगे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग की हाल चाल हो सभी तो आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ाने वाला हूँ राइट उन्होंने यहाँ पर एंड के बाद एयर नहीं लगाया मैं लगा देता हूँ एयर कंडीशनिंग ठीक है ओके okay. क्या हालचाल भाई सब चंगा सब बढ़िया ओके okay. अनिल गोला जी कृपया करके कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन का गलत इस्तेमाल ना करें है ना साइंटिस्टों ने जो इंजीनियर्स ने उन्होंने हमें कॉपी पेस्ट की जो शक्तियां दी हैं उनका गलत इस्तेमाल ना करें हाय प्रशांत हेलो सुबीर हाय आशिक हेलो अल्फिया हेलो प्रज्ञा हाय दिलीप हेलो प्रियांशु ओके okay. हाँ यार ये बनाया जा सकता है वैसे दिलीप हेलो रविराज राधे राधे हम्म हेलो अमन क्या हाल चाल सब बढ़िया गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हो सेशन को शेयर करा कि नहीं एक बार सेशन को गुलाबी दिल के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं उन सभी लोगों से बोलूंगा चैनल को आ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा एंड गाइज आज लेट्स टेक सम अनदर स्टेप और आज आ खत्म करने की कोशिश करते हैं क्या कहते हो मजा आएगा कि नहीं आएगा वॉट डू यू से माई बॉय मजा आना चाहिए और गुरदीप कैसे हो कैसी चल रही है नौकरी ओके okay. hmm. चलो गाइज तो चलो फिर शुरुआत करते हैं पिछली क्लासेस की पीडीएफ नहीं दिया मिल गई होगी यार मैंने बोल तो दिया था नहीं मिली है तो आज मैं फिर से इनको बताता हूं कि कैसे क्या करना है राइट चलो तो शुरुआत करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की ठीक है तो गाइज अब आप लोगों को एक फंडा दिखाता हूं एक चीजें बताता हूं फिर उसके बाद ही हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं ओके सो द थिंग इज मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले मेरे नीले हम लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ी है हाँ या ना बोल मेरे लाल बिल्कुल पढ़ी है तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने दो दो नहीं हाँ दो ही स्टेटमेंट्स पढ़े हैं एक्चुअली थर्मोडाइनेमिक्स में अगर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं ठीक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में आप लोगों के दो स्टेटमेंट्स होते हैं ठीक है पहला स्टेटमेंट कैलविन साहब ने दिया था दूसरा स्टेटमेंट क्लोसे साहब ने दिया था ठीक है तो यहां पर होता आप लोगों का स्टेटमेंट क्या होता है ये नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने थर्मो का जब लिया था सेशन मैराथन सेशन लिया था तब उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है ओके तो अभी हम लोग इसमें नहीं चलेंगे हम इसके आगे की कहानी करने वाले हैं और सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लोशियस स्टेटमेंट पढ़ा था स्टेटमेंट ठीक है अब जो आप लोगों का कैलविन प्लांट स्टेटमेंट था वो वर्क प्रोड्यूसिंग था और वर्क प्रोड्यूसिंग में हम लोगों ने क्या सीखा था कि वर्क प्रोड्यूसिंग में ये कहा चला जाता है मेरे भाई ये चला जाता है आगे और एक नए सब्जेक्ट का जन्म होता है जिसका नाम क्या था हीट इंजन राइट क्या नाम था हीट इंजन और हीट इंजन से ही आप लोगों का दो सब्जेक्ट जनरेट हुए थे एक्सटर्नल कम्बशन इंजन और इंटरनल कंबेशन इंजन और हम लोगों ने अपना जो सब्जेक्ट पकड़ा वो क्या पकड़ा आईसी इंजन दैट इज इंटरनल कम्बशन इंजन ठीक है और जब हम लोगों ने यहाँ पर क्लॉसेस स्टेटमेंट पढ़ा था तो क्लॉसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा मेरे लाल हम लोगों ने पढ़ा कि ये वर्क एब्जॉर्बिंग है और यहाँ पर जब हम थोड़ा डेफ्त में गए तो हमें एक सब्जेक्ट मिला दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग तो आज हम उसी डेफ्त के बारे में बात करने वाले हैं और उसी को ही समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए बाकी आप सभी लोगों को बता दूं गुड़गांव का मौसम इस समय इतना बढ़िया हो रखा है इतनी बढ़िया बारिश हो रही है जबरदस्त वाली है ना और इसी बढ़िया मौसम में जब तैयारी करें और जबरदस्त तैयारी करें तो भाई नेक्स्ट लेवल तैयारी होगी है ना क्योंकि आज तो भगवान भी खुश है कि भाई चलो आज आरएसी निपटाते हैं ठंडक बना रखी है मौसम में और बढ़िया तरीके से यहां पर ठंडक भी है तो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की आज बातें करने वाले हैं सभी लोग तैयार हैं गुलाबी दिल के साथ एक बार सेशन में जरूर बता दीजिएगा चैट बॉक्स में कि हम तैयार हैं हैं और और चलो फिर आगे बढ़ते गाइस आप लोगों को यहां पर कुछ दिख है बिल्कुल दिख रहा होगा दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं गाइज हम लोग करते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए राइट वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस अब जब मैं बात करूं आप लोगों से वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसिस की तो आप लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता है और एक ही फोटो आप लोगों के सामने आती होगी जो आपके घर में फ्रिज है राइट जो फ्रिज होता है सिर्फ उसी की कहानी है हमें पानी ठंडा करके पीना है हमें आइसक्रीम जमा करके खानी है हमें सब कुछ करना है तो यही चीज़ें आप लोगों को इसमें दिखेंगे ठीक है अनिल क्वेश्चन क्वेश्चन का आज सेशन नहीं होता है आपको पता होगा है ना पूरी प्लानिंग करवाई हुई है आप लोगों को कि पहले आर करेंगे और इसमें आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं ठीक है चीके? और गाइज आप लोगों को पता है कि थ्योरी तो पढ़ते हैं साथ में क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़े थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी लगाएंगे मैंने आज के सेशन में क्वेश्चन भी एड कर दिए हैं ठीक है तो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिलेंगे आज आपको क्लियर है ओके अब आ, मेरे भाई इतना कॉपी पेस्ट मत मारो है ना नहीं तो मैं ये शक्तियां तुमसे छीन सकता हूँ अनिल तुमको पता है ना देन यू कैन ओनली वॉच द सेशन यू कैन नॉट कमेंट ऑन दिस राइट है ना तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए राइट चलो

हार्ड वर्क राइट दैट इज वर्क इनपुट यही होता है सिंपल सी बात है क्लास में फर्स्ट आना है क्लास में फर्स्ट आने के लिए हार्ड वर्क करते हो दिल की तमन्ना क्या होती है फर्स्ट आना है तो यही तुम्हारा सीओपी है अब सीओपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है सीओपी ऑफ हीट पंप दैट इज क्यू हायर हीट पंप मतलब गीजर गीजर में हमें हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है तो क्यू हायर राइट और अगर हम लोग सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करें तो क्या हो जाती है क्यू लोअर हो जाती है और इसकी वैल्यू अगर हम लेके चलें तो क्या हो जाती है दैट इज टी एल अपॉइट टी हायर माइनस टी लोअर दैट इज फॉर रेफ्रिजरेशन सॉरी रिवर्सेबल और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि रिवर्सेबल इन रिवर्सेबल दोनों देखना है तो इन टर्म्स ऑफ हीट देखना है, ठीक है अब इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भी मैंने आपको सिखाया था एक रिलेशन भी सिखाया था मैंने आप लोगों को दैट इज सीओपी ऑफ हीट पंप विल बी इक्वल्स टू वन प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन ये बात करी थी सर आपको बुक का अपने एग्जाम सेंटर पर फ्री कर दिया था पढ़ने के लिए और बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी और बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया वो स्टूडेंट्स ने तो उसी टाइम पर अच्छा ऑर्डर भी कर दिया अरे क्या बात है यार आशिक थैंक यू सो मच मेरे भाई थैंक यू सो मच हम्म बहुत ही बढ़िया यार क्या बात है मतलब सही है यार हाँ तुम किताब लेके ही पहुंच गए तो एग्जाम सेंटर वालों ने मना भी नहीं करा कि हम किताब से वो नहीं करेंगे मतलब मना नहीं करेंगे ऐसे ही हो गया सही है यार अब गईस यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये रिलेशन आपका तभी वर्क करेगा जब आप लोगों का सिंक और सोर्स सेम हो राइट सेम रिजर्वास के बीच में अगर आपने हीट पंप लगाया सेम रिजर्वायर के बीच में अगर आपने रेफ्रिजरेशन लगाया फिर सेम रिजर्वायर के बीच में ही आपने इंजन लगाया तभी ये स्टेटमेंट आप लोगों का वर्क करेगा मतलब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए दिस इज फॉर फॉर सेम टेम्परेचर एलिमेंट्स ठीक है सेम टेम्परेचर लिमिट्स अब आप लोग सोच रहोगे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में तो नहीं लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बता दू कि ये सारी चीजें मेरी किताब की है, है ना जिसके बारे में अभी आशिक बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पे हाथों हाथ ऑर्डर कर दिए बहुत अच्छे रिव्यू दिए वो इस किताब के बारे में बात कर रहा है राइट और इसी किताब का ही जो डेटा है इसी किताब को ही मैंने जो सॉफ्ट कॉपी है उसी सॉफ्ट कॉपी को मैंने इसमें दिखाया हुआ है तो ये जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट ऐसा लिखा हुआ है इसी तरीके से कलर्डफुल आपको

इसलिए आप लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है ठीक है एंड सैटरडे एंड संडे तो जितने लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस चिल्ला रहे हो सुन लो मंडे टू फ्राइडे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और सैटरडे संडे आप लोगों को थ्योरी क्लास मिलेगी क्योंकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लग रहा होगा सब बनता है लेकिन थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं फिर भी हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं आ पाता कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी मेरे लाल तो याद रखो संडे आप लोगों को थ्योरी क्लास मिलेगी और अनिल गोला और जितने भी लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सर जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप एक बात बताओ आज फ्राइडे है कि सैटरडे है मुझे लग रहा है आज सैटरडे है तो शायद आज थ्योरी क्लास होगी ठीक है लेकिन मुझे फिर भी पता है कि आप लोगों का मन नहीं मानता है ना दिल है बच्चा है है ना दिल की बात तो सुननी ही पड़ती है तो आज के सेशन में आप लोगों को थ्योरी भी मिल जाएगी साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बस इंतजार करिए पहले थ्योरी रिवाइज करेंगे फिर उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा सो दैट आपको पता चले कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी बुक से आ रहे हैं ठीक है चीके? और आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे आपको बनेंगे ठीक है बस गुलाबी दिल के साथ सेशन को शेयर करते हुए चलना चलो आगे बढ़ते हैं गाइज आगे सबसे पहली चीज जब भी कभी मैं बात करूंगा तो बात यह वाली आ जाती है कि भाई रेफ्रिजरेशन पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ एक बेस लेकर के चलेंगे वो बेस क्या होता है तो भाई साहब अगर आप लोगों ने आईसी इंजन पढ़ाया थर्मोटानिकनोट चा थे राइट कैरॉट चचा ने ही क्या कर रहा था आप लोगों का आईसी इंजन का एक बेस बनाया था सारे के सारे जितने भी साइकिल्स है सबके सब कहां तक पहुंचना चाहती है एफिशियंसी ऑफ इंजन तक पहुंचना चाहती है राइट

यहां पर, पर अगर मैं देखू तो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल ये किसके बारे में बात कर रहा है ये डायग्राम के बारे में बात कर रहा है राइट और टीएस डायग्राम की जो प्रोसेस है कहां से स्टार्ट होगी पहली प्रोसेस होगी कंप्रेशन की राइट और कंप्रेशन कैसा होगा रिवर्सिबल एजिया और आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होगा और ये जो रिवर्सिबल एजिया और कंप्रेशन है ये कहां पर होता है मेरे लाल ये होता है आप लोगों का कंप्रेसर में ठीक है ये कहां होता है कंप्रेसर में होता है फिर उसके बाद आप लोगों का लिखा हुआ है टू टू थ्री प्रोसेस टू टू थ्री इसमें क्या हो रहा है हीट रिजेक्शन हो रहा है अगर इसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होगा ठीक है क्योंकि साहब की बात हो रही आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन करता नेक्स्ट टू इम्पोसिबल हो जाता है रीजन जानते हो कह रहा है हीट रिलीज करो अब हीट रिलीज तभी होती है जब टेम्परेचर घटता है लेकिन ये कह रहे हैं कि आइसोथर्मल है टेम्परेचर घट नहीं सकता और टेम्परेचर को घटाओ मत लेकिन हीट रिलीज कर दो <laughs> सबके सब सर को जाने लग जाएंगे अरे यार ऐसे कैसे थोड़ी ना हो सकता है हा? भाई अरे यार तुम सिंपल सी बात समझो ना कि अगर मैं तुमसे कि नहीं घटना चाहिए तुम हीट रिलीज कर सकते हो कर लो राइट ऐसा हो सकता है नेक्स्ट है आइडियल कंडीशन में हो सकता है प्रभु दीनानाथ महेश्वर ये चाहे तो कर सकते हैं बाकी नहीं हो सकता तो हीट रिजेक्शन कहां होता है मेरे लाल कंडेंसर में होता है कहा होता है कंडेंसर में कंडेंसर में ठीक है फिर उसके बाद कह रहा है आइसिंग ट्रॉपिक और रिवर्सिबल एबेटिक एक्सपेंशन अब देखो भाई साहब आइसिंग ट्रॉपिक और एक्सपेंशन करना है एक्सपेंशन कहां पर होता है आप लोग यहाँ पर थ्रोटलिंग डिवाइस कौन कौन सोच रहा है थ्रोटलिंग डिवाइस लिखने का थ्रोटलिंग डिवाइस मत लिखते ना मेरे लाल गलत हो जाएगा आंसर पता है क्यों क्योंकि थ्रोटलिंग डिवाइस में एंथेलिपिकॉन्टेंट होती है और ये साहब बता के गए कि आइसिंग ट्रॉपिक है मतलब एंट्रोपिक कॉन्स्टेंट है और अगर एंसट्रॉपिक कॉन्स्टेंट है तो क्या हम थ्रोटलिंग वॉल्ड लिख सकते हैं नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंशन डिवाइस राइट ये क्या है एक्सपेंशन डिवाइस है एक्सपेंशन डिवाइस जिसने मेरी मैराथन क्लास ली होगी उसको पता होगा बहुत डिटेल में हमने इसके बारे हीट ऐड करना है ठीक है कह रहे हीट एडिशन होगा. है ना? हीट एडिशन होगा और बोल रहे हैं आइसोथर्मल लेकिन टेम्परेचर गर्म नहीं होना चाहिए है ना? मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुमको गर्म तवे पे बैठा दिया जाए लेकिन तुम ये ना बोलो कि तुम्हें गर्म लग रहा है <laughs> राइट तुम हीट ले लो तुम बिल्कुल फ्राई हो जाओ लेकिन तुम गर्म ना रहो ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, है ना आइडियल कंडीशन है इसमें तो कुछ भी हो सकता है उनको लिखना था लिख दिए कहते हैं हम लिख दिए करना तुमको है <laughs> कर लो जैसे करते बने लेकिन अगर ऐसी साइकिल हुई तो ये आइडियल साइकिल कहलाएगी और इसमें सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा क्योंकि चारों की चारों साइकल्स सॉरी प्रोसेसेस कैसी हैं रिवर्सिबल है और अगर ये सारी प्रोसेस रिवर्सिबल हैं तो हीट लॉस जीरो और अगर हीट लॉस जीरो तो वर्क डन मैक्सिमम आप ले सकते हो आउटपुट आप इससे मैक्सिमम ले सकते हो राइट है ना तो यहां पर आइसोथर्मल हीट एडिशन किसमें किया जाता है इवेपोरेटर में।, में राइट तो ये चार डिवाइसेस थी जो आप लोगों के इसमें यूज हुई अब इन्होंने भाई साहब जब इतनी साइकिल बताई है तो इनका सीओपी ओपी भी बता दिए होंगे बताए तो होंगे आओ देख लेते हैं क्या दिए हैं तो देखो सीओपी भी इन्होंने बता दिया क्या बोला है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट भाई 2+2=4 होता है तो कार्नोट साहब हो या फिर हम हो तुम हो कोई भी हो 2+2 4 ही होगा

इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मतलब पढ़ पा रहे हो ना लिखा हुआ है रिवर्स इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली रिवर्स नॉट सी ओपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग ये सारी चीजें दिख रही है ना हम्म ये ऐसा सोच कैसे लिए अब यार ये तो ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया मेरे भाई <laughs> मैं बता रहा हूं ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया ठीक ओके समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं

ठीक है, नहीं पूछते तो वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव किलो वॉट भी होती है अगर वन टी आर के बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू दो सौ दस किलो जूल पर सेकेंड भी होती है है ना? किलो जूल पर सेकेंड नहीं मेरे लाल मिनट में होती है और इसकी वैल्यू एक और वैल्यू होती है दैट इज फिफ्टी किलो कैलोरी पर आर राइट right, मेरे भाई पर आर में नहीं पर आर में नहीं होती पर मिनट में होती है तो मिनट वाला टर्म इसमें ध्यान में रखना तो वन टी की तीन वैल्यूज और तीन क्वेश्चन इससे बनते हैं जिससे बार बार पूछा जाता है ठीक है ओके आप कुछ भी बोलिए नहीं फंसेंगे कोई बात नहीं हम्म चलो क्लियर दिख रहा है ना बहुत बढ़िया ओके अब गई यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है जो आप लोगों से पूछते हैं कि मान लो मुझे बर्फ जमाने का है ठीक है मेरे को बर्फ जमाने का है बर्फ अगर मुझे जमानी है तो किस मौसम में बढ़िया बर्फ जमेगी जल्दी बर्फ जमेगी और मेरा बिजली का बिल भी कम आएगा किस मौसम में गईज अगर मुझे बर्फ जमानी है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर किस मौसम में बढ़िया बर्फ जमेगी बताओ जरा <laughs> प्रियांशु भाई यार सी टी बैच में नहीं थे क्या <laughs> जो मजा आए भाई सच में आज का सुबह 11 बजे वाला जो सेशन था मतलब हो हाँ गई थी भाई साहब इतने मजे से क्वेश्चन करें ओके okay, विंटर अब विंटर में क्यों होता है क्योंकि मुझे सीओपी पता है राइट right? और सीओपी क्या है दैट इज टी लोअर अपॉन टी टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर राइट और गाइज यहां पर अगर मैं विंटर के बारे में बात करूंगा तो विंटर के बारे में ये जो टी लोअर की वैल्यू है ये कम होगी अब टी लोअर तो चेंज नहीं हो रहा टी हायर की वैल्यू कम हो गई तो ये टी हायर माइनस टी लोअर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है और जैसे डिक्रीज होता है है ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। राइट इसीलिए आप लोगों ने ये वाली चीज भी नोटिस करी होगी ठंडियों में कितना भी खाना खा लो सब पच जाता है तुम्हारी भी सी बढ़ जाती है फील करो ज्यादा खाना भी खा लोगे ना ठंडियों में कभी किसी को फूड पॉइजनिंग नहीं होती ठंडियों में कभी किसी को ऐसा नहीं होता कि बहुत खाली है सर अब नहीं जा रहा है अंदर अब तो तबीयत खराब हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होता ठंडियों में ठंड लग सकती है लेकिन खाना खाने की वजह से तबीयत नहीं खराब होती भाई ये ठंड का उसूल है और गर्मियों में मोस्ट ऑफ द टाइम टी हायर ज्यादा होता है तो सी कम हो जाती है इसकी सी कम हुई तो तुम तुम्हारी भी तो होगी समझो सब कुछ कनेक्टेड है नेचर से राइट तो इसका रीजन लिख सकते हो दैट इज टी हायर का जो टेम्परेचर समर में होता है वो ज्यादा होता है और टी हायर विंटर में जो होता है वो लोअर होता है इसलिए आप लोगों को बताऊं कि ठंडियों में जो आप लोगों का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया वर्क करता है इसलिए ठंडियों में जो रेफ्रिजरेशन की कूलिंग कैपेसिटी है उसको कम किया जाता है आप फ्रिज में जो एक रेड कलर का वो नहीं होता है uh, क्या बोलते हैं उसको रेगुलेटर राइट right? उसको चेंज करते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं गईस अगला आप लोगों को दिखाता हूं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट और प्रेशर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ये चीजें बार बार याद रखिएगा ठीक है और मैंने बताया हुआ है टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट किसका होगा भाई वाटर के बारे में बात करेंगे वाटर के क्रिटिकल पॉइंट की मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर कितना होगा क्रिटिकल पॉइंट पे वाटर का प्रेशर कितना होगा तो क्रिटिकल पॉइंट पे वॉटर का टेम्परेचर होता है तीन डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर होता है वो होता है दो दो बार का ठीक है और ऐसा कहा जाता है कि वेट रीजन में कभी भी हम पी वी कोस्टू एमआरटी नहीं लगा सकते ठीक है इस चीज को याद रखिएगा ये चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछी जाती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं गाइज वी सी आर एस में वाह भैया वाह आर एस वी सी आर एस का सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताऊंगा वीसीआरएस का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अब जैसा नाम वैसा काम इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वेपर इकट्ठी कर रहे हैं और वेपर इकट्ठी करने के बाद हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं कंप्रेस करने के बाद रेफ्रिजरेशन का फील ले रहे हैं और फील करने के बाद वेपर को वापस यूज कर रहे हैं ऐसे जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कंप्रेशन का का आप लोगों को लाइफ फील दिलाता हूं फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है ठीक में समझ में आ गया था जिसने नहीं देखा है वाला भी सेशन, वो जरूर देख लेना। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए जिसको खूब गुस्सा दिलाया जाएगा फिर उसको शांत कराया जाएगा बताओ बोलो जल्दी बताओ कौन वॉलेंटियर बनेगा ठीक है बहुत मस्ती के साथ समझेंगे मजा आएगा फुल ऑन मजा आएगा हाँ प्रियांशु प्रियांशु तुम कोई बना दे वॉलेंटियर जी चलो तो गईज नहीं प्रियांशु के पहले शुभम ने बोल दिया शुभम बनेगा ओके तो गई शुभम हम हमारा वॉलेंटियर है अब देखो शुभम को गईज गुस्सा आता है ना कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोगों का मूड खराब है किसी ने आकर के आपको चमका दिया अच्छे से है ना खूब डांट लगा दी खूब सारा है ना पास में आए दो मुक्के भी जड़ दिए क्या ये लो स्वाद वाले मुक्के खा लो है ना अब तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है ठीक है अब जब तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है उस समय अगर कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें जबरदस्त वाला गुस्सा दिला दे, दे जबरदस्त वाला तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल हाइपर हो रखा है और तुम शांत हो क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं सकते उस समय है ना तुम बिल्कुल मर्यादा में हो और तुम कुछ बोल नहीं सकते फिर उसके बाद मान लो अनुज आ जाए ठीक है शुभम के पास अनुज आया और अनुज ने थोड़ा सा शुभम को परेशान करने की कोशिश करी उसको पूछा कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ बताओ है ना और शुभम ने अपना पूरा का पूरा गुस्सा अनुज के ऊपर निकाल दिया अरे क्या बात कर रहे हो यार जब देखो तो मुझे परेशान करते रहते हो तो इस तरीके से ये वो इस तरह नहीं चलेगा ऐसे ऐसे करते हुए राइट और इतना जितना गुस्सा था पूरा का पूरा गुस्सा उसने अनुज के ऊपर निकाल दिया राइट अब गाइज आप लोगों को ये वाली बात भी पता होगी अगर कभी हम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गलती से अगर हमें गुस्सा निकालने का मन किया है ना गलती से अगर हमने गुस्सा किसी के ऊपर हम फट पड़े तो भाई साहब फिर उसको तो इतना ज्यादा सुनाते हैं इतना ज्यादा सुनाते हैं कि उसको सुनाने के बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो बाद में आपको ही गिल्ट लगने लग जाता है ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आपको ही गिल्ट फील हो रहा हो कि अरे यार बेकार में सुना दिया उसकी तो गलती भी नहीं थी यार बताओ सुना दी है उसको है ना गिल्ट फील होता है जब आपको गिल्ट फील होता है तो फिर आपको लगता है यार क्या हो गया फिर सॉरी और भी बोलते हो है ना फिर सामने वाला इंसान तुमको बताता है यार ठीक है तुमने बोल दिया लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए था है ना फिर सामने वाला गुस्सा भी दिखा रहा होता है तो तुम शांत रहते हो कि भाई ठीक है तू दिखा ले गुस्सा यार तू मेरा भाई है है ना मेरा यार है तू तू नहीं मेरा गुस्सा सा है मैं तेरा गुस्सा सा होगा राइट है ना वो इतना गुस्सा नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको पता है तुम गुस्से में थे है ना फिर जैसे ही तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ तुमको वापस भेजा जाएगा तुमको वापस गुस्सा दिलाया जाएगा है ना इन द सेम मैनर यहाँ पे हम काम करते हैं किसके साथ रेफ्रिजरेंट के साथ रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट ये वही इंसान है जिसको गुस्सा दिलाते हैं फिर उसके बाद इसको शांत कर देते हैं और फिर शांत करने के बाद वापस से इसको गुस्सा दिलाते हैं और अपना काम करते रहते हैं ठीक है चलो अब देखो कहानी सुनाता हूं कहानी सुनो मुजुबानी सुनो तुम्हें मजा आएगा ठीक है ओके तो गाइस पॉइंट ये वाला है कि यहां से रेफ्रिजरेट जाता है यहां पर ऊपर यहां पे लगा हुआ है गाइस कंप्रेसर क्या लगा हुआ है कंप्रेसर ठीक है अब ये कंप्रेसर क्या करेगा ये कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा इस रेफ्रिजरेंट को कौन गया अंदर के गया ठीक है कंप्रेसर ने इसको कंप्रेस करना शुरू करा अब जैसे ही इसको मतलब कम्... कंप्रेसर वाला है गजब वाला प्रेशर बढ़ चुका है क्योंकि ने इसको जी भर के गुस्सा दिला दिया अब जब तुम्हें तो गुस्सा आता है तुम्हारा भी बॉडी गर्म हो जाती है तुम्हारे अंदर भी इतना प्रेशर होता है कि किसी ने मुझे थोड़ा सा ऐसे उंगली भी कर दी ना तो मैं उसके ऊपर पूरा फट पड़ूंगा जैसे बादल फट पड़ते हैं ना वैसे ही तुम भी फट पड़ोगे ठीक है अब गई क्या होगा कंप्रेसर से ये रेफ्रिजरेंट को गुस्सा दिला करके भेज दिया जाएगा कहा में। में मिलेगा? मिलेगा गुस्से को शांत करने की कोशिश करेगा और जैसे ही आपको कंडेंसर में भेजा जाएगा आपको पता है कि अब मुझे गुस्सा निकालना और जी भर की निकालो के गुस्सा निकालोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया मैं ये नहीं करूंगा मैं ये नहीं खाऊंगा जब भी देखो इनकी बात सुनी जाती है मेरी बात सुनी नहीं जाती मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है कदर ही नहीं है जितना हो सकता था पूरा का पूरा गुस्सा यहां पे निकाला साथ में जो बंदा था उसके ऊपर भी गुस्सा निकाल दिया तुम ही पूछ रहे थे ना सुनो अब क्या हो रहा है ठीक अब इसको गुस्सा आया था गुस्सा निकाला सामने वाले बंदे ना मुझने सारी बातें सुन ली बोला कोई बात नहीं थी। ठीक है तुम बोल लो ठीक है अब बोल लिया अब गईस क्या होगा अब उसका ना टेम्परेचर कम होगा

अब तुम्हारी मर्जी तुम्हारा जो मन करे पीने का कॉफी पीने का मैंने कॉफी पी लेना भाई है ना अब यहाँ पे लेके गए यहाँ पे क्या लगी हुई है थ्रोटलिंग डिवाइस लगी हुई है ठीक है उस प्रेशर को डिक्रीज करेगी राइट प्रेशर रिलीज करेगी जो प्रेशर इधर पे बना था टेम्परेचर तो इन्होंने हटा दिया प्रेशर यहाँ पे चाय पिलाने ले गए अब प्रेशर भी घट गया अब प्रेशर घटने के बाद वापस से इसको भेजा गया कहाँ पर इवेपरेटर पे इवेपोरेटर पे वही बंदा बैठा हुआ था बोल रहा था कि यार देखो ये तो सही बात नहीं है ना किसी और का गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल दिए ऐसा नहीं चल पाएगा यार कब तक मैं तुम्हें चाय पिलाने लेता रहू अच्छा अच्छा जाओ जा करके पहले पैसे दे दो फिर उसके बाद तुम मेरी बात सुनो कि यहाँ पर इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा फिर इस सामने वाले बंदे ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया लेकिन जब प्रेशर रिलीज हो जाता है जब टेम्परेचर रिलीज हो जाता है फिर उसके बाद आप लोगों को गईज यही वाला फील आता है कि यार बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया इतना करने की जरूरत नहीं थी है ना अब जब गिल्ट फील हो रहा होता है उस समय अगर कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा हीट दे भी दे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश भी करे तुम सब सह लेते हो कहते तो कोई बात नहीं यार अभी अभी किया था राइट और ये कहाँ पे काम होता है ये काम होता है भैया इवेपोरेटर पे इवेपोरेटर पे इसको वापस से हीट दी जाती है ठीक है शांति से ले लेता है कहना कोई बात नहीं इतनी तो बनती है भाई साहब खूब गुस्सा निकाले हैं अब रेफ्रिजरेटिव वेपरेटर पे आएगा थोड़ी सी हीट लेगा फिर उसको बोलेंगे अच्छा ले लियो हीट सुन लियो अच्छा सुनो अब जाओ अंकल जी बुला रहे हैं अब वापस से अंकल जी बुलाएंगे मतलब वापस से कंप्रेसर के पास जाएगा कंप्रेसर के पास गया थोक पीट करके इसको खूब सारा गुस्सा दिलाया गया खूब प्रेशर इंक्रीज कर दिए खूब यहाँ पर आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वापस से खूब गुस्से में था उसको वापस ले गया आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बताओ क्या हुआ अच्छा अच्छा बताओ बताओ अच्छा हमको बताओ हम सुन अपना पूरा गुस्सा निकालेंगे गुस्सा निकालने के बाद फिर उसको वापस से कहां भेजेंगे एक्सपेंशन की प्रोसेस होगी राइट कंप्रेस कर दिए थे वहां पे यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा मतलब एक्सपेंड होगा चाय वाय पे लाए बोले ठीक है फिर उसके बाद थोड़ा सा सुनाए फिर उसके बाद बोले सुन बुलाया जा रहा है जाओ जरा है ना फिर उसको बुलाया जाएगा कंप्रेसर में फिर उसके बाद उसको गर्म करे खूब ज्यादा कंप्रेस करके उसको गुस्सा दिलाए फिर उसका गुस्सा निकाला गया फिर उसके बाद यहां लेके आए फिर उसके बाद ट्रांसफर कराया और यही प्रोसेस आपकी बार बार चलती रहेगी और ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा इसमें समझना गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जब इनको गुस्सा दिलाया गया तो इनको बना दिया गया वेपर फॉर्म में ठीक वेपर फॉर्म में वेपर फॉर्म में जी भर के गुस्सा दिला करके कंप्रेस वंप्रेस करने के बाद इनका पूरा गुस्सा शांत करा गया और उनको वापस से किस फॉर्म में लेकर के आ गए लिक्विड फॉर्म में राइट right? वेपर बनाओ गुस्सा दिला के टेम्परेचर बढ़ाओ फिर बाद में टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको बना दो फिर लिक्विड से वेपर बनाओ वेपर से टेम्परेचर बढ़ा करके फिर हीट रिलीज करो फिर वापस से लिक्विड बना दो ये वेपर और लिक्विड का खेल चलता रहेगा यहां पर वेपर का कंप्रेशन करते हैं और उसी के बेसिस में हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को फील करते हैं इसलिए बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टॉपिक का नाम रखा गया है दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम समझ आया रेफ्रिजरेशन सिस्टम दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये नाम रखा गया इसका और इस तरीके से वीसीआरएस की शुरुआत होती है यहां पर अगर देखा जाए तो हीट का ट्रांसफर किसमें होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और अगर देखा जाए हीट का एडिशन ये भी किसमें होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है यहाँ पर ये यह जो एक्सपेंशन होता है इस पॉइंट पे आप लोगों की एंथेल्पी दैट इज टोटल हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है एंथेल्पी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है मेरे लाल और यहाँ पर जो आप लोगों का कंप्रेसर है ये कंप्रेसर आप लोगों का रिवर्सेबल एडियाबेटिक और आइसेंट होता है ठीक है तो ये आप लोगों का वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बन जाता है ठीक इसमें किसी को डाउट कोई परेशानी कोई तकलीफ मतलब देख रहे हो रेफ्रिजरेंट बेचारा कुछ नहीं करा उसने जबरदस्ती गुस्सा दिलाते हैं हीट रिलीज करते हैं फिर किसी और का गुस्सा उसके ऊपर दे देते हैं फिर हो जाता है फिर और गुस्सा दिला करके फिर हीट रिलीज करते हैं फिर उसके बाद वो वापस आता है फिर उसको किसी और का गुस्सा दिला देते हैं फिर वो आगे जाता है और इसी तरीके से इसका काम चल रहा होता है कितना शोषण हो रहा है इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर देख रहे हो वेपोरेटर में लिक्विड एंटर करता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जी प्रशांत बिल्कुल और लिक्विड एंटर नहीं करता है ये लिक्विड लिक्विड और वेपर का मिक्सचर एंटर होता है भाई बिल्कुल ही स्टेट में थोड़ी ना आ जाएगा कुछ तो वेपर पे रहेगा ना राइट तो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर एंटर करेगा और वेपर बाहर निकलेगा अगर तुम्हारा वेपरेटर ठीक है नहीं तो पता चला लिक्विड और वेपर का मिक्सचर एंटर करेगा और वहां पर लिक्विड और वेपर ही मिलेगी हाँ लेकिन वेपर थोड़ा अच्छी मिल जाएगी समझ आया नो डाउट नो तकलीफ नो no परेशानी बहुत बढ़िया इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है हम्म और इन सब चीजों के लिए भी गरुण पुराण में इसकी सजा दी गई है ठीक है फ्लैश चैम्बर अच्छा सर कंप्रेसर में लिक्विड देना है क्या लिक्विड देना है तो क्या होता है मतलब कंप्रेसर में लिक्विड अच्छा तुम ये कह रहे हो कि वेपर की जगह हम कंप्रेसर में लिक्विड दे दें तो क्या होगा भाई कंप्रेसर ना ये सुइसाइड कर लेगा क्योंकि लिक्विड जब आप बोल देते हो गई तो, तो लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है वो कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा तो ये क्या करे नौकरी छोड़ दे अपनी <laughs> कंप्रेसर कंप्रेस ही नहीं कर पाएगा भाई इनकम्प्रेसिबल फ्लूड को दैट इज लिक्विड अगर तुमने कंप्रेसर के अंदर डाला तो कंप्रेस ही नहीं होगा ठीक फ्रॉम फ्लैश चैम्बर रेफ्रिजरेट डायरेक्टली गोज इन टू देशर इट मे डायरेक्टली गोज टू दंड इज अच्छा वाह गजब का गंदा कॉन्सेप्ट बनाया धीरज तुमने राइट बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है भाई साहब यहाँ पर इवेपरेटर से जो फ्लैश चैम्बर है फ्लैश चैम्बर की जब कहानी सुनाऊंगा धीरज ये वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके रखो वहां पर लिखना है ना वहां पर बताऊंगा ठीक है हम्म ठीक चलो और किसी का कोई डाउट आगे के डाउट भाई आगे बताता हुआ चलूंगा पूरी आपको आ समझानी है ठीक चलो और बताओ क्या और सब बढ़िया सर आप सुनाइए है ना चलो आगे बढ़ते हैं तो गई इसी की कहानी है जो यहां पर लिखी हुई है ठीक है अब गाइज इसका थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बताना चाहूं तो इसका डायग्राम बनता है कुछ ऐसा ठीक है इसका डायग्राम बनता है कुछ ऐसा अब अगर तुम इस डायग्राम को थोड़ा सा फील करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई साहब वन से टू की प्रोसेस ये जो वन से टू की प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन और ये स्टार्ट होगी तो ये एट वन पे तुम्हें क्या मिलेगा सेचुरेटेड वेपर मिलेगा ठीक है हो सकता है सैचुरेटेड वेपर क्या ड्राई सैचुरेटेड वेपर बोल दे बात वही है ठीक है यहां पर पॉइंट टू पर तुम्हें क्या मिलेगा सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी ठीक है ये जो पॉइंट थ्री दिख रहा है इस जगह पे तुम्हें सेचुरेटेड लिक्विड मिलेगा ठीक है और ये जो फोर्थ पॉइंट तुम्हें दिख रहा है इस पॉइंट पे तुम्हें मिलेगा लिक्विड और वेपर का मिक्सचर प्लस वेपर का मिक्सचर मिलेगा ठीक है और गाइज ये जो थ्री से फोर की प्रोसेस है दैट इज

अब गाइज यहां पर अगर देखा जाए तो टू टू थ्री की प्रोसेस टेढ़ी लाइन और ये सीधी लाइन आ रही है ये लाइन आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है जिसमें हम लोग हीट एक्सचेंजर्स लगाते हैं एक हीट एक्सचेंजर का नाम है कंजेंसर और एक हीट एक्सचेंजर का नाम है इवेपोरेटर कंजेंसर हीट रिलीज करता है एज आप लोगों का इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करता है ठीक समझ आ गया ठीक है ओके okay, चलो अब इसमें गाइज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो गाइज हमारी दिल की तमन्ना क्या है हमारी दिल की तमन्ना है कि हमारा पानी ठंडा हो और हमारा पानी ठंडा होगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमें देखने के लिए मिलेगा आप लोगों के इवेपरेटर पे तो दिस विल बी अवर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और आप लोगों का वर्क इनपुट कहाँ किया जा रहा है वर्क इनपुट किया जा रहा है आप लोगों का कंप्रेसर पे भाई कंप्रेसर किससे चलाओगे हाथ से नहीं बिजली से चलेगा और अगर कंप्रेसर बिजली से चलेगा मेरे लाल तो यहां पर आप लोगों का वर्क इनपुट किस में होगा कंप्रेसर पे ठीक है ओके अब यहां पर एक चीज और आती है कि भाई साहब इसमें मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं किस तरीके से एनर्जीज के बारे में बताऊं तो थर्मोडाइनेमिक्स में मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल हीट कैपेसिटी टोटल हीट कैपेसिटी मतलब टोटल एनर्जी एंड दैट टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एंथेल्पी सो इन टर्म्स ऑफ एंथेल्पी वी विल गिव, गिव द आंसर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का हमारा क्या हो जाएगा दैट इज ये जो आप लोगों का दिया हुआ है यहां पर एच वन ठीक है

बारह तेरह साल तो हो गए होंगे गाइस इट्स बारह तेरह साल हो गए ठीक नितिन पंद्रह दिन हो गए तेरह साल पंद्रह दिन बोलना चाह रहे हो नितिन मतलब तेरह साल प्लस पंद्रह दिन ऐसे बोलना चाह रहे हो ना हम्म हाँ आंसर दे रहे तुम खी की कर रहे हो ये देखो हे हे हद है यार अरे सही में भाई हद नितिन बताओ यही कहना चाह रहे थे ना तुम हंस रहे हो यार <laughs> हंस क्यों रहे हो मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला हंसने के लिए हाँ देखो नितिन भी बोल रहा है ओके चलो ठीक है ओके तो रेफ्रिजरेशन जो आप लोगों का वीसीआरएस है उसकी जो सीओपी है ये पता चल गया ओके okay. लेकिन गईज एक चीज है ना जो मैं आप लोगों को बताता हूं सिंपल सा फंडा कि भैया अगर आप लोगों को कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो उसमें मजा नहीं आता है ना अब वीसीआरएस की सीओ पी निकल गई थी ठीक है एग्जामिनर पूछ लेता लेकिन नहीं अभी हमने इसमें एनालिसिस करनी है अब ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऊपर नीचे करके देखते हैं यहाँ की प्रेशर लाइन ऊपर नीचे करते हैं और इसकी एनालिसिस में चलते हैं कि क्या क्या और हो सकता है भैया और क्या क्या हम कर सकते हैं वी सी आर एस के साथ सब पता करें

मास फ्लो रेट जो हमने मास फ्लो रेट लिखा है इसमें जो एम डॉट है यह एम डॉट क्या होता है मेरे लाल मास फ्लो रेट कहलाता है मतलब कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है के जी पर सेकेंड पे ठीक है कि एक सेकंड में कितना मास गया होगा वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट रेट रेट मतलब दाम नहीं पैसे की बात नहीं हो रही यहां पे। रेट का मतलब होता है टाइम से कहीं ना कहीं टाइम का आएगा ही आएगा। जाएंगे दैट इज योरेट और अगर इसी मास फ्लोरेट को मैं मल्टीप्लाई कर दू अपने रेफ्रिजरे तो आप लोगों को क्या मिल जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आप लोगों की ली जाती है किलो वॉट में कई बार काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जी ये कैसे आ रहा है तो देखो मास फ्लो रेट की यूनिट क्या है दैट इज के पर सेकेंड राइट और जो आप लोगों का यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या हो जाता है आप लोगों का किलोजूल पर के अब यहां से के और के अगर मैं उड़ा दू तो आप लोगों को क्या मिलेगा दैट इज जूल पर सेकेंड और किलो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं किलो वॉट बोलते हैं देख लीजिए तो इस तरीके से आप लोगों की यूनिट का भी कन्वर्जन हो जाता है अलॉन्ग विध अगर मैं बात करूं आप लोगों से वर्क इनपुट तो वर्क इनपुट के रेट को अगर मैं कन्वर्ट कर लूं कि वर्क इनपुट एच टू माइनस एच वन दिया मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का पावर इनपुट राइट जब भी कभी वर्क डन होता है तो हमने कहा इतना वर्क डन करा हमने कहा बहुत बढ़िया कितने टाइम में करा तो अगर मैं वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में बता दूं तो वो मेरी पावर बन जाती है ठीक है वर्क डन टाइम के रिस्पेक्ट में बताऊं तो मेरी पावर बन जाती है फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपना हाथ इधर से पीछे से लेकर के सामने ऐसे आपके गाल में आधार कार्ड छापने जा रहा हूं ठीक है ऐसे आपके गाल में इस तरीके से ऐसे घुमा करके आधार कार्ड छापने जा रहा हूं जैसे ही मैं आधार कार्ड छापने जाऊंगा और अगर मैंने यहां से लेकर के आपके गाल तक आने में दस सेकेंड का टाइम लगाया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहां तक पहुंचा और अगर मैं यहां तक पहुंचा तो क्या पावर मेरी ज्यादा होगी कम होगी कम होगी और अगर मैंने एक ही सेकंड में घुमाया दिया राइट? तो पावर बढ़ गई तो विद रिस्पेक्ट टू तो टाइम हम पावर को डिफाइन करते हैं ठीक है और टाइम जितना ज्यादा पावर उतनी कम और का टाइम जितना कम पावर उतनी ज्यादा समझ में आया मेरे राजा बोलो ठीक है तो पर यूनिट टाइम पे जब वर्क डन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाल उसको हम लोग बोलते हैं आप आप लोगों लोगों की पावर इनपुट इन चार से के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं इसको भूलिएगा है नहीं भी आप लोगों को आगे बढ़ते नाउ द थिंग इज ड्राई कंप्रेशन क्या होता है जैसे कि तुमने एक सूखी टी शर्ट पहनी है तो वो क्या हो गया ड्राई टी शर्ट अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारी टी शर्ट में पानी गिर गया तो तुमने गीली टी शर्ट ही पहन ली या फिर आधी गीली पहन ली तो वो क्या हो गई वेट आ, आप लोगों की टी शर्ट हो गई इसी तरीके से अगर मैं यहां पर दिखाऊंगा तो जैसे कि मैंने आप लोगों का टी एस डायग्राम बनाया दिस इज टी एस डायग्राम ये सेचुरेशन कर आप लोगों की वी सी आर एस की साइकर्व ठीक दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर ये वाला जो पॉइंट वन है इसको मैं क्या बोलता हूं सैचुरटेड वेपर या फिर ड्राई वेपर अगर इसी को ही मैं वेट रीजन के अंदर लेकर जाऊं जो कर्व के अंदर का रीजन इसे हम क्या कहते हैं वेट रीजन कहते हैं अगर मैं इसी को ही ऐसे लेकर के आ जाऊं मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से कोई प्रोसेस बनाई अब देखो ये वाला पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है सेचुरेशन कर्व के अंदर से राइट तो जो रेड वाला है वो सैचुरेशन कर्व के अंदर का है तो रेड वाला क्या हो गया आप लोगों का वेट कंप्रेशन हो गया और जो आप लोगों का ग्रीन वाला है वो सैचुरेशन कर्व पर या सेचुरेशन कर्व से बाहर है तो वो आपका ड्राई सेचुरेटेड हो गया ड्राई कंप्रेशन हो गया तो जब कंप्रेशन में लिक्विड और वेपर दोनों मिल जाए तो वो क्या हो जाता है आप लोगों का वेट कंप्रेशन और जब कंप्रेशर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेपर मिल जाए तो वो क्या होता है आपका ड्राई कंप्रेशन ठीक है यही सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दिया है एंट्री पॉइंट टू द कंप्रेसर इज फ्रॉम द सेचुरटेड वेपर इसको हम क्या बोलेंगे ड्राई एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए वन और अगर एंट्री पॉइंट कंप्रेसर का इन वेट रीजन है फ्रॉम वेट रीजन देन इट इज अचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर एंड इट विल नोन एज वेट कंप्रेशन ठीक है ओके अब यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ द वेट कंप्रेशन भाई कंप्रेशन क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज ये है कि कंप्रेशन के अंदर जितने लुब्रिकेंट है जो उसको ठंडा करने के लगे आपने लिक्विड और वाटर दोनों दे दिया तो जो आप लोगों का लुब्रिकेंट है वो क्या हो जाएगा वॉश अवे हो जाएगा वो बह जाएगा वो निकल जाएगा बाहर फिर उसके बाद एक चीज और हो जाती है जब भी कभी मैं बात करता हूँ आप लोगों से वियर एंड टियर की तो भाई लुब्रिकेशन है नहीं तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा और अगर फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बढ़ जाएगा तो ठीक है आप लोगों की और पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इफेक्ट ऑफ वेरिएशंस इन पैरामीटर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआरएस इसका कहने का मतलब क्या है यह मैं आपको समझा देता हूं अब ये चाचा हमको बताएंगे कि अगर मैं मान लो इवेपरेटर का प्रेशर कम कर दूं तो क्या मिलेगा अगर मैं कंजेंसर का प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या मिलेगा वर्क इनपुट क्या होगा आप लोगों का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा आप लोगों की सीओपी क्या होगी ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी राइट right? तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूं डिक्रीज इन इनटर प्रेशर एवापरेटर का प्रेशर कितना था 4 इसको डिक्रीज कर दिया क्या हो गया 4 अब अगर देखा जाए तो ये डायग्राम पे ही देखने के लिए मिल रहा है कि इसका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो घट रहा है और इसका जो वर्क इनपुट है वो बढ़ रहा है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा वर्क इनपुट बढ़ेगा तो भाई साहब जो आप लोगों की सीओपी होती है वो क्या हो जाती है सीओपी इज नथिंग बट इट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है वर्क इनपुट बढ़ रहा है तो सॉरी uh, हा वर्क इनपुट बढ़ रहा है तो सीओपी आप लोगों की क्या होगी घटेगी राइट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं लेकिन मैंने इसमें नोट ऐड कर दिया था राइट कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा तो कंडेंसर प्रेशर अपॉन अपॉनिपरेटर प्रेशर तो अब देखो पहले इन दोनों के बीच का गैप इतना था राइट अब प्रेशर अगर मैंने घटा दिया तो इनके बीच का गैप बढ़ गया और अगर बीच के गैप का बढ़ा तो भाई कंडेंसर प्रेशर अपॉन वैपरेटर प्रेशर का रेशियो बढ़ जाएगा और अगर ये रेशियो बढ़ा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी घट जाएगी क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी का भी फंडा यहीं से ही आता है राइट चलो जिग्नेश सर जी प्लीज आपका जो आई ड्रॉप का नेम बताया था प्लीज बताइए ना वो था हाईलोटियर करके था ठीक है हाईलोटियस करके आया था हाइलोटियर ही था आई गेस जस्ट अ सेकेंड ना हाँ आइलोटियर्स या फिर आइलोसॉफ्ट दोनों का फॉर्मूला सेम है और वो फॉर्मूला है ठीक है जिग्नेश हम्म okay. hmm. सर खुद से पढ़ने से ज्यादा अच्छे आपके पढ़ाने से यह बुक समझ में आ रही है क्या बात है यार राज बहुत ही बढ़िया एटलीस्ट समझ तो आ रही है ना और मजा भी आ रहा होगा सारी कहानियां याद हो रही होंगी है ना ओके okay. क्लियर है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े जिग्नेश मिटा दू नोट कर लिया यह लिखा दो। चलो आगे बढ़ते हैं क्या ही फर्क पड़ा रहा है ओके तो गाइस अब अगर मैं कंडेंसर प्रेशर बढ़ा दूं देखो भाई साहब कंडेंसर प्रेशर बढ़ाओगे फिर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी ये देखो डायग्राम से ही पता चल रहा है पहले बीच की डिस्टेंस इतनी थी अब बीच की डिस्टेंस इतनी बड़ी हो गई तो अगर इतनी बड़ी हो गई तो मतलब यहां पर प्रेशर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट गई ठीक अब देखो यहाँ पर पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फोर से वन था लेकिन अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फोर डैश से वन है मतलब कहने का कि इतनी बड़ी लाइन से इतनी छोटी लाइन हो गई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया यहां पर पहले वर्क डन वन से टू था अब वर्क डन वन से टू डैश है मतलब वर्क डन बढ़ गया तो सीओपी क्या हो जाएगी आप लोगों की घट जाएगी क्लियर है तो मतलब आप लोगों ने क्या सीखा मतलब आप लोगों ने सीखा कि अगर मैं इवेपरेटर प्रेशर को घटा दू या फिर कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा दू तो मेरी सीओपी घट जाती है ठीक है ये ड्रॉप किसके लिए आई ड्रॉप दैट इज फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ आइस है ना क्या होता है कई बार हम लोग फ़ोन में कई जा कई बार रहते हैं लाइट्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर आप लोगों का जैसे ड्राई आंखें हो जाती हैं ना तो आंखें दर्द होने लग जाती हैं कई बार लाल काला दिखने लग जाता है, है ना तो वो आई ड्रॉप जो है वो मतलब आँखों से आपकी थकान मिटा दे ऐसा समझ लो है ना आपको लुब्रिकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करती है तो मुझे ज़रूरत पड़ती है और वो लुब्रिकेशन कोई भी यूज कर सकता है जो बहुत ज्यादा फोन स्क्रीन देख रहा है लैपटॉप पे सामने बैठा हुआ है लाइट्स में बहुत ज्यादा रहता है उसके लिए होती है ठीक है क्लियर है सभी को ओके okay. आगे बढ़ते हैं गई अगला है सुपर हीटिंग सुपर हीटिंग कहने का मतलब क्या है सुपर हीटिंग कहने का मतलब है कि भाई साहब हमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है नींद भी मिटा देगी सर नहीं भाई नींद नींद तो नहीं मिटाती है है ना वो सिर्फ आंखों की सुविधाओं के लिए ओके तो अगर हम लोग यहां पर आप सुपर हीटिंग के कॉन्सेप्ट में ऑलवेज रिमेंबर प्रेशर विल नॉट चेंज बहुत हल भाई साहब आराम से आ जाते ओके okay. गई एक सेकंड Yes, guys. Okay. मैं भी सेम। क्या हो गया भाई क्या बात कर रहा हूँ अच्छा वसीम <laughs> रजत सर का वेट कर रहे हैं चलो अच्छी बात है दैट्स गुड रजत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है बहुत मतलब जॉली नेचर है उनका मजा आता है उनके साथ ओके okay, सुनो यस गाइस ओके ठीक है अब यहां पर अगर मैं यहां पर ही सुपर हीटिंग करता हूं तो सुपर हीटिंग में क्या होगा सुपर हीटिंग में प्रेशर विल नॉट चेंज प्रेशर को हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं हम सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ठीक है अब जब मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो जो मेरी कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है वो इंक्रीज होगी देखो जरा क्या वो इंक्रीज हो रही है राइट अब पहले मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फोर से वन था लेकिन अब मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 डैश तक जा रहा है ठीक है अब मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 डैश तक जा रहा है मतलब कहने का क्या है कि मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा हाँ बढ़ा बिल्कुल बढ़ा राइट फिर उसके पास बस गुस्सा ज्यादा है लवकुश उनमें गुस्सा ज्यादा है नहीं यार वो कम गुस्सा करते हैं बेटा कभी हमारी क्लास में आओ कभी हमारी पेड क्लास में <laughs> लवकुश <लब> <laughs> सच बता रहे हैं तुम बाकी हमारे सूरमास से पूछो वो बताएंगे शिवम सर का गुस्सा ओके okay, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया और गाइज अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो यहाँ पर ये जो वर्कडन है वर्कडन भी बढ़ जाता है इसके ऊपर कम से कम 20 मिनट मैंने ज्ञान दिया था कैसे वर्कडन बढ़ता है है ना तो वर्कडन भी बढ़ गया रेफ्रिजरेशन भी बढ़ गया तो क्या मैं सीओपी के बारे में कुछ कह सकता हूं कैसे कहूंगा भाई साहब सीओपी आप लोगों की क्या होती है दैट इज डिजाइड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट अब भैया यहां पर आपका डिजायर्ड इफेक्ट भी बढ़ रहा है वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है तो सीओपी पे कैसे कुछ बोल सकते हैं मान लो डिजायर्ड इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया वर्क इनपुट कम बढ़ा तो सीओपी बढ़ जाएगी मान लो डिजाइड इफेक्ट कम बढ़ा और वर्क इनपुट ज्यादा बढ़ गया तो सीओपी घट जाएगी तो यहां पर कितना फंडा होता है यहां पर बस यही वाली चीजें होती हैं कि सीओपी का आप यहां पर कोई भी मतलब आंसर नहीं दे सकते सीओपी के बारे में नहीं बता सकते कि सीओपी आपकी घटेगी या बढ़ेगी राइट वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन सीओपी क्लियर है क्लियर है समझ आया क्या समझ आया गाइस ओके ओके okay. सर जी जो पी वाई क्यू सीरीज एवरेज वाई टी पे आती है प्लीज उसे रेगुलर कर दीजिए ना भाई रेगुलर ही तो है डेली पाँच बजे आप लोग आई मतलब डेली चार से छः चल रही है आप लोगों की वाई टी पर सीरीज हाँ मैं दो दो घंटे के लिए दो बार आ रहा हूँ है ना फिर उसके बाद दो तीन चार घंटे की क्लास लेके वीक में अभी आ जा रहा हूँ तो इट इज लाइक गाइज जो मेरी डेली एक एक घंटे की क्लास होती थी तो डेली में आप लोगों को कितना मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा चार घंटे पाँच घंटे लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को सात घंटे आठ घंटे मिल जा रहा हूँ है ना तो ओवरऑल अगर आप तुम एक हफ्ते का नोट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा टाइम तुम्हें वाई टी पे देने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ठीक है चलो बट क्वेश्चन में तो सुपर हीटिंग से भाई क्वेश्चन में वो आपको बताएगा कि वर्क डन में कोई चेंज नहीं हो रहा है देशराज जी अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया दैट वर्क डन इज सेम देन अब भाई एक सिंपल सा फंडा है सुपर हीटिंग में आप लोगों का H2 टू माइनस एच वन मतलब H2 टू डैश माइनस एच वन ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है अगर ये थोड़ा सा भी इंक्रीज हो रहा है तो वर्कडन इंक्रीज है ना अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट कर दू इफ इट इज कॉन्स्टेंट अब मैं वर्कडन चेंज नहीं कर रहा सेम वर्कडन पे अगर तुम सुपर हीटिंग करोगे तो एफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन अगर तुमने वर्क डन चेंज कर दिया या फिर वर्क डन तुम्हारा चेंज हो रहा है एफिशिएंसी के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते तो जी क्वेश्चन में ये वाली बात आएगी ठीक है कि हम लोग किस तरीके से वर्क डन पे खेलेंगे समझ आ गया चलो आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर इन वी सी में फ्लैश चैम्बर का कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं गाइस अब देखो एक सिंपल सा फंडा है यहां पर एक्सपेंशन डिवाइस होती है जिस एक्सपेंशन डिवाइस से आप लोग क्या करते हो प्रेशर को रिलीज करते हो प्रेशर डिक्रीज होता है जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो यहां पे हमें क्या मिलता है लिक्विड और वेपर का मिक्सर मिल जाता है लिक्विड और वेपर अब तुम तो एक बात बताना यह लिक्विड और वेपर हम भेजते थे इवेपोरेटर में और जैसे ही हम लिक्विड और वेपर को इवेपोरेटर में भेजते थे तो इवेपोरेटर का काम क्या है का बेसिकली काम है आ, कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगा सिर्फ यही काम है सिर्फ यही काम है राइट लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगा इवेपरेटर का यही काम है ठीक है और अगर इवेपोरेटर का यही काम है मेरे लाल तो आप लोगों को ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को इवेपोरेटर में भेजा है तो इवेपोरेटर वेपर को कहेगा तुम थोड़ा साइड हटो मुझे लिक्विड को वेपर में बनाने दो फिर जब सब कुछ वेपर बन जाएगा फिर उसके बाद इवेपोरेटर आगे भेज देगा पूरा का पूरा वेपर राइट अब हमारे दिमाग में आया कि यार वेपर अंदर जा रही है

तो आप इस ये जो आप लोगों ने देखा जहां पर वेपर और लिक्विड को चेंज कर दिया है मतलब वेपर और लिक्विड को अलग अलग करके भेजा जा रहा है एक ऐसी डिवाइस जो वेपर को डायरेक्टली कंप्रेसर तक पहुंचाए और लिक्विड को डायरेक्टली इवेपोरेटर तक पहुंचाए ऐसी डिवाइस का नाम है फ्लैश चैम्बर क्या नाम है फ्लैश चैम्बर और ये जो आप लोगों ने वेपर को डायरेक्टली भेजा है तो कहां भेजा है कंप्रेसर के पास कंप्रेसर इंतजार करेगा कहेगा ठीक है जितनी भी वेपर आ रही है आने दो फ्लैश चैम्बर से वेपर आई बोले आ जाने दो इवेपरेटर से वेपर आई आ जाने दो कंप्रेसर के पास तो सीधा क्या मिलेगा कंप्रेसर के पास तो डायरेक्टली वेपर मिलेगी भाई और अगर वेपर नहीं मिली लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिला तो फिर कंप्रेसर कैसा होगा वेट कंप्रेशन कर रहा होगा राइट right? समझ आया अब जो पहले से वेपर में है सुपर वेपर में बनेगा प्रियांशु एक बात बताओ अगर तुम यहीं पर ही सुपर वेपर बना दोगे तो कंप्रेसर अपनी नौकरी छोड़ दे क्या चाहते हो कंप्रेस पहले कोई था वो कहता था डायरेक्टली कंप्रेसर पे लिक्विड डाल दो अब डायरेक्टली कंप्रेसर पे लिक्विड डालेंगे लिक्विड कंप्रेस हो ही नहीं सकता इनकंप्रेसिबल होता है तभी कंप्रेसर की नौकरी छुड़वाने में लगे थे फिर उसके बाद अभी कोई था जो कहता है कि सीधा पे ही सुपर हीटेड वेपर बना दो तो अगर वेपर अंदर गई और सुपर हीटेड बनी तो कंप्रेसर क्या करे फिर से नौकरी छोड़ दे मत जीने दो बिचारे को मत करने दो काम घर द्वार नहीं है उसका जो चलाएगा अपना है हद बताओ ऐसे करोगे तुम मजाक कर रहे थे मजाक में बेचारी की नौकरी खतरे में डाल रहे हो और कह रहे हो मजाक कर रहा हूं मैं <laughs> ओके चलो रिवीजन में पूरा क्लियर हो गया ओके okay. तो गाइज अब यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा था, था। जहां पर उन्होंने किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था आई गेस जब मैं फ्लैश चैम्बर पढ़ाने वाला था तो मैंने बोला था कि जब मैं फ्लैश चैम्बर पढ़ाऊंगा तो डाउट अपना कॉपी पेस्ट करके रख लो पूछ लेना अगर वो स्टूडेंट अभी भी लाइव क्लास ले रहे हैं तो कृपया करके जरूर पूछिए कि यहाँ पर अः क्या कौन सा डाउट था फ्लैश चैम्बर को लेके जो डायरेक्टली कंडर तक आप लेके चले गए थे ओके okay. वेट कंप्रेसर को रोकने के लिए यूज़ करते हैं वाह धीरज वा वाह बहुत बढ़िया वैसे वेट कंप्रेसर को रोकने के लिए तुम को भी चेंज कर सकती हो <laughs> क्यों खराब एक... यार ये बड़ा अच्छा सीन होता है, है ना ये देख करके बड़ा दिल खुश हो जाता है कि कहते हैं कोई बात नहीं एक नई डिवाइस एक्यूमिलेटर लगा दो यहां पर फिर उसका जो वेट कंप्रेशर है उसको चेंज करा देंगे रोक देंगे ये नहीं कि वैपरेटर सुधर सुधरवा लो अपना खर्चे करेंगे दूसरी जगह ये नहीं कि सही जगह पे खर्चे कर लो भाई वैपरेटर ही ऐसा लगाओ ना जो डायरेक्ट लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर पाए ठीक <laughs> है ये मत करो कि भाई कहीं पर भी क्योंकि मान लो स्पेस नहीं है तुम्हारे तो पास क्या करोगे समझ में आया ठीक समझ आ गया भाई कोई डाउट? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से लिक्विड को कंप्रेस कर सकते क्या अरे हाँ बिल्कुल और क्या लिक्विड को कंप्रेस करके तुम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से सॉलिड बना सकते हो इतना कंप्रेस कर सकते हो तुम लिक्विड को खतरनाक कंप्रेस होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से सीधा सॉलिड बनेगा मेरे भाई राज सीधा मतलब मुझे बस एक बात जाननी है नॉर्मल एक बात जाननी है जो मैं बोलता हूं वो तुम लोगों के कानों तक पड़ती है बात की नहीं पड़ती है बस मुझे ये बताओ देखो मेरे कान तो ढके हुए हैं ठीक है लेकिन मुझे भी सुनाई दे जाता है तुम लोगों को आवाज आती है मेरी <laughs> राज कह भी राज जी सर अरे पगलू लिक्विड 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 इनकम्प्रेसिबल होता है लिक्विड को तुम कंप्रेस नहीं करते हो तुम किसी को भी बुला करके ले आओगे तो भी लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा सुनो दादा ठीक है लिक्विड कंप्रेस नहीं होता गैसेस स्टेट के मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है <laughs> फिर फ्लैश चैम्बर और में डिफरेंस क्या होता है अरे जिग्नेश तुम यहां से कॉन्सेप्ट सीखोगे ऑफिस में बढ़िया स्मार्ट बन जाते हो कभी बोल दिया करो शिवम सर की क्लास ले लो तुम लोग भी स्मार्ट बन जाओगे लेकिन नहीं तुम अपना सीक्रेट थोड़ी ना बताओगे है ना फ्लैश चैम्बर और का डिफरेंस होता है कि यहां पर ये जो वेपर है, इस वेपर को डायरेक्टली पहुंचा दे और लिक्विड को इवेपोरेटर में डाले सो दैट आप लोगों का इवेपोरेटर इसको वेपर में कन्वर्ट कर दे और इवेपोरेटर के साइज को घटा दे राइट इवेपोरेटर के साइज को घटा दे क्लियर है ये वाली बात समझ में आती है हाँ या ना ओके जिग्नेश में आऊंगा तुम्हारे उसमें है ना जो तुमने पांच मिनट का पांच परसेंट का ज्यादा ज्ञान दिया है उसमें भी आऊंगा ओके तो गाइस यहां पर इवेपरेटर को साइज को घटाने के लिए बेसिकली हम लोग फ्लैश चैम्बर का यूज कर रहे हैं और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना सीओपी बढ़ती है ना ही तुम्हारा कोई ऐसा कोई खास बिल्कुल तीर मार देते हो तुम लोग कुछ भी नहीं होता सिर्फ और सिर्फ इवेपरेटर के साइज को डिक्रीज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं फ्लैश चैम्बर की मदद से बट मान लो तुमने इवेपरेटर के साइज को कम भी कर दिया और कम करने के बाद भी तुम्हारा जो इवेपरेटर है वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है इतना कम प्रेशर हो रहा है इतनी हीट ही नहीं आ रही कि वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सके वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिल रहा है उसमें लिक्विड भले ही कम हो वेपर ज्यादा हो लेकिन 100 परसेंट लिक्विड नहीं मिल रहा एट दैट केस आपको एक्यूमिलेटर की जरूरत पड़ती है जहां पर 100 परसेंट तुम्हें वेपर चाहिए ठीक है ओके वाटर इज 100 टाइम्स कंप्रेसिबल देन स्टील ऑल दो इज इनकम्प्रेसिबल इतना घुमा के बताया गया है और सुनो गई जब भी कभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों की वाटर की और जब भी कभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों की स्टील की तो अब अगर वाटर भी लिया जाए ठीक है तो इसमें थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो वाटर कंप्रेस होगा और अप्रॉक्सीमेटली दो तीन चार पाँच परसेंट कंप्रेस होगा लेकिन तुम एक बात बताओ क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है मतलब इतना खाली हो तो, तुम कि तुम बैठ के वाटर ही कंप्रेस करते रहोगे फिर जितने भी हाइड्रोलिक क्यूमुलेटर और हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक मशीन और जितना भी हाइड्रोलिक्स से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस बने उन सबको तो ताला लगा के बंद कर देना चाहिए क्योंकि हाइराम हाइड्रोलिक्स हाँ, में पॉटर यूज होता है लिक्विड यूज होता है और लिक्विड तो कंप्रेस हो गया अब तो उनका काम ही नहीं हो पाएगा है ना मेरे लाल भाई कंप्रेस तुम तुम एक बात बताओ कंप्रेस करोगे किसको जो इतने से इतने में कंप्रेस हो सके या फिर कंप्रेस तुम किसको करोगे इतने से आ हो गया कंप्रेशन आ मजा आ गया भाई साहब बहुत बढ़िया कंप्रेशन हुआ पांच परसेंट कंप्रेशन भी कोई कंप्रेशन है अलग ही चल रहा है यार नेक्स्ट <laughs> लेवल खेल रहे हो तुम लोग इंजीनियर हो कल ही इंजीनियर्स डे मनाया है और आज ही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो शाम भी नहीं हुई है अभी अच्छे से और तुम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हो कंप्रेसर डाल दो लिखो तुम्हारा मन कर रहा है तुम डाल दो तुम इसमें तुम इसमें स्टील भर दो मुझे कोई तकलीफ नहीं है ठीक <laughs> बस तुम खुश रहो तुम खुश हो ना स्टील डाल दो कंप्रेसर से स्टील कंप्रेस कर दो मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारी मर्जी बाकी मुझे पता है <laughs> जिसको समझना था उसको समझ में आ गया है ठीक <laughs> चलो हाँ।, हाँ देखो प्रियांशु अब इसमें मेरा मन कर रहा है कि यार मैं तुमको एक इतना अच्छा सा आंसर दे दूँ इतना बढ़िया सा आंसर दे दूँ कि फिर तुम अगले कम से कम पंद्रह बीस मिनट तक कोई कॉमेंट ना कर पाओ लेकिन मैं थोड़ा सा शांत होकर के तुमको बोल देता हूँ कि हम गाइज हाइड्रोलिक्स में वाटर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वाटर में होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देती है जिससे कोरोजन वियर एंड टीयर इन, इन सबकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है है ना फिर भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम वाटर का यूज कर पाते हैं लेकिन इस तरीके से हाइड्रोलिक्स में हाई डेंसिटी का फ्लूइड जो होता है उसका लिक्विड का यूज करना ज्यादा बेटर होता है उससे कोरोजन वगैरह नहीं आ पाता ठीक है इसलिए हर जगह पे पानी मत घुसाया दिया करो कि सस्ता पड़ता है तो पानी लगा दिए अलग ही है भाई चलो आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आओ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं ये वाली थ्योरी मैंने पढ़ाई थी अब मैं तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन की थ्योरी मैंने बताई और वो सारी थ्योरी आपको किस में मिली है इस किताब में मिली है जो किताब मैंने आप लोगों को दिखाई थी दैट वॉज द बुक ठीक है जिग्नेश वो तो इस तरीके से तो बहुत सारे रीजनस हैं एक ही रीजन बता दिए हम और क्या रेडिएटर में भी कूलेंट का ही यूज होता है हर जगह पानी तुम यूज कर लोगे पता चला ठंडी जगह में गए बर्फ बन गया पानी कह लो और करो कंप्रेस <laughs> और लगाओ एक्यूमलेटर में पानी हाइड्रोलिक्स में पानी

या फिर चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दूंगा या फिर अठारह की बिल्डिंग से धक्का लगा दूंगा या फिर दीवार जो दिख रही होगी उसमें सर फोड़ दूंगा गुस्सा नहीं होता मैं टेंशन ज्यादा ज्यादा क्या होगा पानी में डुबो दूंगा जब तक सांसें चल रही तब तक डुबा के रखूंगा राइट बाकी और कुछ नहीं ठीक ओके इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर है 210 किलो जूल पर मिनट सिखाया हुआ था अगला क्वेश्चन देखो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है वर्किंग ऑन द रिवर्स नॉट साइकिल टेक्स ऑफ द द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी वाइल वर्किंग बिटवीन द टेमप्रचर लिमिट्स ऑफ तीन सो एंड दो सो कैलवेन द सीओपी पावर कंज्यूम बाय द साइकिल रिस्पेटिवली फॉर्मूला सिखाया था आंसर बताइए आंसर बताइए जल्दी बताइए ये जितने भी लोग देख रहे हो ना धीरज सिंह जी ये सब लोग कई बार ट्रेन के आगे आ चुके हैं कई बार अठारह मालिक की बिल्डिंग से धक्का खा चुके हैं कई बार इनके पेट में चाकू और डेली मतलब हफ्ते में कम से कम चार दिन तो इनका सर दीवार से भरता ही भरता है कभी पेट क्लास में आके देखो है ना? ऑफलाइन क्लास नहीं चलती <laughs> नहीं तो पता चला सब ऐसे ही आड़े तिरछे बैठे होते क्लास में <laughs> कहते, अरे सर। okay, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है पता है ना कैसे करना है भाई साहब तुम्हें पर ट दिया हुआ है रिवर्स साइकिल पे अगर चल रही है तो फिर क्या करोगे सीओपी निकाल लेना सीओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो सौ बटा सौ राइट right? कैसे निकाला दो सौ बटा तीन सो माइनस दो सो आंसर कितना आ जाएगा दो अब यहाँ पर दो आंसर इससे आ गया सीओपी से और जो आप लोगों का यहाँ पर हीट निकल रही है वो कितनी है दो किलो वॉट तो आपका वर्क इनपुट या फिर पावर इनपुट कितना हो जाएगा वन पावर इनपुट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा राइट ओके अनिल गोला ये क्लास में है क्या अभी लड़का अगली बार आकर के अगर क्वेश्चन क्वेश्चन किया और मुझे क्लास में नहीं दिखाई दिया फिर खाएगा स्वाद वाले मुख्य लड़का ओके okay. चलो आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा बस मैं तुम लोगों को रिवाइज करा रहा हूं सो so देट तुम्हें पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस हमने जो सॉल्व करे थे उसकी थ्योरी पूरी की पूरी थ्योरी मैंने तुम लोगों को दिखा दी है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है <laughs> बाप रे सुबीर गजब दियो भाई <laughs> ओके okay, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे निकाला कहते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं कृपया करके एक सेशन लिया था मैंने उस सेशन को देखना बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ इतना ही है मतलब अगर मैंने इतना लिख दिया और इतने में अगर तुम्हें तो समझ में आ गया कि मैंने क्या किया इसमें सेम लेवल जिस लेवल पे तो मैं ठीक है ठीके? चलो क्या कह रहा है heat refrigerator लिखा है हाँ तो राज जी तो heat refrigerator लिखा है तो heat pump तो नहीं लिखा है रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब होता है जो ठंडा कर रहा हो रेफ्रिजरेट कहने का मतलब होता है जो ठंडा करे <laughs> ठीक है तो हीट रेफ्रिजरेट जो हीट को ठंडा कर रहा हो दैट इज फ्रिज रेफ्रिजरेशन ठीक है चलो यार क्या कर रहे हो यार ऐसे तो मत करो इसमें एक ऐज होगा ना हाँ हाँ कर देना हीट पंप और हीट रेफ्रिजरेटर दोनों सब एक तरीके से लगा दो हीट पंप का क्वेश्चन नहीं है भाई ये हीट रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन या फिर रेफ्रिजरेशन कहने का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को ठंडा करना और हीट रेफ्रिजरेशन कहने का मतलब हीट को ठंडा करना तो हीट ठंडी होगी तो क्या मिलेगी कूलिंग मिलेगी तो ये कूलिंग के बारे में तो क्वेश्चन है और किसके बारे में क्वेश्चन है चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है करवाए हुए थे सबके आंसर बढ़िया गुलाबी दिल के साथ दे सकते हो थैंक यू सो मच फॉर गुलाबी दिल गाइस बताओ आंसर ऑप्शन नंबर सी करवाया हुआ है अगला क्वेश्चन देखो अ कंजन एंड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट 120 किलोवाट एंड कंप्रेसर पावर इज 30 किलोवाट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी आंसर बताओ जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर 120 बटा 30 आंसर 4 आ जाएगा क्लियर है बताओ जल्दी ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर राइट बी शुभम डी दे रहा है प्रशांत भी डी दे रहा है अरे डी कैसे आ गया एक सौ बीस बजा तीस नहीं करोगे यस डेविड यस आनंद वेरी गुड देशराज वेरी गुड सोनू अलग ही चल रहे हैं ओके okay. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी गलत है भाई 120 बटा 100 120 बटा 30 मत कर देना कह रहा है दैट इज कंडेंसर का हीट रिजेक्शन है 130 का तो मतलब हीट अब अरे इस तरह लिखा है देखो ये तुम्हारी साइकिल होती है यहां पर 120 है ये 30 है तो x कितना हो जाएगा 120 माइनस 30 बराबर 90 तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हीट एब्जॉर्प्शन 90 का और वर्क इनपुट 30 का तो जब काटोगे तो आंसर तो तीन ही आएगा ना कहां पर हमने ये पढ़ा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो हमें नीचे मिलता है और हीट रिजेक्शन वो 120 ऊपर वाला दे रहा है भाई कैसे कर रहे हो <laughs> आंसर गलत हो जाएगा ठीक है कंजेंसर के बारे में बात कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा हाउस रेफ्रिजरेटर अरे ये वाले क्वेश्चन है तो आंसर याद हो गया होगा अगर इसमें भी किसी ने गलत आंसर दिया बहुत मुक्के खाओगे याद आया आंसर याद है ऑप्शन नंबर सी हीटेज बंद कमरे में अगर फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरा गर्म हो जाता है याद आया <laughs> कमरे को गर्म किया था तुम लोगों ने कोई भी आंसर सी नहीं देगा सब भी देंगे सब सीख के बैठे हैं हाँ चलो जिग्नेश ने तो आंसर सी दिया है ओके जिग्नेश कह रहा है सर सबको बी देने दो सी होगा इसका आंसर है ना ओके जिग्नेश बदल दिया आंसर तुम पलट गए <laughs> तुमसे भी नहीं टिका गया चलो रुश्मा ने आंसर दिया सी चलो भाई साहब वेरी गुड बहुत बढ़िया रुश्मा ने आंसर सी दे दिया तो गाइज इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा है ना <laughs> ओके जिग्नेश बच गया रुशवा नहीं बच पाई ओके इसका आंसर बी क्यों क्योंकि फ्रिज तो बंद है ना स्विच डॉफ लिखा है देखो अब बंद फ्रिज का तुम दरवाजा खोलो या फिर तुम पूरे फ्रिज को खोल दो <laughs> कमरा गर्म ही नहीं होगा भाई कमरा सेम टेम्परेचर पे रहेगा ठीक है स्विच ऑफ फ्रिज है ना है ना चलो आगे बढ़ते

मैं नहीं फसूंगा तुम फस गए थे बेटा बाद में तुम सही हुए हो पोल वाली क्लास होती ना तो तुम्हारा आंसर बी ही चला गया था सॉरी सी चला गया था बी नहीं दे पाते दोबारा एक ही बार ऑप्शन मिलता है पोल क्लास में आंसर सी करेक्ट है देखो वन अपॉइंट एट्टी परसेंट कन्वर्ट करोगे ये क्या बनेगा वन पॉइंट टू फाइव

अब लग रहा है ना कि हाँ जो पढ़ रहे हैं जो चीजें किताब में दी हुई हैं सारी की सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे हर किसी से क्वेश्चन बनते हैं और तगड़े वाले क्वेश्चंस दिमाग लगाओगे बनेगा और बढ़िया बनेगा मजा आएगा बताओ वो सोनू मैं करवाता हूं उसको ऐड करवाता हूं ठीक है सर अभी थ्योरी अब नहीं होगा होगा भाई अभी तो वी कंप्लीट कर अभी आगे बढ़ेंगे ना कि इतनी बस थ्योरी पढ़नी तो आर एसी पूरा कंप्लीट करके जाएंगे आज फुल चका चाक अभी तो पुराने क्वेश्चन है नए क्वेश्चन आएंगे आगे है ना थोड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं तुम लोगों को कि बन रहा है बन रहा है आंसर वन पॉइंट टू फाइव एब्सोल्यूटली करेक्ट कैसे करना है देखो आपको कर्नौट की सी कितनी दी हुई है चार दी हुई है और इन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब आपको मैक्सिमम टू मिनिमम मतलब टी हायर अपॉन टी लोअर चाहिए राइट तो ये क्या हो जाता है टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर सॉल्व करो फोर टी हायर माइनस टी लोअर फोर टी लोअर विल बी लोअर यहां से सॉल्व करोगे फोर टी हायर

प्राइम कंसिडरेशन एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज का अगर रेफ्रिजरेशन है तो उसमें क्या होता है बताओ साइकोमेट्रिक भी आज होगी सर जी बिल्कुल होगी साइकोमेट्रिक चार्ट वगैरह सब कुछ बताया मैंने ठीक है सब डाल दिया आर पूरी कंप्लीट करके जाएंगे आज कितना भी टाइम लगे दो घंटे चार घंटे पांच घंटे दस घंटे पंद्रह घंटे कितना भी टाइम लगे आर पूरी कंप्लीट करके जाएंगे ठीक है गाइज मेरे सेशन ऐसे ही होते हैं जो बोला है तो होगा अगर सेशन में लिखा है कंप्लीट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग तो फिर पूरी कंप्लीट करके जाऊंगा ठीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी याद है बहुत बढ़िया देखा पहले गलती करोगे लेकिन अब सीख जाओगे अगला क्वेश्चन हीट पंप वर्किंग ऑन रिवर्स कर नॉट साइकिल सीओपी ऑफ फाइव इफ इट वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर टेकिंग वन किलो वॉट ऑफ द वर्क इनपुट देन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी सिंपल सी बात है सीओपी पी है किसकी दी हुई है रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर ये किसमें काम कर रहा है रेफ्रिजरेशन में ही काम कर रहा है और इसमें अगर डन वन किलो वॉट है तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा सीओपी का बताओ अभी ऑफिस का एसी अभी खोलेंगे <laughs> खोल लेना भाई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एसी के ऑफिस को खोलने का कोई सेंस बनेगा नहीं ठीक है आंसर ऑप्शन नंबर है भाई हीट पंप है जिसकी सीओपी पांच है अगर वो रेफ्रिजरेटर के तरीके से काम करेगा तो रेफ्रिजरेशन की सीओपी कितनी हो जाएगी भाई चार हो जाएगी ठीक अब इन्होंने क्या बता दिया कि वन किलो वॉट वर्क इनपुट है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताना है ये कितना है वन है वन से इससे मल्टीप्लाई करो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चार हजार नहीं आएगा भाई आएगा. चार ही आएगा मतलब चार हजार किलो वॉट ठीक है चार हजार वॉट नौकी किलो वॉट चार किलो वॉट या फिर चार हजार वॉट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कितने क्वेश्चन है भाई <laughs> अगला क्वेश्चन व्हेन द लोअर टेंपरेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज फिक्स्ड देन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इंप्रूव्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है जब लोअर टेम्परेचर आप लोगों का फिक्स कर दिया गया है <laughs> ठीक है मैंने क्वेश्चन ऐड करे लगता है गलती ज्यादा क्वेश्चन ऐड हो गए कोई नहीं कर लो प्रैक्टिस कर लो याद आ जाएंगी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगा घर में तो तुमको तो तो रिवीजन करना नहीं होता है प्रियांजो तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो हैं वाटर इज स्टील क्या वॉटर इज वन थाउजेंड टाइम्स टेन थाउजेंड टाइम्स कंप्रेसिबल देटर में जब तुम सुपर हीटेड वेपर बनाए थे ना तभी हम समझ गए थे बेटा <laughs> बताओ आंसर ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट है दैट इज सीओपी में टी लोअर कॉन्स्टेंट है और टी हायर

अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन के पहले आ गया कैस्केडिंग सिस्टम चलो क्वेश्चन खत्म फिर से थ्योरी में घुस जाओ आओ मेरे लाल थ्योरी पढ़े ठीक है हम्म गाइज अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से सीओपी का ये मैंने जो क्वेश्चंस डाले थे ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को एक सेशन मैंने लिया था आर का जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे उसमें करवा दी थी ठीक है तो अगर इसका बहुत डेप्थ में तुम लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो तुम लोग वो वाला पुराना वाला सेशन देखना उसमें तुम्हें आर में काफ़ी डेप्थ में मैंने इसके सोल्यूशन दिए थे ठीक है ये मैंने क्यों प्रैक्टिस करवा दी है वापस से ज्यादा ज्यादा दस मिनट लगे होंगे हमें क्वेश्चन लगाने में लेकिन दस मिनट में तो मैं ये समझ आ गया होगा कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं जिस तरीके से हम चीजें सीख रहे हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट चलो अब आते हैं कैसकेडिंग के बारे में इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ सैंडविच ठीक है कैसकेडिंग इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ सैंडविच अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बात करूं कि मेरे पास एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसकी सीओपी अलग है दूसरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसकी सीओपी अलग है राइट गाइस पेज नंबर बताओ ना अंकित पेज नंबर क्या भाई अभी बताता हूं रुक कौन से पेज नंबर पे है आर ईसी कहा है दो सौ उनसठ में ले पगले क्या याद रखोगे यार तुम है पेज नंबर दो सौ सतहत्तर पेज नंबर टू सेवेंटी सेवन है ओके अजय बनाई है ओके okay. धन्यवाद पेज नंबर टू सेवेंटी सेवन देखो धीरज ने भी बता दिया ओके वी आर लर्निंग इन एन इफेक्टिव मैनर वेरी गुड एक वर्थ है क्या बात है चलो ओके okay. तो गई अब अगर मैं कैस्केडिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो कैस्केडिंग सिस्टम में तो मैं क्या सीखने मिलता है कि मान लो अगर मेरे पास एक सीओपी है सीओपी ऑफ वन वो कितनी है दैट इज पांच और एक है सीओपी और वो सीओपी है दैट इज टू की सीओपी है दस तो अब मुझे अगर सीओपी ऑफ कैस्केडिंग सिस्टम निकालना है कि अगर मैं दोनों की सीओपी को एक साथ लेकर के चलूं तो कितनी हो जाएगी दैट इज पांच गुड़े दस डिवाइडेड बाई सोलह दैट इज वन प्लस फाइव प्लस टेन बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा सीओपी ऑफ सी सी का बताओ सीओपी ऑफ सी सी कितना आ जाएगा बहुत बढ़िया प्रशांत बहुत बढ़िया सर, जब सर पढ़ा रहे हों तो बुक की कोई जरूरत नहीं उस टाइम हाँ वो वाली बात भी है भाई लेकिन देखना होता ना कि क्या सही में सर वही पढ़ा रहे हैं जो किताब में है कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहे भाई जो चीजें मैंने किताब में लिखी हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि चार सोलह चौके चौंसठ घनघोर गलत आंसर दे रहे हो नितिन तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा खराब है भयंकर खराब आंसर दिया नितिन तुमने वापस से सोच मेरे लाल तो पांच गुड़े दस पचास आ गया और पचास बटे सोलह सोलह की टेबल आती है सोलह एक कम सोलह सोलह दूनी बत्तीस सोलह तीन ही अड़तालीस और सोलह चौके चौंसठ होता है तुम पचास के ऊपर चौंसठ तक पहुंच गए भाई वहां तक नहीं जाने का है और कम जाओ सोलह ती अड़तालीस में काम हो जाएगा ठीक है अप्रोक्सीमेटली तो थ्री पॉइंट फोर वन के करीबन आएगा वन के करीबन ओके हमारे गए इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर वन कुछ करके किसी को याद है क्या थ्री पॉइंट वन फोर वन करके कोई वैल्यू है जिसको हम लोग बाईस बटा सात से भी जानते हैं राइट बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है याद रखना पचास बटे सोलह से भी कहीं ना कहीं वही तर तरीके के आंसर आ जाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे आ जाते हैं गाइज रेफ्रिजरेंट्स में अब ये वो बेचारा बंदा है जिसको पकड़ के कभी गर्म करे कभी ठंडा करे फिर कभी गर्म करे फिर ठंडा करे गर्म करे ठंडा करे गर्म करे ठंडा करे, 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 करे। रेफ्रिजरेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में अगर रेफ्रिजरेंट नहीं होता तो आज तुम्हें ठंडा पानी पीने नहीं मिलता गाइस ठीक है वेरी गुड हम्म चलो तो गाइज अब अगर मैं रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात करूं तो रेफ्रिजरेंट्स दो टाइप के होते हैं पहला रेफ्रिजरेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इसके बारे में आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ था अगर याद ना हो तो वापस से बता देता हूँ गाइज आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी है बिल्कुल देखी होगी उसमें मुन्ना भाई थे बिल्कुल थे और उसमें एक इंसान और था क्या था वो इंसान स्वामी याद है सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम वो बिल्कुल दुबला पतला सा चश्मा लगा करके याद आया स्वामी है ना तो गाइस अब यहां पर स्वामी भी थे मुन्ना भाई भी थे तो अगर मुन्ना भाई डायरेक्ट टीचर से लेक्चर ले रहे हैं तो ये क्या हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेटर प्राइमरी और फिर उसके बाद जब टीचर मुन्ना भाई को भगा देते दे थे क्लास से गेट आउट फ्रॉम द क्लास फिर वो क्या कहते थे ए, स्वामी तू समझ के आप उनको सिखा देना है ना तो अब स्वामी क्या करेगा टीचर से सीखेंगे और फिर उसके बाद जाकर के स्वामी मुन्ना भाई को सिखाएंगे तो भाई साहब मतलब कहने का क्या हो गया कि अब पहले टीचर से खुद सीखेंगे फिर जाकर के दूसरों को सिखाएंगे तो ये सेकेंडरी का काम कर रहे हैं और अगर आप डायरेक्टली टीचर से सीख रहे हो तो ये प्राइमरी है समझ आया ठीक समझ आ गया यार सर्किट नहीं था यार वहां पे क्या कर रहे हैं तुमको एग्जाम्पल देते हैं तुम सर्किट के पीछे भाग रहे हो ठीक ओके इसी तरीके से गाइस प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्टली ठंडा कर सके राइट प्राइमरी विच कूल्स डायरेक्टली और सेकेंडरी क्या है सेकेंडरी पहले प्राइमरी से ठंडा होगा और फिर उसके बाद जाकर के दूसरे सब्सटेंस को ठंडा करेगा दैट इज प्राइमरी विच कुल्स डायरेक्टली एंड सेकेंडरी विच फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी पहले प्राइमरी से ठंडा हुआ एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग समझ आया समझ गए अब देखो तरीका बताता हूं समझना फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का गाइज गर्मी का मौसम है मई जून का महीना चल रहा है खतरनाक गर्मी है ठीक है और तुम बहुत गर्म हो रखे हो तुम बहुत गर्म हो रखियो हो। ठीक है समझना इस बात को जब तुम बहुत गर्म हो रखे हो और तुम्हें ठंडा होना है तो तुम्हें ठंडा होने के तुम दो तरीके से ठंडे हो सकते हो या तो खुद जाओ और फ्रिज के अंदर बैठ जाओ डायरेक्ट ठंडे हो रहोगे डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तुमको ठंडा कर रहा है ओ हो हो मस्त चिल्ड होकर के निकलोगे बाहर या फिर तुम फ्रिज में पानी रख दो जब पानी ठंडा हो जाए तो ठंडे पानी से नहा लो तो भी ठंडे हो जाओगे सिंपल सा फंडा है तो ज्यादा ठंडे किस में हो गए जब तुम फ्रिज के अंदर बैठ जाओगे हो सकता है बर्फ जम जाए तुम्हारी कम ठंडे कब रहोगे जब तुम फ्रिज के पानी से नहाओगे ठंडे दोनों में हो गए लेकिन ज्यादा ठंडे हो गए जब तुम फ्रिज के अंदर बैठोगे कम ठंडे हो गए जब तुम फ्रिज के अंदर से पानी निकाल के नहाओगे फर्क समझ आ गया इसी तरीके से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्ट कूलिंग करते हैं और इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत तगड़ी होती है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो पहले प्राइमरी से ठंडे होते हैं फिर बाद में जाकर के वो कूलिंग के पर्पज में यूज किए जाते हैं और इनकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो बेसिकली टेन टेन परसेंट होती है मतलब अगर ये दस है तो ये एक है अगर ये सौ है तो ये दस है अगर ये हज़ार है तो ये So, है ठीक है दस परसेंट का कहीं ना कहीं मतलब नाइन्टी परसेंट का डिफरेंस आ जाता है या फिर दस गुने का डिफरेंस आ जाता है ठीक है इतना फर्क होता है हाँ बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही हो तो लिक्विड नाइट्रोजन से नहा लो है ना अकड़ जाओगे बिल्कुल ठीक है मस्त ठंडे हो जाओगे चलो आगे बढ़ते हैं अब अगर मैं रेफ्रिजरेट के बारे में बात करूँगा इस ये क्या हो गया गायब हो गया क्या आ गया वापस आ गया चलो

तो गाइज अब जैसे कि तरीके के बारे में थोड़ा सा आपको सेचुरेटेड का बता देता हूं सो so दैट आप लोगों को याद भी रहे अगर कभी जरूरत पड़े तो आप लोग निकाल सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया है इसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है ओके अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है सी एफ सी एल थ्री अब तुम्हें दे दिया और इससे तुमने पूछ मतलब तुमको बोल दिया गया कि यहां पर लिखा है सी एफ सी एल थ्री बोला इसका रेफ्रिजरेंट का नंबर क्या होगा बताओ तो गईस रेफ्रिजरेंट बेसिकली तुम लोगों के बनते हैं कार्बन से हाइड्रोजन से फ्लोरिन से और क्लोरिन से दैट इज सी एच एफ सी एल ठीक है और सी एच एफ सी एल के नीचे लगाए हुए हैं एम एन पी क्यू ठीक है अब अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको उसी टर्म्स में लिख सकता हूं दैट इज दी एच एफ सी एल अब C क्या है वन है क्या इसमें H दिख रहा है नहीं तो ये जीरो हो गया फिर उसके बाद सी एल की वैल्यू कितनी है सॉरी uh, एफ कितना है वन है और सी एल कितना है थ्री है तो मतलब मुझे यह पता चल गया सी एच एफ सी एल से किए एन पी क्यू है तो एम की वैल्यू कितनी हो गई वन एन की वैल्यू कितनी हो गई जीरो पी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे लाल वन हो गई और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई थ्री हो गई ठीक यह भी पता चल गया ओके okay. फिर उसके बाद गई यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपको एम एन पी क्यू पता चल जाए तो फिर आप लोग क्या करोगे आप लोग यहाँ पर R M -1 into N 1 into P से आप इसके फॉर्मूले को लिख सकते हो बशर्ते ये फॉर्मूला तभी लगाना जब उसके नीचे वाली लाइन एन प्लस पी प्लस क्यू बराबर टू एम प्लस टू हो जाए अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है तो फिर आप लोग यहां पर इसके आंसर को चेक करते हुए जाना अब देखो कह रहा है टू एम प्लस टू टू एम प्लस टू कितना हो जाएगा? ये टू है मतलब टू इन टू एम करोगे तो टू टू और टू फोर आ जाएगा अब यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो पी की वैल्यू वन क्यू की वैल्यू थ्री तो वन प्लस वन, थ्री। मतलब थ्री और, थ्री और प्लस वन दैट इज फोर तो फोर इधर फोर इधर लग जाएगा फॉर्मूला अब अगर फॉर्मूला लग जाएगा तो आर डैश एम माइनस वन एम की वैल्यू कितनी है वन तो वन माइनस वन हो गया चलो फिर उसके बाद एन प्लस वन एन की वैल्यू जीरो प्लस वन चलो फिर उसके बाद क्या कह रहा है पी पी की वैल्यू कितनी है वन सॉल्व करूंगा आर डैश जीरो वन वन इसको मैं क्या लिखूंगा आर वन वन अब देखो यहां पर मैंने सी एफ सी एल थ्री को सॉल्व करा था सी एफ सी एल थ्री और जब सी एफ सी एल थ्री का मैंने पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला निकाला तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया आर वन वन मिल गया और आर वन वन इज इक्वल्स टू सी एफ सी एल थ्री तो इस तरीके से करते हुए हम लोग इसमें आंसर निकालते हैं छे ठीक है ठीक है समझ आ गया कोई डाउट कोई परेशानी कोई तकलीफ सब क्लियर रे बहुत गर्म है यार टी एच एफ सी एल का फुल फॉर्म क्या है कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ठीक है गाइज ये तो मैंने आपको टर्म बताया ये जो लिखा हुआ है सी एच एफ सी एल दैट इज कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, नाम इनके होते हैं। नाम इनके होते हैं। अब जैसे ये जो लिखा हुआ है दी एफ सी एल थ्री तो यहां पर क्या है थ्री है तो ये क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो फ्लोरो मीथेन ठीक है क्योंकि यहां पर H की जगह CH4 से मीथेन बनता है और यहां पर H को हटा करके फ्लोरीन और क्लोरीन ने ले लिया तो 4 H के कितने कंपाउंड्स होते हैं चार तो यहां पर भी देखो F1 और Cl3 टोटल चार तो CH4 बनता उससे इसलिए इसका नाम ट्राई क्लोरो फ्लोरो मीथेन है ठीक है चलो ओके अब गाइस इसके बाद एक बात और बताना चाहूंगा तुम लोगों को यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है ये वाला सी टू एच टू एफ फोर और सी एल जीरो राइट सी एल जीरो ना लिखो तो भी चल जाएगा दैट इज सी टू एच टू एफ फोर यह जो सी टू एच टू एफ फोर है इसमें क्लोरीन जीरो है और ये रेफ्रिजरेंट का नाम है दैट इज आर वन थर्टी फोर आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से यूज हो रहा है क्यों यूज हो रहा है उसका क्या रीजन है ये बता देता हूं आर वन थर्टी फोर में आप लोगों का क्लोरीन एलिमेंट नहीं होता क्लोरीन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्लोरीन ऑक्साइड बना देता है और जो ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम किसमें है कि वो ऑक्सीजन मिलती कहाँ से इसको अब ये रेफ्रिजरेंट हल्का होता है जाता कहाँ है ऊपर जाता है जब ऊपर जाएगा तो आपके एटमॉस्फेयर में क्या मिल जाती है? ओजोन लेयर ओजोन लेयर मतलब ओ3 अब ओ3 ही ओजोन लेयर है और अगर इसने क्लोराइड बना लिया है ना तो यहाँ पर भाई साहब क्या हो जाएगा सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी क्लोरीन के साथ है ना और अगर क्लोरीन जाकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ओ को ब्रेक करेगा ओ में और ओ में और जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जो आपकी ओजोन लेयर है जो आप लोगों को सूर्य से निकलने वाली यूवी और आईआर आर रेज है जो आप लोगों के स्किन में कैंसर पैदा कर सकती है कार्सियोजेनिक होती है वैसी रेस को रोकता है अब ओजोन लेयर होगी नहीं सीधा डायरेक्ट रोशनी आएगी तुम्हारे हाथ में लगेगी कैंसर हो जाएगा क्या मतलब राइट तो भाई साहब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी था अच्छा ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल भी चला था उसका नाम क्या है बताना जरा थोड़ा जी के भी चेक कर लेते हैं तुम लोगों का ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों का एक प्रोटोकॉल था किसी को याद है शुभम गौर <laughs> मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही तुमने चिपका दिया है बहुत बढ़िया ओके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओके मॉन्ट्रियल कहां पर मिलता है कहां पाया जाता है कहा है दिल्ली के आगे क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है भाई मॉन्ट्रियल <laughs> प्रोटोकॉल है ठीक है क्योटो नहीं है भाई मॉन्ट्रियल ही है ओके okay. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आप लोग पढ़ते हैं ओजोन लेयर के लिए हाँ तो ये अरे क्योटो नहीं है ये कहां क्योटो में आ हो Montreal ही है सही बताया सबसे पहले ही सही बता दिया तुम लोगों ने ठीक है तो मॉन्ट्रियल कहां पाया जाता है गाइस कहाँ पाया जाता है मॉन्ट्रियल कनाडा में पाया जाता है ओके कनाडा का एक प्लेस है कनाडा में मॉन्ट्रियल वहां से यह आया था ओके आपको पता है कनाडा कहां है आपको पता है कनाडा कहां है कनाडा कहां है बताइए सर सीएल थ्री कहां गया बता दो सीएल थ्री कहां गया कहाँ गया सीएल थ्री कहीं तो नहीं गया यहीं है कहां जाएगा वो बेचारा बताओ जल्दी बताओ कैनेडा कहां है अच्छा सुमित तुम बता दिए ये देखो कैनेडा को संदीप यूरोप भेज दिए हैं लवकुश वेरी गुड इट्स इन नॉर्थ अमेरिका ठीक है ओके अब सुनो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था गाइस मतलब इससे थोड़ा सा कनेक्टेड है इसलिए बता दे रहा हूं वो उसी जगह पे ही क्यों आया कोई जानना चाहेगा पता है क्यों और याद भी रहेगा तुम्हें हमेशा गाइज अर्थ के पोल साइड में जितना तुम पोल के साइड जाते जाओगे जितना भी तुम पोल के तरफ बढ़ते हुए जाओगे जैसे नॉर्थ अमेरिका पोल के बहुत पास में है ठीक है जितना ज्यादा तुम पोल के पास में पहुंचते जाओगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती रहती है उतनी ज्यादा और कैनेडा में मॉन्क्रियल प्रोटोकॉल लाने का सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि उस प्लेस पे जो आपकी ओजोन लेयर थी उसकी जो थिकनेस है वो सबसे कम है कम थी दैट टाइम ठीक है और कम होने की वजह से ही तुम लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो फॉरेनर्स जिन्हें हम बोलते हैं यूएस वगैरह के लोग जिन्हें हम बोलते हैं उनकी तुम लोगों ने कभी स्किन नोट करना नोटिस करना ठीक है ऑलवेज उनकी स्किन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने के लिए तुम्हें जरूर मिलती है ऑलवेज ये वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक था एक टाइम पे बहुत ज्यादा ठीक है फिनलैंड अब तुम ब्रिजेश ज्यादा ज्ञान ना दो <laughs> नहीं तो फिर मैं तुमको और आगे तक लेकर के चला जाऊंगा ठीक है हाँ तो वहां पर ना तुम्हें थोड़ा सा आ, ये प्रॉब्लम थी ठीक है और वो प्रॉब्लम आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर है ना क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पे बहुत पतली थी और उसकी वजह से जो यूवी रेज हैं उनका रुकना थोड़ा कम हो रहा था मतलब अभी भी ये प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ख़त्म हो गई है लेकिन ऐसा है ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम्स अभी भी हैं वहाँ पर तो इसकी वजह से ये प्रोटोकॉल लेकर के आया गया था कि गाइज अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म पे आगे जाना है सारी चीज़ें करनी है तो फिर उसमें हमें ये वाली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से इसका वो आ पाएगा मतलब इसको हम बचा सकते हैं ठीक है ओके सर फॉर्मूले में थ्री नहीं दिखा रहा है क्यों यार ये तो फॉर्मूला बनाने वाले से पूछना पड़ेगा कि फॉर्मूले में क्यों नहीं दिखा रहा है फॉर्मूले में क्यों दिखा रहा है एन प्लस पी प्लस क्यू जब तक ये तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक तुम ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते ठीक है तो पहले तो मैं ये सेटिस्फाई करना है और इस सेटिस्फिक्स इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्यू का यूज करना पड़ेगा तुमको ठीक है चलो क्लियर है जीके की क्लासेस में चेंज हो जाएगी क्लास हाँ इसीलिए ज्यादा जीके में नहीं जाने का है नहीं तो फिर अपन बहुत आगे तक चलो फिनलैंड की बात करिए एक और एक एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर उसके बाद मैं वो कर दूंगा ठीक है ओके okay. एक बात बताओ बस एक एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक है जैसे इंडिया की जो होली रिवर है जिसको कहते हैं कि भाई भारत देश का अगर नाम लिया जाए और भारत देश में मुझे सिर्फ एक रिवर का नाम लेना हो तो वो कौन सी रिवर होती है वो कौन सी रिवर है बताओ जल्दी बताओ अगर मैं भारत देश में सिर्फ एक रिवर का नाम लेना चाहता हूं सिर्फ एक रिवर कि अगर मुझे बताना है कि भारत देश में सबसे बड़ी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है क्या बोलोगे गंगा गंगा हर कोई गंगा ही बोलेगा देखा तुरंत आंसर आया ना ओके तो जो फिनलैंड का नाम लिया गया था तो फिनलैंड में जो एक रिवर है जिसको बोलते हैं कि ये जैसे हमारे इंडिया में गंगा है इस तरीके से ये रिवर फिनलैंड की है तो फिनलैंड की एक रिवर है जो बहुत ज्यादा फेमस है क्या उस रिवर का नाम बता सकते हो क्या उस रिवर का नाम बता सकते हो अरे गंगा जान गए ठीक है <laughs> ओके उस रिवर का नाम बताओ रेवा पिन नैम है नहीं गलत है नहीं याद आ रहा ना गूगल मत करने लग जाना यार अगर गूगल करोगे तो फिर तुम सीख नहीं पाओगे ठीक है ओके okay. मैं बताऊं उस रिवर का नाम क्या है सेक्रेट रिवर रिवर नहीं मैं उस का नाम क्या है फिनलैंड की गंगा किसे बोला गया है ये तो नहीं पता एक्चुअली तुम लोगों को पता है लेकिन तुम लोगों ने कभी इस तरीके से सोचा नहीं तो गई फिनलैंड की जो गंगा है वो बोला गया है नोकिया को <laughs> जो तुम फोन नोकिया यूज करते हो ना तो नोकिया एक्चुअली में उस रिवर का नाम है ठीक है जो तुम्हारी फिनलैंड में पाई जाती है और नोकिया को फिनलैंड की गंगा बोला जाता है जो तुम नोकिया फोन यूज करते थे है ना ये वही नोकिया है और इसीलिए इस नोकिया का जो टैग लाइन रखा गया है वो रखा गया है कनेक्टिंग पीपल जिस तरीके से आपकी एक नदी कितने सारे लोगों को कनेक्ट करती हुई चली जाती है इसी तरीके से ये नोकिया को भी उसी थॉट के साथ आगे रखा गया था दैट इट शुड बी कनेक्टिंग पीपल ठीक है दैट इज नोकिया ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगर आप लोगों का जो रेफ्रिजरेंट है वो अनसेचुरेटेड हो जाए राइट right? अगर आप लोगों का रेफ्रिजरेंट अनसैचुरेटेड हो जाए अब यार देखो फिनलैंड का नाम किसी ने लिया था तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ यू विल फील गुड कि यार इतना तो बन रहा है ठीक है ओके तो अगर मैं अनसैचुरेटेड के बारे में बात करूँ तो अनसैचुरेटेड क्या हो जाता है दैट इज आर डैश 1m 1n 1 p फार्मूले में कुछ भी नहीं है बस यहां पर

हाइड्रोजन का कितना होता है दैट इज वन सल्फर का कितना होता है जल्दी बताओ ऑक्सीजन का जल्दी बताओ कार्बन का जल्दी बताओ और कोई बचा क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन एयर का ठीक तो एयर का ट्वेंटी नाइन कार्बन का ट्वेल्व ऑक्सीजन का सोलह और इसका कितना हो जाता है बत्तीस ठीक है अब बस तुम्हें जो भी फॉर्मूला बोलेगा उसमें 700 में मॉलिकुलर वेट ऐड कर देना आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया सब क्लियर ओके पंकज तुम हमारा जीके चेक कर रहे हो क्या बेटा हमारा जीके मत चेक करो नहीं तो फिर हम तुमको फंसा लेंगे फिर मत कहना थैंक यू ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग रेफ्रिजरेंट में क्यों बात करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या होता है लीक होता रहता है अगर रेफ्रिजरेंट लीक होगा तो भाई क्या क्या हो सकता है तो अगर रेफ्रिजरेंट जहरीला हुआ और लीक हुआ तो तुम सबका टाटा हो जाएगा पता चला फ्रिज में पानी लेने गए थे वहां रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा था वहीं पे गए है ना तो इसलिए जो आप लोगों का आ, रेफ्रिजरेंट है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक लेकिन गाइस जो हम अमोनिया यूज करते हैं वो टॉक्सिक होता है जहरीला होता है ठीक है अब यहां पर फार्मेबिलिटी पता चला तुम्हारा रेफ्रिजरेंट जहरीले के साथ साथ अगर तुम्हारा ज्वलनशील भी निकला आग पकड़ लिया तो राइट तो इट शुड बी नॉन फार्मेबल लेकिन हमारा जो अमोनिया है बहुत सुंदर है बहुत नखरे वाला है कहता फार्मेबल भी हूं बिल्कुल फार्मेबल हूं ठीक है तो यहां पर इस चीज का याद रखिएगा जब भी कभी मैं अमोनिया के बारे में बात करूंगा तो अमोनिया कितना बढ़िया रेफ्रिजरेंट है तुमको पता है ये इमिसेबल भी होता है इस ये किसी के साथ मिक्सिंग नहीं करता अमोनिया अलग ही चलता है भाई साहब कहता है मैं अलग चलूंगा मेरे को नहीं चलने का किसी के साथ ये बिल्कुल अलग चलता है अमोनिया ठीक है ज्वलनशील हो हो भी, भी होता है तो आग से भी बचा करके रखना पड़ता है ठीक है ओके अगर ये वेपराइज होता है और वेपराइज होने के बाद अगर तुम लोगों ने कभी भी इसकी वेपर फॉर्म को इनहेल कर लिया सबसे पहली बात तो ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारी नाक में चीरता हुआ तुम्हारे गले से फेफड़ों तक पहुंचेगा यह अमोनिया और इतना गंदा चीरता हुआ जाएगा कि लगेगा राम कोई बचा लो ठीक है और अगर गलती से अगर गलती से तुम लोगों ने गई अगर गलती से तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अमोनिया सूंघ लिया या फिर इनहेल कर लिया तो यह अमोनिया जाकर के तुम्हारे जो लंग्स है उसमें जाकर के इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद तुमको बोलेगा टाटा अब ये लंग्स हमारा हुआ ठीक है तो कब्जा कर लेता है तुम्हारे पूरे के पूरे के लंग्स में इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है लेकिन इसकी खास बात है ये माइनस में काफी माइनस में टेम्परेचर तक लेकर के जा सकता है ये माइनस में काफी जाएगा और इससे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा ये बहुत बढ़िया मिलता है इसलिए आप लोग इसका यूज करते हैं ठीक है ओके अमोनिया प्लस मरकरी बेस्ट कॉम्बिनेशन हाँ है ना सही है भाई पहले अमोनिया सूंघ लो है ना ऐसे करके अमोनिया सूंघ लो और फिर उसके बाद <laughs> जो तुम्हारा मरकरी है उसको टेस्ट कर लो ठीक चलो समझ आ गया ओके okay. तो आगे बढ़ते हैं गईस एजियोक्रॉप्स एजियोक्रॉप्स क्या होता है एजियोक्रॉप्स हो जाता है गाइस दैट इज Like मतलब दो मिक्सर कर दिए दो सब रेफ्रिजरेंट और उनको इस तरीके से मिला दिया कि वो एक साथ क्या क्या एक्शन होता है भाई देखो ऑयल के साथ एक्शन करने के तुम लोगों को तरीके बता देता हूं ऑयल के साथ एक्शन करना मतलब सरसों के तेल में रिफाइंड ऑयल मिला दो मिक्स हो गया फुल्ली मिसेबल राइट अब सरसों के तेल में अगर डीजल मिला दो है ना आधा थोड़ा बहुत मिक्स होगा लेकिन अलग अलग रहेगा और सरसों के तेल में अगर मैं पानी मिला दूं होगा इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन सा है तो क्या बोलोगे इन तीनों में फुल्ली मिसिबल फुल्ली इमिसेबल या पार्शियली मिसिबल इन तीनों में से सबसे खतरनाक क्या है आफ्टर <laughs> अमोनिया। सही है भाई तुम लोगों ने फुल प्लान बना के रखा हुआ है। अच्छा है बताओ आफ्टर इनहेलिंग यार इनहेलिंग नहीं अ, ये फुल्ली मिसिबल इमिसेबल और पार्शियली मिसिबल इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है फुल्ली मेसिबल है ना जिग्नेश बहुत बढ़िया तुम तो ऐसा क्यों नहीं करते हो आसपास में दीवार दिख रही हो तो जा करके जोर से सर भिड़ा के आओ ब्रिजेश आप भी बढ़िया स्वाद वाला देशराज आप भी जो 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 जो। जाओ 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 जल्दी जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ खतरनाक के बारे में बात कर रहा हूं यार तुम लोग तो समझ ही नहीं रहे हो ओके okay. बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसमें फुल्ली मिसिबल सर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लेकिन नहीं मेरे लाल फुल्ली मिसिबल खतरनाक नहीं होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है पार्शली मिसिबल मैंने एग्जाम्पल क्या क्या दिए थे मैंने दिया था फुल्ली मिसिबल का क्या होता है फुल्ली मिसिबल का होता है जहां पर आप लोग क्या कर रहे हो गे? आप लोग सरसों के तेल में रिफाइंड डाल दे रहे हो वो मिक्स हो गया दूध में पानी डाल दिया मिक्स हो गया है ना तो अब फुल्ली मिसिबल में क्या प्रॉब्लम है क्या सरसों के तेल और रिफाइंड की पूड़ियां नहीं खाई खाई हैं जरूर खाई हैं बिल्कुल खाई हैं कई लोगों ने खाया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आती कोई प्रॉब्लम आती है क्या हाय हाई फुलिसबल ऑयल की खाली अब तो क्या होगा ऐसा तो नहीं होता भाई फुल्ली मिक्स मिक्स हो चुके हैं ठीक है ठेके? फुल्ली इमेसिबल सरसों के तेल में अगर एक दो बूंद पानी का पड़ जाए राइट या फिर आधा आधा बूंद पानी का डाल दो या फिर आधा ग्लास पानी डाल दो अगर तुमने ऑयल में पानी डाला है और अगर ऑयल को गर्म करोगे पानी वेपरेट हो जाएगा पानी मिक्स ही नहीं हो रहा ऑयल से यह भी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब ये भी ठीक है लेकिन अगर सरसों के तेल में तुमने डीजल डाल दिया अब तुम उसकी पूरी खा पाओगे बताओ क्योंकि डीजल अगर सरसों के तेल के साथ मिलेगा थोड़े टेम्परेचर में थोड़ा बहुत तो मिक्स हो जाएगा थोड़ा मिक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा नहीं दो चार पांच परसेंट मिक्स हो जाएगा लेकिन हंड्रेड परसेंट मिक्स नहीं होगा यह पार्शियली मिसिबल रहेगा अगर पार्शियली मिसिबल है तो क्या तुम डीजल और सरसों के तेल की पूड़ी खा सकते हो हाँ या ना बताओ डीजल और सरसों के तेल की नहीं खा सकते सबसे खतरनाक है सर जी क्या कह रहे हो आईसी इंजन बन जाएगी पूरी बॉडी है ना तो तुम वो कर नहीं सकते तो पार्शियली मिसिबल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है कि ये क्या कर देता है चोकिंग की प्रॉब्लम करने लग जाता है चोक होने लग जाता है जो फुल्ली मिसिबल है वो कहता है आ जाओ संभाल लिया मैंने खुद में चलो आगे जो इमिसेबल है कहता है, मैं भाव ही नहीं देता किनारे हटो तो, जल्दी यहां से हटो हम आगे जाएंगे राइट लेकिन पार्शियली मिसिबल मिल भी गया लेकिन कह रहा है मैं मिला नहीं हूं तो मिलावटी चीजें खराब होती है, और ये वही वाला है ठीक है तो इसमें गाइस आप लोगों का जो पार्शियली मिसिबल है इट विल क्रिएट अ चोकिंग प्रॉब्लम राइट और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जो मिनरल ऑयल होता है उसको सिंथेटिक ऑयल से रिप्लेस कर देते हैं सो दैट चोकिंग प्रॉब्लम ना आ सके राइट right? और अगर उसके बाद भी कभी आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई इमेबल है पार्शली मिसेबल है और प्रॉब्लम आने वाली है तो प्रॉब्लम जब भी कभी आने वाली होगी तो कहां आएगी प्रॉब्लम कंडेंसर में तो हम क्या करेंगे कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ऑयल सेपरेटर लगा देंगे सो so दैट उससे हम ऑयल को निकाल सकें राइट right? अब जो फुल्ली मिसिबल है क्या ऑयल सेपरेटर से निकलेगा बिल्कुल भी नहीं जो फुल्ली इमिसिबल है वो तो मिल ही नहीं रहा तो भी जरूरत नहीं है पार्शियली मिसिबल में प्रॉब्लम होती है इसलिए फिर हमें ऑयल सेपरेटर लगाना पड़ता है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्लियर होंगी चीजें फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो राइट right? आगे बढ़ते हैं ओके okay. अब उसके बाद आ जाता है एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कंस्ट्रक्शन से अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जैसे अमोनिया है, है ना अमोनिया के बहुत नखरे हैं

ऑक्सीजन से अंधा प्यार करने वाले ऑक्सीजन दे दो इन्हें तुरंत एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं तुरंत इनको ना ही समाज की परवाह है ना ही फैमिली की चिंता है किसी की कुछ चिंता नहीं है भाई इनके जिंदगी का कोई एम नहीं है बस इन्हें ऑक्सीजन से अंधा प्यार है अगर ऑक्सीजन इन्हें मिली है। तुरंत मौके लगेंगे नहीं तुम पलक झपकोगे यहां पर इन्होंने काम कर दिया होगा तुरंत एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं है ना हर किसी से नाराज हो जाते हैं देखो इनसे नाराजगी फ्रीओन और हेलोकार्बन कंपाउंड से नाराजगी तुरंत अटैक मार जाता है मरकरी के साथ जबरदस्त नाराजगी है जबरदस्त नाराजगी है मरकरी के साथ भी कहते हैं अगर मरकरी मिल गया तुरंत रिएक्शन मार देते हैं तो फ्रियॉन और हेलोकार्बन कंपाउंड की दोस्ती किसके साथ है कॉपर के साथ ठीक है और अमोनिया की दोस्ती किसके साथ है रोटाइरन के साथ ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब लीक लीक डिटेक्शन डिटेक्शन टेस्ट भाई लीक भी तो करना है पता चला अगर तुम्हारा रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है अब देखो कई यहां पर मैं तुमको वो सारी चीजें पढ़ा, तो तो पढ़ा रहा हूं जो तुम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा राइट जो तुम लोगों को सारी चीजें यहां पर जाननी है है ना तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना नहीं तो भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो मैं तुम्हें तो वो सारी चीजें बता रहा हूं जिससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन तो तो याद रखना कि लीकेज तो होनी ही नहीं चाहिए ऐसा मत बताओ कि भाई मैंने ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना दिया अब इसमें लीकेज भी होगी और फिर लीक चेक करेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है सबसे पहले तो यहां पर यह है कि भाई लीकेज हो ही ना राइट लेकिन मान लो अगर जिग्नेश बार बार इस तरीके से पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना दे क्लास को डिस्टर्ब करे और अपने कॉन्सेप्ट को पक्के ना करे फिर वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाए और उसमें उसको पता चल जाए कि भाई साहब रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया है, लेकिन 100 परसेंट एफिशियंसी से बनाया नहीं लीकेज होगी होगी तो अगर कभी लीकेज होती है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा होमवर्क क्वेश्चन रुको मैं जिग्नेश को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ जिग्नेश ये आज का तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है आज तुम यही काम करना ठीक है क्लास पढ़ाने मत देना लो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन ठीक है मेरे लाल इंजॉय ओके okay. तो गाइज अब हमें लीक डिटेक्शन के बारे में पता चलेगा अब लीक डिटेक्शन करना है तो कैसे करें तो गाइज देखो अगर कभी भी आपकी फ्रीओन लीक हो रही है या फिर हेलो कार्बन लीक होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं हम लोग हेलाइट टॉर्च टेस्ट का यूज करते हैं ठीक है ठीके? और अगर कभी भी आप लोगों को आ, मतलब क्या बोलते हैं अमोनिया लीकेज मिल जाए राइट तो फिर हम लोग सल्फरस्टिक मेथड का यूज करते हैं ठीक है क्लियर है ओके यार तुम हंस रहे हो यार वो बार बार होमवर्क क्वेश्चन पूछ रहा था मैंने दे दिया उसको होमवर्क क्वेश्चन अब लिखता रहेगा बढ़िया आराम से आ, कर रहा है क्लास बार बार ओके चलो गई आगे बढ़ते हैं आगे अब गईज ये क्वेश्चन जो मैंने यहां पर मतलब एक लिस्ट दी है इस लिस्ट से कई बार काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स का किस किस जगह पर यूज होता है जैसे आर वन वन ये कहां पर यूज होता है तो जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं बड़े बड़े मॉल्स होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं दैट इज लार्ज सेंट्रल एसी प्लांट वगैरह में हम लोग आर वन वन का यूज करेंगे आर वन टू का यूज़ कहाँ होता है आर वन टू एक जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत छोटी छोटी जगह पे यूज़ किया जाता है बहुत हैवी कैपेसिटी का नहीं होता है ये इसका यूज किया जाता है जैसे घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो गया वाटर कूलर वगैरह हो गया उसमें यूज़ करते हैं अगर घर में ए सी है तो आर वन टू की जगह आर टू टू का यूज किया जाता है अमोनिया प्लांट का बहुत ज़्यादा अमोनिया कहाँ यूज़ होता है अमोनिया की यहाँ पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अच्छी होती है और अमोनिया का यूज़ किया जाता है आप लोगों का कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स में फिर उसके बाद आता है सी टू कार्बन डाइऑक्साइड तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्राई ग्राइसियोटू के बारे में अब ये जो ड्राई ग्राइसियोटू है इसका कहां पर यूज करते हैं गाइस ड्राई ग्राइसियोटू का यूज करते हैं हम लोग जब भी कभी हम लोगों को आइसक्रीम खाने का मन करता है या फिर शॉप्स वगैरह में देखा होगा जहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है मटेरियल का वहां पर आप ड्राइ सीओटू का यूज करते हैं फिर उसके बाद क्या है ब्राइन सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन एक ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जहां पर आप लोगों को बर्फ नहीं जमानी है ठंडा रखना है मटेरियल को लेकिन चिल्ड बिल्कुल बर्फ नहीं जमानी जैसे कि मिल्क चिलिंग प्लांट्स वगैरह हो गए वहां पर आप ब्राइन का यूज करते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या है एयर एयर का यूज कहां होता है दो जगह होता है एक होता है आप लोगों का आ, हवाई जहाज में एयर रेफ्रिजरेशन के लिए और एक होता है नॉर्मली गैस लिक्विफिकेशन के लिए कि गैस को लिक्विफाई करना है गैस को कंडेंस करना है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है क्लियर हो गया राइट right? क्लियर है सभी को ड्राई आइस मिल्क मिल्क बहुत ही बढ़िया ग्रेट गाइस बस ऐसे ही पढ़ते रहो गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक करते रहो ठीक ओके चिलर हां बोल सकते हो सोनू एक तरीके से वो क्लियर है गाइस सब बढ़िया सब चंगा मजा आ रहा है R -134, 134A का यूज कहां पर करते हैं बेसिकली अब इसका यूज हर जगह करने की कोशिश की जा रही है ठीक है जितने भी आज की डेट में नए रेफ्रिजरेटर्स बन रहे हैं जो नए एसी वगैरह बन रहे हैं है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप लोगों के बड़े एसी प्लांट्स वगैरह बन रहे हैं उसमें इसका यूज किया जा रहा है जिग्नेश तुम अभी हो तुम गए नहीं होमवर्क क्वेश्चन लेकर के हैं पगलू राम थैंक यू सो मच फॉर गुलाबी दिल गाइस थैंक यू सो मच रेफ्रिजरेशन के अंदर ऑयल कैसे आया रेफ्रिजरेटर के अंदर, के अंदर नहीं आता है करते हो, उसमें इंजन ऑयल क्यों डालते हो क्यों डालते हो इंजन ऑयल ताकि तुम्हारा लुब्रिकेशन बना रहे एंड एन ना आए तो कंप्रेसर यूज कर रहे हो तो कंप्रेसर में तुम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज नहीं करोगे करोगे ना ताकि वो जो उसका कंप्रेशन करते समय जो वॉल और पिस्टन और इन सब चीजों में जहां पर प्रॉब्लम आती है जहां पर वियर टियर आ सकता है वहां पर आप लोगों का वियर टियर ना आए इसके लिए आप लोग लुब्रिकेशन ऑयल का यूज करते हैं और बस गाइस वही लुब्रिकेशन ऑयल है जो आप लोगों का रेफ्रिजरेंट के साथ मिल जाता है ठीक है क्लियर है ओके okay. हम तो एप्लीकेशन पे इंतजार कर रहे थे ओ oh, ऐसा क्या जी लुब्रिकेशन के लिए बिल्कुल आर वन थर्टी फोर रेफ्रिजरेटर को घरों में यूज कर सकते हैं यस yes, एब्सोल्युटली कर सकते हैं कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आर वन थर्टी फोर का तो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है ठीक है और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं इस समय गईज मतलब अगर कभी भी तुम लोगों का मन हो पीएचडी करने का या फिर कभी भी डॉक्टरेट करने का डॉक्टरेट पी एच डी सी मतलब मास्टर्स करने का कभी भी प्लान हो तो आप लोग या तो डिजाइनिंग में जाना बहुत अच्छा स्कोप है या फिर मटेरियल साइंस में जाना बहुत अच्छा स्कोप है या फिर रेफ्रिजरेंट्स में जाना इसमें भी बहुत स्कोप है ठीक है क्योंकि इसमें अभी इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं ठीक है पवन यार अब बात वही वाली हो गई ना मेरे भाई किस तरीके से मटेरियल पूछ लो अब तुम तुम अब इसके बाद तुम आगे बढ़ जाओगे है ना फिर पूछोगे सर बर्गर ठंडा करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे सर कोका कोला के लिए क्या यूज करते हैं भाई किस में रखते हो तुम कोई भी सामान अपना फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर में हम किसका यूज करते हैं आर वन टू का तो किसका यूज करोगे आर वन टू का अमन जी सर पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी क्यों नहीं मिलेगी भाई जरूर मिलेगी हाँ वो अलग बात है क्या अगर तुम उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखना चाहो तुम उसको जाकर के डायरेक्टली डायरेक्ट कांटेक्ट में रखना चाहो तो भाई सीओ टू में सीओ टू ग्राई सीओ टू से भी तुम ठंडा कर सकते हो अपने मटेरियल को तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे हवाई जहाज में लेके जाना है तो तुम एयर से भी ठंडा कर सकते हो गैस लिक्विफिकेशन से कर सकते हो ठीक है अंकित थोड़ा सब्र खाओ है ना सब्र करो मिलेगा सब मिलेगा टेंशन नहीं लेने का हमें ना चलो ओके और कोई डाउट ये देखो कार में कौन सा होता है कार में कितना बड़ा एसी लगाते हो कार में कितना बड़ा एसी लगाया जाता है बहुत बड़ा भयंकर बड़ा ओ oh. ओ oh. क्या भाई लोग है कौन हॉटस्पॉट दे रहा है दिलीप सर हम हॉट स्पॉट दें क्या बेटा हम तुमको एक बिग स्पॉट दें क्या अच्छे से हैं स्वाद वाला बिग स्पॉट मिलेगा फिर तुमको चलो जल्दी से ग्रुप पे जाओ और जा करके सभी लोग फटाफट से मैसेज करो कि सर वापस आ गए जल्दी जाओ बहुत बढ़िया देवेंद्र बहुत बढ़िया तुमको बस यही लगता है इंटरनेट चला गया होगा इसीलिए रुक गई क्लास है ना कुछ और टेक्निकल ग्लिच भी हो सकती है है कंप्यूटर जी बिल्कुल ही इन लोगों को ऐसे ही लगता है कि बस नेट चला गया हॉटस्पॉट दे देंगे अभी आधे घंटे में खुद बोलेंगे सर मेरे खत्म हो गया है <laughs> <laughs> अलग ही चल रहा होता है यार तुम लोग का भी ओके बेटा आर फिनिश करने से पहले तो मैं नहीं जा रहा <laughs> जिसको ज्यादा वो चला गया होगा जो रुका हुआ है उसको पूरी आर मिलेगी एक्चुअली यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच हो गया था और उसकी वजह से जितने भी सारे सिस्टम्स थे जितना भी सारा स्टूडियो की लाइट्स वगैरह सब कुछ थी सब बंद हो चुका था ठीक है देर वॉज सर्किट और सम टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से सब बंद हो गया था एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लासेस चलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें थी कंप्यूटर थक गया होगा शायद हाँ ये हो सकता है ओके <laughs> <Okay. laughs> चलो <laughs> okay. तो एक बार ग्रुप में वापस से शेयर कर दो सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दो कि सर आ गए वापस है ना फिर स्टार्ट करते हैं कर रहा है। मैं हूँ सर मैं अकेले सेशन लूंगा है ना सही है भाई ऐसा ही डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई के लिए भी ओके okay. तो भाई सेशन को लाइक वाइक करते हुए रहना है ना वरना ऐसे ही बंद हो जाएगा कंप्यूटर सेशन को भी नाराज हो गया सेशन कहता है इतनी देर से आप सेशन ले रहे हैं कोई ना गुलाबी दिल भेज रहा है ना ही आपको सेशन को लाइक कर रहा है बंद ही हो रहा था मैं कह नहीं रुक जाओ भाई आएंगे आएंगे सब आएंगे हम्म मेरा चार्ज खत्म हो गया अभी कौन हॉटस्पॉट दे रहा था ले लो यार उससे अच्छा बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई ओके तो चार्जिंग में लगा लो यार ओके okay. चलो जिग्नेश तुमको ज्यादा नहीं लगने लग गया है डाल दिया वैसे दोनों में डाल दिया है सुबीर दोनों में डाल देना है ना ओके okay. हम्म hmm. अरे थैंक यू सो मच देवेंद्र बस तू ही मेरा भाई है बाकी सब मौसी के लड़के थैंक यू नितिन तू भी मेरा भाई है <laughs> चलो गए। आगे बढ़े आगे बढ़ते है ओके नाउ कमिंग टू द ए आर एस वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाउ वी विल टॉक अबाउट वेपर एब्जॉर्प्शन अभी टाइम ही कितना हुआ है यार इतनी जल्दी थक जाओगे तुम लोग तो कैसे चलेगा भैया दुनिया जीतनी है और दुनिया जीतने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना ओके okay. चलो हम्म गाइस जस्ट अ सेकंड जस्ट अ ना ओके नाउ लेट्स गो हम लोग बात कर रहे हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ठीक है नाउ सी व्हाट इज दिस गाइस अब यहां पर जब वीसीआरएस इतना बढ़िया चल रहा था जब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे रेफ्रिजरेशन के साथ हम लोगों ने इतनी सारी चीजें कर डाली रेफ्रिजरेंट के साथ जब हमने इतना कर डाला उसको इतना गरम करा उसके टेंपरेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया सब करा सब जब सब कुछ सही चल रहा था तो फिर हमें वी की जरूरत क्यों पड़ी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह आता है क्योंकि वी आर की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि जब हम लोगों ने यहां पर वी में इतने कमाल करे हुए हैं तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी कई इसका सबसे बड़ा आंसर ये है और सबसे बढ़िया आंसर यह है कि वी बहुत अच्छा है वी उसका टेन टाइम्स कम है राइट दस परसेंट नहीं है वी का लेकिन इसकी जरूरत क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूं इसको बस ऐसे समझना राइट right? कि फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल आपके पास अंधा पैसा है बहुत रईस हो है ना अंबानी को नौकरी में रख लो तुम इतने रईस हो तुम्हारे पास तुम खाना खाने बैठते हो कम से कम छप्पन भोग लगे होते हैं छप्पन तरीके का सामान है खाना खाने के लिए सब कुछ रखा हुआ है ठीक है बढ़िया तरीके से खाते भी हो बढ़िया अच्छी हेल्थ भी है सब कुछ सही है लेकिन अगर कभी तुमको मौका लगे या फिर अगर कभी तुमको पकड़ के उठा करके जबरदस्ती जंगल में छोड़ दिया जाए ठीक है अगर जंगल में छोड़ दिया जाए जहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कोई तुम्हारे मास्टर शेफ फाइव स्टार होटल के नहीं लगे हुए हैं कुछ भी नहीं है नथिंग जंगल में छोड़ दिया गया अब तुम्हें लगी भूख ओहो, ओहो, ओहो बहुत भूख लग रही है क्या करूं कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है राइट फिर तुम्हें अगर पेड़ पे लटका हुआ फ्रूट भी दिख रहा है ना जो तुमको पसंद नहीं है तो भी तुम खाओगे इसको हम लोग इंजीनियर्स अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी राइट तो इसी तरीके से जब भी कभी तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी का फील करते हो या फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है या फिर इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन इतनी महंगी है कि तुम्हें पता है कि भाई तुम चाह के भी इसका यूज नहीं कर सकते उस जगह पर हम वी ए आर एस का यूज करते हैं वी आर एस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते वी आर एस में हम किसका यूज करते हैं फ्यूल का तुम फ्यूल को ऐसा भी ले सकते हो पेट्रोल डीजल घास लेट जिसे हम कैरोसिन बोलते हैं या फिर तुम आ, कोल वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हो बेसिकली फ्यूल में हम लोग पेट्रोल डीजल कैरोसिन इन सब का यूज करते हैं ठीक है ओके हा देद्र हो सकता है मान लो अगर फ्रूट नहीं है तो घास है तो घास ही खा लो बोलो घोड़ा भी तो खाता है हम भी खा लेते हैं है ना तो मजबूरी है कुछ भी जिंदा रहना तो करना पड़ेगा तो भाई अब तुम्हारे पास ये है कि वी लग नहीं सकता लेकिन अब तुमको पानी तो ठंडा ही पीना है है ना नखरे भी तुम्हारे ज्यादा हैं तुम्हें चीजें ठंडी रखनी है नखरे बहुत है तो क्या करें तो उसके लिए हमने बनाया वी आर एस दैट इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कुछ खास बातें भी हैं कुछ बुरी बात भी है पहली बात ये खास है इसमें कि थोड़ा सा साइलेंट फीचर में आता है साइलेंट फीचर कहने का मतलब क्या हो जाता है गाइस साइलेंट फीचर कहने का मतलब ये हो जाता है

जल्दी हटाओ यहां से जल्दी हटो कंप्रेसर हटा दिए राइट रिमूव कर दिए क्या रिमूव कर दिए कंप्रेसर रिमूव करें अब तुमको पता है यहां पर देखो अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है तुम्हारा कुछ नहीं है ये क्या तुम्हारा इवेपरेटर है ठीक ये क्या है तुम्हारा कंडेंसर है ठीक बीच में लगा हुआ था कंप्रेसर कंप्रेसर ही हटा दिए क्या बीच में लगाते हैं अपन क्या बीच में हम लगाते हैं यहां पर जनरेटर कह लो जनरेटर लगा देते हैं ठीक है जनरेटर को कनेक्ट कर दिया किससे पंप से और पंप तुम्हारा किससे कनेक्ट होगा एब्जॉर्बर से ठीक है और यहां पे हम क्या लगा देंगे हमारी एक्सपेंशन डिवाइस लगा देंगे, राइट तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंप्रेसर को हटा के मैंने तीन डिवाइस लगाई और कंप्रेसर को हटाऊंगा तो गैप, तो गैप ही लगा देता हूं गैप पी गैप कहने का मतलब क्या है जनरेटर एब्जॉर्बर एंड पंप ठीक है दैट इज जनरेटर एब्जॉर्बर एंड पंप हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं कंप्रेसर की जगह पर और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं ऑल दो इस तरीके से करके हम लोगों ने कोई तीर नहीं मारा है हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं करा कि भाई साहब ओ माय गॉड क्या गजब हम लोगों ने बना दिया ऐसा कुछ नहीं था अगर हमारा वी अगर हमारा वी आप लोगों को सी देता था 3 से पांच की राइट right? तो हमारा VARs सीओपी देगा जीरो दशमलव तीन से लेकर के जीरो दशमलव पांच तक मतलब एक एक तो इनपुट दोगे उतना ही कम तुम्हें आउटपुट मिलने वाला है तुम समझ रहे हो रेफ्रिजरेटर दिल की तमन्ना इतनी नहीं पूरी होती है लेकिन थोड़ी हो जाती है ठीक है दिस इज वी ए आर एस ये है एक्चुअली में वी ए आर एस समझ आया क्या फील कर पाए कि VRS में हमने क्या करा है इज जस्ट सिमिलर टू बस VCRS में जो कंप्रेसर कंप्रेसर था कम्प्रेसर को हटा के हमने हम लोगों ने जनरेटर एब्जॉर्बर और पंप लगा दिया है जिसको हम लोग गैप के नाम से जानते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग कुछ नहीं से कुछ तो मिला काम चलाऊ तो है कम से कम मन को सुकून है कि हाँ ठंडा मिल रहा है इतना नहीं मिल रहा राइट पंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जनरेटर से ही चला लेना ठीक <laughs> पंप के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं चाहिए यार ना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा है तो क्यों चलाओगे तुम समझ गए डेविड <laughs> बहुत बढ़िया चीज है तो वीएआरएस हमेशा यही वाली बात बोलता है कि सीओपी घटे तो घटे नवाबी ना घटे ना <laughs> तो भाई इनकी नवाबी बढ़िया चल रही है इनकी सीओपी घट गई घट गई नवाबी बढ़िया है

वेपरेटर में हम क्या करते हैं हीट एडिशन करते हैं एब्जॉर्बर में क्या करते हैं हीट रिजेक्शन करते हैं या हीट एडिशन करते हैं नितिन सही में यार मुझे समझ ही नहीं आता ये डायलॉग पता नहीं किसने बनाया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी महात्मा गांधी को मजबूरी क्यों बोलते हैं मुझे ये नहीं समझ आया आज तक पता नहीं क्या है लेकिन बोलते हैं ना ऐसा बताओ हाँ, मजबूरी के नाम न्यूटन होना चाहिए था भाई हर जगह मिल जाते हैं न्यूटन साहब ओके एब्जॉर्बर में क्या करते हैं भाई बताओ जरा एब्जॉर्बर में क्या करते हैं ही करते हैं और क्या एब्जॉर्बर में क्या करते हैं मेरे लाल हीट एडिशन होता है भाई सिंपल सी बात है अब्सॉर्ब कर रहा है तो कभी एब्जॉर्बर को एब्जॉर्बर मत समझ लेना फर्जी इंसान है ये हीट रिजेक्ट करता है एब्जॉर्बर ठीक है ये हीट रिजेक्शन करता भैया ओके और गाइस यहां पर जनरेटर में आप क्या करते हो हीट एडिशन करते हो क्या करते हो मेरे लाल हीट एडिशन करते हो यहां पर आप लोग क्या देते हो क्यू जी जनरेटर पे ठीक है और ये वाली जो डिवाइस है यह क्या करती है एक्सपेंशन करती है प्रेशर को डिक्रीज करती है अब कितना ही प्रेशर जनरेट हो पाएगा ठीक है ओके okay. गाइस अब इस फंडे को समझना जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है यहां पर इन तीनों को ही क्यों लगाया गया है एक कॉन्सेप्ट तो ये है मतलब सोचने वाली बात है कि सर एब्जॉर्बर पंप और जनरेटर का हमने यूज करा तो करा क्यों कंप्रेसर जब हमारा काम चल रहा था तो फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें क्यों करी पहला पहला क्वेश्चन और भी लगता है जानना ठीक है समझना अब इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं गई हम लोगों ने इवेपोरेटर में क्या पढ़ा है इवेपोरेटर पे यहां पे लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर जाता है और मुझे यहां पर क्या मिलती है मुझे यहां पर वेपर मिलती है और नो यस और नो बताओ जरा बताओ मिलता है बिल्कुल सही बात है मैं ये सारी चीजें चेंज नहीं करना चाहता ठीक अच्छा अब मुझे एक बात बताना यहां पर पंप लगाया है पंप किसको पंप करता है लिक्विड को या वेपर को पंप किसको इधर से उधर लेके जाएगा पंप किसको इधर से उधर लेके जाएगा बताओ जरा लिक्विड को या वेपर को जल्दी बताओ यार टाइम बहुत लगाते हो जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो लिक्विड को राइट मतलब पंप किसको लेकर के जाएगा लिक्विड को लेकर के जाएगा लिक्विड को अब तुम्हारे दिमाग में तो भाई साहब ये वाली बात आनी चाहिए कि यार इवेपरेटर में मुझे वेपर मिल रही है लेकिन पंप लिक्विड को लेकर के जाएगा तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी ना कि वेपर से हीट रिलीज कर दे और ये लिक्विड बन जाए और अगर ये लिक्विड बन गया तो इसको पंप में भर के पहुंचा देंगे जनरेटर तक बताओ समझ आ रहा है तो एब्जॉर्बर जो लगा है वो इवेपोरेटर और पंप के बीच में क्या कर रहा है हीट को रिलीज कर रहा है सो दैट इवेपोरेटर से निकलने वाले पेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करके पंप के थ्रू जनरेटर तक पहुंचा सके समझ आया एब्जॉर्बर का फील समझ आया एब्जॉर्बर का फील क्या फील कर पाए कि क्यों मैंने यहां पर एब्जॉर्बर लगाया और क्यों एब्जॉर्बर से हीट रिजेक्ट होती है ना कि हीट एब्जॉर्ब होती है बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे अच्छो को समझ नहीं आता और 95 परसेंट स्टूडेंट जानने के बाद भी गलतियां कर देते हैं कि वर्ड से मुझे फील आ रहा है कि सर जी एब्सॉर्बर तो इसको एब्जॉर्ब करेगा ना और एब्जॉर्बर जहां एब्जॉर्ब करने की बात करते हो वहीं पर ही कहानी खत्म हो जाती है राइट right? ओके okay. अब गईज पंप से तुमको पता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी तुमने पढ़ा हुआ है जो तुम्हारा पंप होता है वो प्रेशर को इंक्रीज करने के काम में लाया जाता है राइट पंप बेसिकली क्या करता है प्रेशर इंक्रीज करता है तो अब अगर तुम लोगों को वो याद हो जो मैंने तुम लोगों को सिखाया था वीसीआरएस में वीसीआरएस में कंप्रेसर का काम क्या था कंप्रेसर का काम वो वेपर को प्रेशर इंक्रीज करता था और वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज करता था यही होता था राइट अब कंप्रेसर यहां पे है नहीं मैंने क्या किया मैंने सीधा यहां पर एब्जॉर्बर से लिक्विड बना करके क्या करा लिक्विड को ऊपर पहुंचाना है अब मेरा एम है कि मुझे प्रेशर भी ज्यादा चाहिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए अगर प्रेशर ज्यादा चाहिए तो पंप तुम्हें प्रेशर इंक्रीज करके दे देगा है अभी भी लिक्विड ही लेकिन इसका प्रेशर अब पंप इंक्रीज करेगा जब ये लिक्विड जनरेटर के पास जाएगा यहां पर हीट सप्लाई होगी और हीट सप्लाई होने की वजह से ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा वेपर में कन्वर्ट होगा और साथ में आप लोगों का यही वेपर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर इवेपरेटर में सब कुछ करने के बाद एब्जॉर्बर पंप और जनरेटर लगा करके मैंने ये चीज अचीव करी जो मुझे कंप्रेसर से मिलती थी समझ आया कंप्रेसर से मुझे वेपर मिलता था सुपर हीटेड वेपर इंक्रीज प्रेशर और टेम्परेचर पे मुझे वही चीज चाहिए थी तो मैंने मैंनेबर लगाया सो so दैट मैं यहां से जो मेरा है, उसको पूरा लिक्विड में बदल के पंप से इंक्रीज कर सकू प्रेशर और जनरेटर में जाने के बाद हीट दूंगा जिससे मेरा हाई प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फाइनली तुम्हें प्रेशर इंक्रीज मिलेगा टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा और तुम्हारी वेपर किस कंडीशन में वेपर कंडीशन में तुम्हारी किस में जाएगी कंजेंसर में कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगा हीट रिजेक्ट होने के बाद फिर से वेपर लिक्विड बनेगी फिर यह लिक्विड आप लोगों की किस्मत जाएगी एक्सपेंशन डिवाइस में जिसमें लिक्विड और वेपर का मिक्सचर कन्वर्ट होगा फिर लिक्विड और वेपर तुम्हारा वेपरेचर में आएगा जो वेपर बनाएगा फिर उसको एब्जॉर्बर में भेजेंगे ये लिक्विड बना देगा फिर इस लिक्विड में पंप से ऊपर पहुंचाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा जनरेटर में उस प्रेशर हाई प्रेशर लिक्विड को वेपर बना दिया जाएगा और वेपर और वेपर बनने के बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर पर वापस भेजा जाएगा कंडेंसर में और यही काम चलता रहेगा और इसी काम के चलते हुए आप लोगों को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा यह होता है कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने अभी सीखा VARS का क्लियर हुआ क्लियर हो गया गाइस ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ है तो बताइए ओके बताइए मजा आया समझ पाए एब्जॉर्बर का जनरेटर का पंप का क्या फील है रिवीजन करके मजा आ रहा है बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया क्लियर बा वेरी गुड ऐसी तुम लोग मन में घर में रिवीजन कर नहीं रहे हो मन में बात आती है कि यार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कैसा चलेगा लिक्विड कंप्रेस होगा क्या नहीं भाई लिक्विड कंप्रेस क्यों होगा लिक्विड क्यों कंप्रेस होगा और कहा लिखा है मैंने कि लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं यहां पे पंप कंप्रेस करता है प्रेशर बढ़ाता है अनुराग यू कैन यूज द सोलर एनर्जी लेकिन रात को सोलर एनर्जी का यूज नहीं हो सकता तो ये जो कॉइल हीट कर रहे हो तुम ऑफ फ्यूल कर सकते हो पेट्रोल जला लो डीजल जला लो कैरोसिन जला लो ठीक है कोल जला लो किसी भी तरीके से कर सकते हो सोलर का यूज तुम दिन में कर सकते हो तुम सोलर के थ्रू भी कर लो मुझे कोई तकलीफ नहीं है इवन वी एस को भी तकलीफ नहीं होगी दिन में चल जाएगा रात को नहीं चलेगा और कोई डाउट हर वीक रिवीजन करा दिया करो अगले वीक आईसी इंजन का कर रिवीजन करेंगे उसके अगले वीक पावर प्लांट इंजीनियरिंग का कर रिवीजन करेंगे फिर उसके अगले वीक तुम लोग बता देना इंडस्ट्रियल करना है हीट एंड मास ट्रांसफर करना है जिसका भी रिवीजन करना होगा अगले के अगले वीक लगा देंगे ठीक है एब्जॉर्बर में लिक्विड का यूज करते हैं क्या आ, हीट रिजेक्ट करने के लिए शायद सुनो द दिन जैसे कि वी आर एस में कितने हीट है तीन है कंडेंसर और एब्जॉर्बर हीट हीट एक्सचेंजर जब भी कभी एक्सचेंज करता है वो दो फॉर्म में ही करता है या तो विद द हेल्प ऑफ लिक्विड या फिर विद द हेल्प ऑफ एयर अगर तुम्हारा वी आर एस का सिस्टम बहुत छोटा है बहुत डोमेस्टिक टाइप तुमने बनाया घरेलू यूज के लिए बनाया है वी आर एस तो फिर तुम उसमें एयर से आ, उसको हीट रिजेक्ट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एयर लेकिन अगर तुमने अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को थोड़ा बड़ा बनाया है जहां पर विद दी हेल्प ऑफ एयर तुम इसका हीट रिजेक्शन नहीं करवा पा रहे हो देन यू कैन यूज द लिक्विड समझ गए इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर कि भाई कितना हीट तुम्हें रिजेक्ट करना है अगर हवा बस से काम चला जा रहा है अगर एयर बस से काम चल रहा है तो फिर लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल धीरज ठीक है फ्लूड मैकेनिक्स का सर क्वेश्चन के साथ है ना ब्रिजेश ओके यस क्लियर हो गया एनसीआर में हल्की हल्की बारिश हो रही है तो चलते चलते क्लास भी ले रहा हूं बूंदे पड़ रही हैं, फिर फवन बीच बीच में साफ करके आपकी क्लास लिए जा रहा हूँ वाह मेरे लाल वाह क्या बात है थैंक यू सो मच डेविड थैंक यू सो मच ओके <laughs> देखो संदीप के लिए अलग ही जलवे चल रहे हैं ना एफिशिएंसी घटे तो घटे नवाबी ना घटे कह रहा मेरी तलवार निकालो खुद से तलवार भी नहीं निकालना उसके लिए भी इसने किसी बंदे को रखा हुआ है बोल रहा मेरी तलवार निकालो क्वेश्चन के साथ युद्ध करना है वाह <laughs> अपनी तलवार खुद निकालो तुम पता चला जो तुम क्वेश्चन के साथ युद्ध करने हो जिसने तुम्हारी तलवार निकाल वहीं के साथ युद्ध कर लिया ऐसा ना करो यार अभी और कोई डाउट तो नहीं है आगे बढ़े चलो तो इसका डायग्राम दिखा देता हूं आप लोगों को ठीक है डायग्राम 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 यस हियर इज द डायग्राम अब देखो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई उसी चीज को ही मैंने यहां पर आप लोगों का दिखा दिया राइट right. देखो ये एब्जॉर्बर है।, है, ठीक ये तुम्हारा जनरेटर हीट एड कर रहा है यहां पर एनालाइजर रेक्टिफायर क्यों लगाया है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ठीक है एनालाइजर रेक्टिफायर क्यों लगाया है उसके बारे में आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा ओके जस्ट एक सेकंड का टाइम देना मुझे बस

ठीक है तो ये फॉर्मूला याद रखना गईज क्योंकि इससे आप लोगों का आंसर आएगा अब यहां पर बात आती है कि ये किस तरीके से यूज किया जाता है अब देखो जब मैंने तुमको ये सारी चीजें बताई जब मैंने तुमको ये सारी चीजें बताई राइट तो अब तुम्हारे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें मैं क्या यूज करूं तो गाइज ये क्या होता है ये तुम लोगों का रेफ्रिजरेशन सिस्टम और उसमें रेफ्रिजरेंट का ही यूज किया जाता है लेकिन रेफ्रिजरेंट का यूज करने के बाद हम उसकी जो ठंडक है उसकी जो कोल्डनेस है वो किसको देते हैं वाटर को देते हैं और वाटर को जब हम लोग कोल्डनेस देते हैं फिर उसके बाद क्या होता है उस वाटर से चीज़ें ठंडी की जाती हैं ठीक है थीके? तो यहां पर आप लोगों का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें आप लोग दो तरीके के रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं मतलब रेफ्रिजरेंट्स का यूज करते हैं द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं एक कॉम्बिनेशन होता है अमोनिया एंड वाटर का एंड दूसरा कॉम्बिनेशन होता है लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर का

ये जो वाटर के मॉइस्चर हैं जो वाटर है अमोनिया के साथ मिल जाए ठीक है अमोनिया वेपर के साथ मिल जाए अगर कभी ऐसा हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पानी मिल जाता हो ऐसा कभी नहीं होता थोड़े बहुत दो चार बूंद आधा चम्मच है ना इस तरीके से अगर तुम्हारे वाटर के पार्टिकल्स अमोनिया वेपर के साथ आ गए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि अमोनिया पसंद नहीं करता अपने साथ किसी भी चीज की मिक्सिंग है ना अमोनिया कहता है भाई मेरे को नहीं चाहिए अपन सही है मुझे जरूरत ही नहीं नाराज हो जाता है अमोनिया तो फिर हमें एक नई डिवाइस बनानी पड़ी जिसका नाम है एनालाइजर और रेक्टिफायर राइट क्या नाम है एनालाइजर और रेक्टिफायर वो क्या करता है अमोनिया वेपर से वॉटर पार्टिकल्स को अलग कर देता है ठीक है वो बेसिकली क्या करता है अमोनिया से अपने वेपर पार्टिकल्स को अलग कर देता है और जब भी कभी अमोनिया वेपर से वाटर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं अमोनिया खुश हो जाता है और काम होता है तो सबसे पहले हम एनालाइजर लगाते हैं एनालाइजर में जब फिल्टर होता है तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको रेक्टिफायर में भेज देते हैं और रेक्टिफायर में भेजने के बाद फिर उसको कंडेंसर में लेके जाते हैं तो यहां पर जो आपका डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में देखो गई इस डायग्राम में एनालाइजर और रेक्टिफायर लगाया ये सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के लिए यूज किया जाता है किसी और चीज के लिए मत यूज कर लेना ठीक सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के लिए होगा एनालाइजर और रेक्टिफायर लगाएंगे अलोंग विद एक दो चीजें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एनालाइजर और रेक्टिफायर की हमेशा जरूरत पड़े यू गेटिंग पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं भाई मान लो अगर अमोनिया वेपर और वॉटर पार्टिकल्स का मिक्सचर बना ही नहीं या फिर वॉटर पार्टिकल्स अमोनिया वेपर के साथ जुड़े ही नहीं तो क्या जबरदस्ती एनालाइजर रेक्टिफायर का यूज करोगे नहीं करोगे क्योंकि ये भी तो इनपुट लेंगे अगर वर्क इनपुट इसमें भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों की एफिश सी ओ को घटाने का काम करेंगे तो वॉट वी यू एक्चुअली यूज वॉट वी एक्चुअली डू हम लोग यहां पर uh, तब एनालाइजर और रेक्टिफायर का यूज करते हैं जब हमारे वाटर पार्टिकल्स अमोनिया वेपर के साथ मिले अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ठीक है ओके अब दूसरी चीज ये जो आप लोगों ने रेक्टिफायर और एनालाइजर का यूज करा है ये डायरेक्टली कनेक्ट होंगे किसके साथ कंडेंसर के साथ तो दो रास्ते बनते हैं या तो जनरेटर से डायरेक्टली पहुंच जाओ कंडेंसर में या फिर एनालाइजर में जाओ रेक्टिफायर में जाओ रेक्टिफायर से कंडेंसर में आओ ठीक है तो ये दो रास्तों का यूज किया जाता है इस चीज को याद रखना ठीक चलो अब दूसरे कॉम्बिनेशन में चलते हैं गाइस दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा लिथियम ब्रोमाइड और वॉटर का दिस एलआई लिथियम ब्रोमाइड और वॉटर एज यू परिथियमेंट काम करेगा और लिथियम प्रोमाइड आप लोगों का एब्जॉर्बर के तरीके से काम किया जाता है अब गाइस यहां पर अगर रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करें और वॉटर है तो वॉटर अगर रेफ्रिजरेंट है तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो आइस बन जाएगा राइट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो ये आइस बन जाएगा अब क्या आइस का यूज़ कर सकते हो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो क्या किया जाए तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का यूज़ करते हैं तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर मिनिमम जा सकता है वो एक या दो डिग्री तक जा सकता है वो जीरो डिग्री से नीचे नहीं जा सकता अगर जीरो डिग्री के नीचे अमोनिया oh और सॉरी लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का टेम्परेचर चला गया तो फिर ये जो वाटर है वो खुद आप लोगों का आइस बन जाएगा और फिर उसके बाद आपका रेफ्रिजरेशन नहीं हो पाएगा ठीक है तो मतलब यहां पर आप लोगों को यह रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का यूज करके आप लोग जीरो डिग्री से कम का सामान नहीं कर सकते मतलब कहने का क्या है इन शॉर्ट इन वेरी शॉर्ट टर्म आई कैन से कि लिथियम ब्रोमाइड और वॉटर का यूज करके आप लोग आइसक्रीम नहीं जमा सकते ठीक है कुल्फी खाने का जो स्वाद है ना मेरे लाल वो तुम्हें इससे नहीं मिल सकता है ना तो कुछ तो तुमको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ठीक है आइसक्रीम नहीं बन पाएगी है ना समझ गए समझ में आया क्या फील कर पाए यस इसका यूज हो सकता है मिल्क चिलिंग प्लांट्स वगैरह में यहां पर आप इसका यूज करते हैं लेकिन मिल्क चिलिंग प्लांट्स वगैरह में भी आप अमोनिया का कई बार यूज कर लेते हैं मिल्क चिलिंग में हो सकता है यस yes, हो सकता है बिल्कुल होगा क्योंकि वहां पर आपको आइस नहीं जमानी होती ठीक है ओके okay, समझ में आया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है गई गुलाबी दिल के साथ जरूर बताओ मजा आ रहा है प्रियांशु का भी ये भी बोल दिया अगर सर हम आपके स्वाद वाले मुक्कों से काम चला लेंगे हैं क्या कमी है मेरे स्वाद वाले मुक्कों में इतने बढ़िया स्वाद वाले मुक्के हैं बहुत मजा आ रहा है तो गुलाबी दिल की बारिश होनी चाहिए भाई ओके क्या बात है थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच ओके आगे बढ़ते हैं आगे गाइज इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली थी एक मिनट भी है, एक मिनट रुकिएगा यस yes ओके okay. तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसमें भाई साहब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ये एक्चुअल सीओपी के बारे में बात करते हैं तो हम पंप वर्क को निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पंप से ही आप लोगों को क्या मिल रहा है प्रेशर हाई प्रेशर मिल रहा है लेकिन मान लो अगर आप लोग पंप को नेग्लेक्ट कर देते हो तो जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा हीट एट कंडेंसर डिवाइडेड बाई हीट एट जनरेटर सॉरी कंडेंसर बोल रहा हूं इवेपरेटर ठीक है डिवाइडेड जनरेटर, बस इतना करना है, इतने में आंसर आ जाएगा क्या बात है शाहिद इतना ज्यादा मजा आ रहा है सही में पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई थी हम्म गई यहां पर एक ऑपरेशन लिखा हुआ है नॉइजलेस ऑपरेशन ये किससे किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर क्या होता है गाइज इलेक्ट्रोनिक्स रेफ्रिजरेटर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसको हम लोग नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं मतलब इसमें बिल्कुल आवाज नहीं आती पता है क्यों क्योंकि यार देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे पास ये वाला सीन था ना कि जब हम लोगों ने इसका यूज करा था वी आर इसका तो हमने कहा था कि लेस नॉइजी होता है लेस नॉइजी क्यों क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कंप्रेसर हटा दिया था लेकिन भाई साहब पंप तो लगा हुआ है ये पंप तो आवाज करेगा ना तुम्हारे घर में भी पंप है जब पानी चढ़ाते हो तो आवाज आती है ना पंप की तो ये आवाज भी आएगी हमने कहा एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाते हैं यहां पे पंप का ही यूज नहीं करेंगे नो यूज ऑफ द पंप अब पंप और कंप्रेसर इन्हीं से आवाज आती है वही हटा दिए <laughs> जब आपने वो हटा दिया तो आवाज कहां से आएगी आएगी नहीं इसीलिए बन जाता है Noiseless Operation. और जब हम नॉइजलेस ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है ये थ्री सिस्टम पे काम करता है दैट इज अमोनिया वाटर और एक होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप लोगों का किस काम में आता है गाइस हाइड्रोजन जो आप लोगों का काम में आता है वो होता है आप लोगों का जब आपको लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करना होता है अमोनिया वेपर का ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करके ही आप लोग यहां पर अमोनिया वेपर में रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं अब लो पार्शियल प्रेशर क्यों क्रिएट करा है मैं बताता हूं कई बेसिकली आप लोगों ने यह चीज देखी होगी अगर यहां पे प्रेशर है दस बार का राइट और यहां पे प्रेशर है एक बार का और इस जगह पे मैं अगर आपको खड़ा कर दूं ठीक है तो अब आप ये बताओ क्या आप यहां से यहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं क्या इसमें आपको रस्सी पकड़ के खींचना पड़ेगा आ जा मेरे भाई आ जा आ जा आ जा या फिर क्या आपको यहां से धक्का लगाना पड़ेगा जा भाई आगे जा आगे जा या फिर हाई प्रेशर अपने आप है यहां पे लो प्रेशर है तो हाई से लो की तरफ आप अपने आप चले जाओगे चलो आप अपने आप को हटा दो आप अपने आप को हटा दो यहां पर कुछ और रख दो यहां पे एक बॉल रख देता हूं मैं ये फुटबॉल है मान लो ठीक अब इस फुटबॉल को देखो क्या ये फुटबॉल आप लोगों की आगे जाएगी हाँ या ना बताइए बताइए अपने आप फ्लो करने लगेगा या मुझे कोई पंप लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी तो हाइड्रोजन का जो यहां पर यूज हो रहा है वो बस इसीलिए हो रहा है दैट इज अमोनिया का लो पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया वाटर वेपर का अब लो पार्शियल प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक अपने आप फ्लो होगा जैसे यहां आएगा फिर लो प्रेशर क्रिएट फिर तो उधर चला जाएगा फिर लो प्रेशर क्रिएट फिर चला जाएगा तो फ्लो बनाने के लिए रेफ्रिजरेंट के फ्लो बनाने के लिए अगर आप पंप यूज नहीं कर रहे हो तो किसी का तो यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से फ्लो हो सके अगर फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो फिर तुम यूज कैसे करोगे अपने रेफ्रिजरेशन का क्योंकि रेफ्रिजरेट को तो फ्लो करना पड़ेगा पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है तो उसके लिए हाई और प्रेशर लो प्रेशर का तुम्हें कॉम्बिनेशन चाहिए होगा और हाई और लो प्रेशर के लिए तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हो सके और वो काम करता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया को लो वेपर प्रेशर देता है और लो वेपर प्रेशर जैसे ही क्रिएट होता है अमोनिया वेपर का तो उसका फ्लो चालू हो जाता है इसलिए हम लोग इसमें थो थ्री फ्लूइड सिस्टम का यूज करते हैं बहुत सारे लोगों को हाइड्रोजन के बारे में पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में कर क्या रहा है आई गेस आज क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये क्या करने की कोशिश कर रहा है राइट right? हुआ कि नहीं बताना जरा हो गया क्लियर क्लियर <coughs> हो गया बढ़िया डेविज मोहित क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल बेसिकली गाइस जब भी कभी मैं बात करता हूं रिवर्स ब्रेटन साइकिल की आप देख रहे हो मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने आ का पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा गाइस ठीक है ओके रिवर्स ब्रेटन साइकिल बेसिकली रिवर्स ब्रेटन साइकिल इसका नाम बाद में पड़ा पहले इसका नाम था बेल कॉलेमन साइकिल ठीक है अब बेल कोलेमन साइकिल में हम लोगों ने यहां पर जो यूज करा योर कंप्रेसर ये आप लोगों का कंप्रेसर है अब आप लोगों के दिमाग में फिर से ये वाला क्वेश्चन आएगा कि सर बार 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 हम लोग इतनी सारी साइकल्स क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक रीजन है आप एक बात बताओ जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि नाइकी है ठीक नाइकी भी जूते बनाता है, है ना बढ़िया जिस तरीके के जूते चाहिए स्पोर्ट्स शूज में बढ़िया बना देगा जॉर्डन्स वगैरह बना देगा तगड़े जूते बनाता मजा आ जाता भाई पहन करके ठीक है तो फिर दास की जरूरत क्यों पड़ी फिर हमें रिबॉक की जरूरत क्यों पड़ी क्यों पड़ी हमें जरूरत नहीं पड़ी ना 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 ना, ना. हमें जरूरत नहीं पड़ी इनको जरूरत पड़ी इट इज लाइक इनने अपना नाम करना था Nike अकेले क्यों कमाए हम भी जूता बनाएंगे हम भी बेचेंगे हम भी रिबॉक बना करके बेचेंगे राइट ओके नो इज द फुल फॉर्म ऑफ एडिडास इज इज द फुल फॉर्म ऑफ एडिडास दैट ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स चलो तो ये बात समझ में आई तो बेलकॉलिवन साइकिल का जो बेसिकली फील था वो यही था कि अगर मुझे भी अपनी साइकिल बनानी है अगर मुझे भी अपना नाम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा तो इन्होंने क्या करा इन्होंने हीट एक्सचेंजर का यूज करा लेकिन हीट एक्सचेंजर का यूज करके इन लोगों ने अपनी चीजों को थोड़ा सा बदल दिया जैसे कि कि बेसिकली बेल साइकिल की एक सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये थी इन्होंने जो एक्सपेंशन करा वो एक्सपेंशन एक्सपेंशन ना करके इन्होंने करने की सोची ठीक है इन्होंने कंडेंसर का ना यूज करके कूलर का यूज करा इन्होंने जो जोपरेटर का यूज करा उसमें एज अ रेफ्रिजरेंट उसका यूज करा कि मतलब सिर्फ रेफ्रिजरेंट की मदद से उन लोगों ने यहाँ पर हीट को एब्सॉर्ब uh, करने का यहां पर सोचा ठीक है तो अगर गाइज यहां पर हम बात करें तो सेम प्रोसेस हर एक चीज सेम है कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर देख रहे हो मतलब हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगा रिवर्सिबल एडियाबाटिक और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबायोटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जब हमने इसकी साइकिल बनाई पीवी डायग्राम ये ऐसी बनी दैट इज वन दैट इज टू दैट इज थ्री एंड दैट इज फोर राइट वन से टू रिवर्सेबल टू टू थ्री कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन देन थ्री से फोर आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन देन फोर से वन कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन ये बनाई जब ये वाली साइकिल बन गई बेल कोलिवन साहब ने अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लिया राइट right? बहुत सारी चीजें हो गई और जब ये सारी चीजें चल रही थी ये तो को उल्टा करके चला दिए हैं और अपने नाम से बेच रहे हैं हम तो ये नहीं होने देंगे जाकर के चार लोग से शिकायत कर दिए बोलिए हमारी साइकिल है उल्टा करके कर रहे हैं तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट तो हमारा है कहे हाँ बात तो सही है कहे क्या कहें तो इन्होंने बोला कि भैया बेल बेलकॉलम साइकिल जो है वो कैसी दिख रही है ब्रेटन साइकिल के रिवर्स के जैसी दिख रही है इसलिए इसका आज से नाम होगा रिवर्स साइकल भी और तब जाकर जब पी डायग्राम बना इससे तो नहीं समझ में आ रहा था लेकिन जब पी डायग्राम बना तो समझ में आया कि अच्छा ये रिवर्स ब्रेटन साइकिल है ओके अब जब रिवर्स ब्रेटन साइकिल बनाई गई और इन्होंने भी आइस ट्रॉपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन करा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हीट रिजेक्शन करना शुरू करा तो भाई साहब जो रिवर्स ब्रेटन साइकिल थी वो किसके तरीके से काम कर रही थी मतलब ये एक्चुअली में है क्या ब्रिटन साइकिल का ही तो कॉन्सेप्ट था तो भाई साहब ब्रिटन साइकिल के ही तो सारे के सारे लॉस सारे के सारे फीचर्स सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे और वही सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलने लग गई देखिए आगे बढ़े प्रोसेस सेम डायग्राम बस साइकिल उल्टी है टीएस सेम डायग्राम बस साइकिल उल्टी है सीओपी जब यहां पर वन माइनस आरपी ट्यूटी पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा था यहां पर क्या हो गया आरपी ट्यूटी पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन आ गया देख रहे हो जस्ट उल्टा कर दिया और अगर यहां पर मैंने इसको रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोला है तो ब्रेटन साइकिल की एक खास बात है जो बोली जाती है हमेशा दैट ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है प्रेशर रेशियो के ऊपर तो भी भी भाई फिर भाई साहब ये अगर रिवर्स ब्रेटन साइकिल है तो इसकी सीओपी किसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रेशर रेशियो के ऊपर भाई फीचर्स भी तो सेम होंगे अरे यार इसमें कौन सी बड़ी चीज थी ये तो भाई साहब नॉर्मल वाला है ना कि भाई अगर मैं रिवर्स ब्रेटन या ब्रेटन के बारे में बात कर रहा हूं तो अगर ब्रेटन में वो प्रेशर रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो रिवर्स ब्रेटन में टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी ना करेगा रिवर्स में भी तो प्रेशर के ऊपर ही करेगा राइट सर जब आई एंट्रोपिक है तो हीट लॉस होगा ही नहीं मतलब आइसन ही हुई ना टोटल एनर्जी कांस्टेंट संदीप कितना 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 घनघोर गंदा कॉन्सेप्ट बनाया है भाई तुमने बहुत ही ज्यादा गंदा कॉन्सेप्ट बना लिए हो बिल्कुल गलत है ना 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 बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना पूछो क्यों पूछो जल्दी पूछो क्यों अब पूछ ही नहीं रहे अलग ही है यार पूछ ही नहीं रहा बंदा <laughs> चलो हम बता देते हैं मत पूछो ओके सुनो मेरे लाल जब भी कभी तुमने आइसिंग ट्रॉपिक एक्सपेंशन करा हाँ चलो पूछ भी लिया चलो अच्छी बात है भाई सुन लो गई आप लोग भी सुन लो क्वेश्चन अच्छा है लेकिन कॉन्सेप्ट गंदा है सुनो अब यहां पर जब हम लोग बात करते हैं आइसेंग ट्रॉपिक एक्सपेंशन की मतलब ये वाली बात तो क्लियर है कि रिवर्सेबल एरिया बेटी का मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा हीट का लॉस नहीं होगा ये वाली बात हमने मान लिया लेकिन मेरे लाल तुम हीट का लॉस नहीं हो रहा तो तुम इसको एंथेलपी कांस्टेंट थोड़ी ना बोल सकते हो क्योंकि एंथेलपी की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से U प्लस पी भी होता है ये वाली बात मानते हो कि नहीं तो वर्कडन को रोक पाओगे क्या बोलो ये जो एक्सपांडर लगा है एक्सपेंशन सिलेंडर लगा है मेरे लाल ये थोड़ा सा तो वर्कडन करेगा और वर्कडन के साथ एंट्रोपी एसोसिएट नहीं होती है तो वर्कडन अगर कर भी गया तो एंट्रॉपी के बारे में नहीं पता चलेगा तुम्हें फील कर पाए सचिन जी कहां हो सर जी बस आपके दिल में है समझ आया संदीप कि भाई एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द वर्क डन इज जीरो और ये जो आप लोगों का यहां पर सिलेंडर है अगर इसमें डन हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ और यहाँ पर जब हम एन्थैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब टोटल है कुछ नहीं होना चाहिए थ्रॉटलिंग में वर्क डन जीरो होता है यहां पर वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं होगी चेंज इन डन यहां पर होगा थोड़ा ही होगा लेकिन होगा एंथेल्पी नहीं कर सकते पहला कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट जब मैंने आप लोगों को गईज डायग्राम्स दिखाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप लोगों की आइसेंग्रॉपिक प्रोसेस होती है आइसेंग्रॉपिक प्रोसेस में एंथेल्पी इंक्रीज करती है इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस में एंथेल्पी इंक्रीज करती है एंथेल्पी कॉन्स्टेंट नहीं होती कभी भी ये मत बोलिएगा कि आइसेंथेल्पिक प्रोसेस आइसेंग्रॉपिक भी है या फिर आइसेंग्रॉपिक प्रोसेस आइसेंथेल्पिक है दोनों अलग हैं और दोनों केस में अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसको लिखना हो तो लिख भी लो ठीक है अगर आइसन प्रोसेस है एंट्रोपी कीप्स इंक्रीजिंग एंट्रोपी इंक्रीज होती ही है हर हाल में एंट्रोपी इंक्रीज होती है और अगर आइसिंग ट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें भी एंथेल्पी इंक्रीज होती हुई जाएगी ठीक है कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं तुम लोग भी क्या याद रखोगे कौन से सर के साथ पाला पड़ा था कहां से कहां तक कनेक्ट कर देंगे दूर दूर तक समझ नहीं पाओगे मेरे लाल सुनो देखो सीखो और समझो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर ओके अब गाइज अगर यहां पर तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो ये जो थ्री वाली प्रोसेस है ये यहां पर आएगी और ये जो फोर वाली प्रोसेस है ये यहां पर आएगी थ्री से फोर आइसन प्रोसेस होती है VCRS के केस में ये जो तीन से चार है आइसन प्रोसेस है और आइसन प्रोसेस तीन से चार में ये क्या है एस थ्री है ये एस फोर है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है आइसन थाल्पिक प्रोसेस एंक्ट्रोपी की इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। समझ आया समझ आया ठीक अभी अभी कहा अभी थोड़ा सा और समझो बिल्कुल जड़ से निकाल के फेंक दूंगा डाउट और सुनो हो इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट सर जब बिल्कुल रगों में दौड़ने लग जाए देखो प्रेशर एंथेलपी का डायग्राम बना रहा हूं सेम सिखाया हुआ है मैंने कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर सिखाया नहीं है हाँ ज में सिखाया लेकिन ठीक है देखो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर ठीक है वन से टू कौन सी प्रोसेस होती है कंप्रेशन होता है कैसा कंप्रेशन होता है रिवर्सेबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन और अगर मैं इसी को ही प्लॉट करूं यहां पर तो ये क्या है एच वन और ये क्या है तुम्हारी एच टू वन से होती है और आइसेंग्रॉपिक में देखो एनथेलपी बढ़ रही है देखो बढ़ गई देखो ये देखो बढ़ गई राइट तो मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती रहती है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंथेलपी बढ़ती है ठीक समझ में आया क्या फील कर पाए क्या भाई साहब बहुत डेफ्त वाली चीजें हैं ऐसे ऐसे नहीं हैं ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे डेफ्त है इसकी पीएच के लिए डॉम गड़बड़ बन गया यार तुम सही कर लेना यार कॉन्सेप्ट में ध्यान दो हैं ठीक हाँ इसको थोड़ा सा उस साइड को मुंडी घुमानी थी ना मैंने घुमा पाया वाई का वो नीचे वाला आ गया था मजा आया फील कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को देखो गई इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स जितने ज्यादा गहरे और जितने ठोस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे ना जितने ठोस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे तुम उतना बढ़िया तरीके से उतने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाओगे उतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम को क्लिक कर पाओगे टिक कर पाओगे समझ रहे हो हर एक चीज का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तुमने ये डायग्राम भी पढ़ा हुआ है तुमने यह डायग्राम भी पढ़ा है बस तुम्हें एनालिसिस करनी है तुम्हें अंदर से आना चाहिए तुम्हारे अंदर रगो में दौड़ने चाहिए यह सारी चीजें क्यार कैसे आ रहा है क्या हो रहा है क्या क्या चीजें हैं हर एक चीज देखो

क्वेश्चन लगाने बैठो ना तो तुम्हें यह ना लगे कि यार मुझसे यह नहीं बनता तुम्हें लगे मैंने यह भी पढ़ा हुआ है अगर कभी कोई क्वेश्चन ना बने और तुम जब सोल्यूशन देखो तो लगे यार मैंने सोचा नहीं वो मेरी गलती थी लेकिन मैंने यह पढ़ा हुआ है मजा आना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ हा 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 आगे 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 गईज तुम ये देख पा रहे हो कौन सी स्लाइड में हम चल रहे हैं पचासवे इक्यावनवे नंबर की स्लाइड है ये कितनी सारी थ्योरी दिया है तुमको ये मैंने तुमको समझा दिया ठीक है कि ये किस तरीके से अटैच होगा फिर उसके बाद जो कहानी मैंने बोली थी वही कहानी लिखी हुई है दैट सीओपी ऑफ अ रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ठीक है एयर इज अ वर्किंग फ्लूइड एयर वर्किंग फ्लूइड है तभी आप लोगों ने यहां पर saturation कर्व नहीं बनाया राइट right? ओके okay. फिर उसके बाद एयर को वर्किंग फ्लूइड रखते हैं क्यों क्योंकि हवाई जहाज में तुम भाई बहुत भारी तो नहीं कर सकते ना कैसे तुम इतना हैवी ले सकते हो तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है और यहां पर टरबाइन वर्क इज नॉट नेग्लेजल इसको छोड़ दो इसको किनारे रखो ठीक है पंप को नेग्लेजल कर सकते हैं टर्बाइन को नहीं कर सकते ओके नाउ गाइज आई हैव टू ऑप्शन फॉर यू ऑल मेरे पास दो ऑप्शन है तुम सबके लिए पहला ऑप्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अभी या फिर एयर कंडीशनिंग में चले यस yes, थोड़ा सा मैं बैठ भी जाता हूं काफी देर से खड़ा हूं ओके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिर थैंक यू धीरज अरे डेविड मेरे भाई मेरे अर्जुन ओके <laughs> okay. क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिर एयर कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट में चले <coughs> <coughs> बोलते बोलते गला बैठने लग जाता है आंसर डी दे रहे हैं अरे भैया आंसर तो दे दोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या फिर एयर कंडीशनिंग जल्दी बताइए जल्दी बताओ क्वेश्चंस कराया जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें पक्की बात चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो दिमाग थोड़ा सा और खुल जाएगा है ना मजा आ जाएगा ठीक है अब सब लोग एसी 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 लिखने लग गए नितिन तुमको छोड़ के सब लोग यार क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़ करके सब लोग एसी बोल रहे हैं एयर कंडीशनिंग बहुमत के साथ तो जाना ही पड़ेगा ठंडा ठंडा चलो गर्मी बहुत है सर सीधा ए सी चलाया जाए कैमरा मैन एजी पे फोकस करो जल्दी फोकस करो वैसे तो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बहुत सारे लेके आया था और ये सारे नए क्वेश्चन हैं ये आप लोगों ने लगाए भी नहीं होंगे सारे नए क्वेश्चन है देख रहो भर भर के क्वेश्चन लाया था मैं उन सभी के लिए था अरे बस पगलू राम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए एयर कंडीशनिंग ओके आप सभी लोगों को बता दूंगा जितने भी यूट्यूब पर सेशन देख रहे हैं एयर कंडीशनिंग मैंने अभी अपने पेज सेशन में भी शुरू नहीं करी है ठीक है एयर कंडीशनिंग मैंने अभी भी सेशन में भी नहीं शुरू करिए चलो तो एयर कंडीशनिंग कंप्लीट करते हैं, हैं, ठीक है? पहले एयर कंडीशनिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर अगर मन किया, अगर हिम्मत बची तुम लोगों के अंदर, मेरी तो हिम्मत बची एयर कंडीशनिंग पढ़ने के बाद तो फिर बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक चलो आ जाओ एयर कंडीशनिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों से एयर कंडीशनिंग की तो एयर कंडीशनिंग बेसिकली है क्या अभी अभी आप लोगों ने रिवर्स ब्रेटर साइकिल पढ़ी जिसमें हम लोगों ने हवा को ठंडा करने का पूरा जिद जुगाड़ करा था जिसमें हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हैं हवाई जहाज में हमने हमारा रेफ्रिजरेशन लगा दिया हमने चीज़ें ठंडी कर ली अब बात ये वाली थी कि गाइज पानी ठंडा करना था तुमने सा बना दिया अब समझना जो बात मैं तुमको बोलना चाहता हूं राइट right. इस बात को समझना बहुत बढ़िया वाली बात बता रहा हूं फील समझो एयर कंडीशनिंग का क्या क्या थॉट प्रोसेस रही होगी इंजीनियर्स की किस लेवल पे इंजीनियर्स ने थॉट प्रोसेस दी होगी फर्स्ट क्वेश्चन सर नहीं अब तो एयर कंडीशनिंग शुरू हो गई मेरे भाई बस थोड़ा सा रुक जाओ है ना बस थोड़ा सा रुक जाओ एयर कंडीशनिंग तुम्हारे सिलेबस में इतनी ज्यादा है भी नहीं ठीक है जितनी है उतनी बताते ओके गाइस थॉट समझना दिल खुश हो जाएगा ये तुम्हारा क्या है गाइस फ्रिज है और ये फ्रिज में तुम्हारी बॉटल पड़ी हुई है पानी की ग्लास भी रखा हुआ है पानी का तुमने ये चीज तो अचीव कर ली कि तुमको सामान ठंडा करना है तुम सामान ठंडा कर सकते हो सर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जब नितिन बोल रहा था अकेला बच्चा तब तुम लोग बस थ्योरी थ्योरी एयर कंडीशनिंग एसी 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 चिल्ला रहे थे अब क्वेश्चन फर्स्ट अब ब्रजेश अब मैंने शुरू कर दिया अब एयर कंडीशनिंग पढ़ लो क्वेश्चन के लिए इंतजार कर सकते हो तो कर लो वरना ऐसा करो आधे पौने घंटे का थोड़ा रेस्ट ले लो है ना आराम कर लो फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चलो सुनो तो गाइज अब इंजीनियर्स ने यह चीज अचीव कर ली कि मुझे यहां पर फ्रिज में अपने सामान को ठंडा करना है ये पता चल गया ठीक ये पूरा तुमने यहां पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चीजें अचीव कर ली बट अब पॉइंट ये वाला था कि जब हमने ऐसा सब अचीव करा आ गई गर्मी अब गर्मी आने के बाद यही भाई साहब को होने लग गई दिक्कत राइट right? गर्मी लग रही है पसीने छूट रहे हैं देखो है ना अब गर्मी लग रही है अब क्या करें बिल्कुल गुस्से में खड़े हैं ठीक है जबरदस्त गुस्से में खड़े हुए हैं ये लोग ओके okay. और बहुत तगड़े वाले गुस्से में जस्ट अ सेकेंड ओके okay. गाइज हमारे साथ हमारे सिविल इंजीनियरिंग किंग भी हैं तो सर प्लीज़ वेलकम आइए सर थैंक यू सो मच सर तो यहाँ पर सर आए मिलने तो मैं कहा सर से पहले मिल लेते हैं और सर ने अभी अभी सर की सिविल इंजीनियरिंग की बुक भी आई है तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं मतलब सॉरी जितने आपके दोस्त हैं <laughs> वो सारे के सारे उनसे ज़रूर बोलना कि सिविल इंजीनियरिंग की जो पी है वो ज़रूर लें है ना उससे उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा बिल्कुल और सर मैं देख रहा था कि आप आ, मतलब ये आ, काफी अच्छे लग रहा, रहे थे क्यूट लग रहा थी ये क्या है मतलब क्या समझा रहे थे सर एयर कंडीशनिंग की बात आ रही थी अच्छा तो उसके पहले हमने अभी फ्रिज में पानी ठंडा करा है रेफ्रिजरेशन पड़ा था अच्छा, अच्छा। अब एयर कंडीशनिंग आई तो ये भाई साहब को पसीने आ रहे थे अच्छा। तो इनके लिए एसी एसी लगाने का जुगाड़ कर रहे थे हम अच्छा। हाँ अच्छा तो वही चल रहा था हाँ <laughs> ये इन लोगों का ऐसे ही चलता है और सर ये जो दिख रहे हैं ना ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट जिनका नाम है ढोंडू अच्छा ढोंडू भाई हाँ ये ढोंडू है अच्छा, हाँ. तो जब भी कभी हमको कोई नहीं मिलता तो हम इनका यूज कर लेते हैं समझाने के लिए तो बढ़िया आराम से चीजें चल रही होती हैं सही है सर और आपके स्टूडेंट्स भी आए थे कुछ लोकेश अच्छा, वोकेश करके कोई स्टूडेंट है हाँ तो बोले जब तक आर रजत सर की क्लास नहीं हो रही तो आपकी क्लास में आ गए थोड़ा इंजॉय करने हमने कहा ये भी ठीक है ओके सो सो थैंक यू मच सर हाँ क्लास अभी है ना आप हाँ। ओके चलो गैस, अब सुनो तो अब भाई साहब को आ रहा है पसीना जी भर के आ रहा है पसीना ओ हो 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 बढ़िया पसीना आ रहा है अब क्या किया जाए अब इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर मुझे पसीना आ रहा है तो मैं क्या करूं फ्रिज के अंदर जाके बैठ सकता हूं है ना लेकिन यार फ्रिज के अंदर जाने की जगह तो है नहीं इतू सा फ्रिज है कहां से बैठे तो उन्होंने बोला कि यार मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो मेरा कमरा है इसी को ही अगर मैं फ्रिज बना दू तो अगर मैं इसी को ही फ्रिज बना दू तो क्या होगा भाई सब तो बिल्कुल चकाचक हो जाएगा लेकिन इतना भी ठंडा नहीं करना है कि मैं ही बर्फ बन जाऊं है ना तो मुझे एक एयर कंफर्ट जोन में जाकर के मुझे यहां पर आप लोगों को आ, समझना पड़ेगा एयर कंडीशनिंग के लिए कि मुझे अपने कंफर्ट जोन पे कि कितने में मुझे अच्छा लग रहा है कितना बढ़िया लग रहा है मुझे यह समझना पड़ेगा तो मुझे अपने कमरे के अंदर लगानी है एक ऐसी डिवाइस जो बाहर से एयर ले राइट हाई टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर की ठीक है और वो उसे अंदर भेजे लेस टेम्परेचर पर ठीक समझना इस बात को बहुत क्या थॉट था यार थॉट के लिए सल्यूट बन जाएगा तुम्हें देखना तुम अभी एयर कंडीशनिंग का काम सिर्फ इतना नहीं है कि बाहर की गर्म हवा को ठंडी हवा में कन्वर्ट करे और सुनो और यह वाली बात कि जो अंदर की हॉट एयर है अंदर की हॉट एयर उसको बाहर भेजे अंदर की गर्म हवा को भी तो बाहर भेजना है और बाहर की हवा को ठंडा करके अंदर लेकर के आना है समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी बोलो मेरे लाल राइट right? ओके okay. उसके बाद मान लो अगर बाहर आंधी चल रही है तूफान आ रहा है धूल धक्कड़ है सब कुछ है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी जो हवा है वो गंदी होकर के अंदर आए और गंद अंदर पोल्यूशन फैलाए तो मुझे क्या चाहिए मुझे एयर प्यूरिफिकेशन भी चाहिए मेरा एयर जो है प्योरिफिकेशन पे आना चाहिए हवा प्योर होनी चाहिए सांस लेने में अच्छा लगे राइट right? फिर तो उसके बाद बारिश का मौसम आता है बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा बड़ी चिपचिप -चिप सी होने लग जाती है हर जगह हम कूलर नहीं चला पाते भले ही ठंडी हवा आ रही है लेकिन कूलर नहीं चला पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द चिपचिप तो मतलब मुझे यहाँ पर मॉइस्चर कंट्रोल भी करना पड़ेगा मुझे यहां पर मॉइस्चर कंट्रोल भी करना पड़ेगा सो एयर कंडीशनिंग इज नॉट ओनली अबाउट कूलिंग द एयर एयर कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट टू स्टडी अबाउट ऑल दीज एयर विच इज हैविंग मॉइस्चर विच इज हैविंग टेम्परेचर विच इज हैविंग एवरीथिंग यू गेटिंग माई पॉइंट हवा को ठंडा करना अब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है मैंने रेफ्रिजरेशन बना लिया है मुझे पता है मैं फंडा लगाऊंगा और चीजों को ठंडा कर दूंगा राइट right? मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस मॉइस्चर कंट्रोल को कैसे देखूं मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कमरे में अभी कितने परसेंट अमाउंट मतलब कितने अमाउंट है कितने परसेंट है मॉइस्चर का मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कमरे में कितनी हवा है जो प्योर है मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कमरे में जो हवा है उसका टेम्परेचर कितना है मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कमरे में जो हवा है वो मॉइस्चर के साथ कितने टेम्परेचर में है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने कमरे में कितने लेवल पे क्या क्या चीजें करनी है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना हवा के बारे में जो कि मॉइस्चर को कंटेन करके चल रही है और उसके लिए एक थ्योरी बनाई गई उसके लिए एक स्टडी बनाई गई जिस स्टडी का नाम रखा गया साइकोमेट्री साइकोमेट्री इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मोइस्टेयर मोइस्टेयर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की जो थ्योरी है उसको हम लोगों ने क्या बोला साइकोमेट्री समझ में आया ह्यूमन कंफ़र्ट ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन को स्टडी करने के लिए एब्सोल्युटली भाई साहब ये इसको पसीने आ रहे हैं इसी के लिए बनाओगे ना तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पेट्स होते हैं डॉगी हो गया बिल्ली हो गई उसके लिए लगाओगे क्या घोड़ा है तुम्हारे घर में मान लो गाय भैंस है उसके लिए इसी लगाओगे क्या नहीं ह्यूमन कंफर्ट के लिए लगाओगे अपनी सुविधाएं पहले देखोगे हाँ तो उसके लिए तुम लोगों ने क्या करा यहाँ पर एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना शुरू करा राइट और जब एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं तो बेसिकली एयर कंडीशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है ठीक है हमें एयर कंडीशन के बारे में नहीं पढ़ना बहुत बहुत शुक्रिया अजय भैया आप, आप बहुत लंबी उम्र रहेगी आप बहुत खुश रहो भगवान करे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नहीं 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 ये है ना बहुत है आपने इतनी हेल्प कर दी बहुत है ओके okay. आईसीयू में ऑपरेशन में इतना हाई एसी क्यों रखा जाता है उसका हाई एसी के साथ वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें फ्रेश एयर चाहिए होती है और फ्रेश एयर जो तुम्हें मिलती है ना वो इसी तरीके से मिलेगी और आई में इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता कभी नहीं होता बेसिकली जो आ, मतलब वैसे जिग्नेश वाला क्वेश्चन बनता नहीं है तुम्हारा पूछना क्योंकि तुम मुझे लगता है तुम इतने समझदार हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ गाइज अगर कोई आई में है मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में है तो मतलब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है और अगर आप लोगों के पैरों में दर्द भी हो जाएगा ना ठीक है अगर आप लोगों के बॉडी में पेन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको बुखार आती है सबसे पहले आपको बुखार आती है बुखार में बॉडी गर्म हो जाती है गरम को ठंडा करना पड़ता है है ना और अगर कोई आईसीयू में है तो उसकी तबीयत सच में बहुत ही खराब है तो उसके लिए वहां पर तुम लोग तुम लोगों ने मे भी अगर भगवान ना करे कभी तुम्हें तो जरूरत पड़े लेकिन अगर कभी तुम तो आईसीयू के मतलब किसी को देखने मिलने भी जाओगे ना तो तुम देखना जो पेशेंट होता है पेशेंट के चारों तरफ चारों तरफ इतनी सारी मशीनें लगी होती हैं इतनी सारी मशीनें लगी होती हैं कि उनसे भी हीट बहुत ज्यादा निकल रही होती है ठीक है पहली चीज़ तो उन मशीनों को भी ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिर उसके साथ जो आपका पेशेंट है उसको भी ठंडा रखना जरूरी है और जितना भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें अगर कोल्ड रहेंगी क्योंकि वहां पर जो आईसीयू में दवाइयां भी होती हैं दवाइयों को भी ठंडा रखना चाहिए है ना तो इन सब के लिए तुम्हारा एसी वहां पर काफ़ी बढ़िया यूज़ किया जाता है वहां पे वेंटिलेशन एयर का बहुत तगड़ा यूज किया जाता है बहुत तगड़ा यूज़ होता है वेंटिलेशन एयर का ठीक चलो भाई ठीक है ओके तो आपको समझ में आया व्हाट इज द स्टडी ऑफ द साइकोमेट्री साइकोमेट्री इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्टियर राइट ओके अब गाइज यहां पर एयर जो होता है

बहुत नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को समझ आएगा ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो गाइस अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं देखो इन टर्म्स को अभी मैं सिखाऊंगा तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं बस आप लोगों को मतलब बता देता हूं फॉर्मूले वगैरह में हम जाएंगे जब हम पेड क्लासेस में इन डेप्थ पढ़ेंगे क्योंकि इसकी जरूरत वहां पे ज्यादा पड़ेगी ठीक है यहां पे इसको समझाना इस नेक्स्ट लेवल आ, दि, मतलब डिफरेंट हो जाएगा फिर आप इसी में ही पड़े रह जाओगे ठीक है तो अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो की कि भाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो एक्चुअली में कितना होता है तो गईज अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं दूध में पानी कितना मिलाया है तो तुम सबसे पहले एक अमाउंट सेट करोगे कि सर एक लीटर दूध में इसने दो सौ पानी मिलाया था ऐसा करोगे ये वाली बात समझ में आती है अगर मैं तुमसे पूछूं दूध में पानी कितना मिलाया था तो तुम यही बोलोगे सर पांच लीटर दूध में दो लीटर पानी मिला दिया इसने टोटल सात लीटर बना दिया राइट right? समझ आ रहा है क्या समझ आ रहा है बताओ ठीक है ओके इन द सेम मैनर वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहने का मतलब हो जाता है जैसे कि मुझे पता चल गया कि भाई ह्यूमिडिटी किसकी वजह से आ रही है वाटर वेपर की वजह से जिसको मैं मॉइस्चर बोलता हूं वाटर वेपर की वजह से ही तो ह्यूमिडिटी आ रही है उसी को मैं मॉइस्चर बोलता हूं। तो अगर वाटर वेपर है तो अगर मेरे पास आ, मैं वाटर वेपर निकाल लू पर के बता दूं कि एक केजी हवा में इतना वाटर वेपर है राइट जैसे एक केजी हवा में 100 ग्राम वाटर वेपर का है तो सौ बटे एक के जी कर दो या फिर सौ बटे एक हजार कर दो तो वो तुम्हारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाता है डेफिनेशन पढ़ोगे तो मैं समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर के ऑफ द ड्राई एयर मतलब एक के जी ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है अगर तुम ये बता देते हो तो ये क्या हो जाता तुम्हारा स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो हो जाता है आगे बढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे कहते हैं देखो गैस, कहने का मतलब क्या है इसको समझना ये भी बहुत, बहुत चीज़ है। right? मुझे बड़ा अच्छा लगता है को, को समझाना। क्योंकि ऐसा है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है सो 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 लेट मी टेल यू अगर मैं तुमसे बात करूं कि ह्यूमिडिटी रेशियो को किस तरीके से समझना है uh, नहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस तरीके से समझना है थोड़ा एग्जाम्पल सोचने तो हमें पहले एक से पौर ले लेनी ठंडी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ गिर रही होती है सर एक हमें भी अरे देवेंद्र एक क्या भाई मैं तेरे लिए एक बाल्टी कॉफी बनवा देता हूँ आ तो सही <laughs> आ जा <laughs> हम्म चलो इसी कॉफी का आप लोगों को एक फील दिलाता हूं ठीक है ओके इसी कॉफी से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस आप लोगों की एक स्टैंडर्ड कॉफी बनती है आप लोगों की एक स्टैंडर्ड कॉफी बनती है जिसमें आप लोग एटलीस्ट दो चम्मच कॉफी एक चम्मच शक्कर और एक कप दूध ले रहे हो ठीक है ये स्टैंडर्ड है सेचुरेटेड कंडीशन है समझ गए कहने का मतलब कि ये सेचुरेशन में आपने बता दिया कि भाई दो चम्मच कॉफी एक चम्मच शक्कर और इतना दूध लगेगा दिस इज द स्टैंडर्ड वन सेचुरेटेड वन राइट लेकिन आपने जिससे कॉफी बनवाई उसने दो चम्मच कॉफी की जगह एक ही चम्मच कॉफी डाल दी राइट right? तो तुम क्या करोगे तुम बताओगे ना इतना बटे इतना तुमको दो चम्मच डालना था तुमने एक ही चम्मच डाला तो अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर समझ रहे हो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का रेशियो विज अमाउंट ऑफ द वॉटर वेपर एट सैचुरेटेड कंडीशन राइट कि बढ़िया कॉफी बनाते समय कॉफी की कितनी जरूरत थी दो चम्मच की तुमने कितना डाला एक चम्मच तो एक बटा दो का रेशियो अभी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है इतना लेकिन सैचुरेशन के टाइम पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होना चाहिए था इतना तो ये क्या होता है तुम्हारा रिलेटिव तुमने रिलेशन बता दिया ना कि अभी तुम्हारे पास इतना है लेकिन अगर तुमने सैचुरेशन की बात करी होती तो इतना मिलता राइट दैट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन इट इज नोन एज व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है सबको एक चाहिए मुझे पांचारे मैं तुम्हें पांच बाल्टी दे दूंगा भाई आ जाओ ओके okay. फिर उसके बाद गाइज कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं दैट इज बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब डिप्रेशन फिर क्या होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये समझ ही नहीं आता है क्या राइट right? ये बहुत टफ लगता है भाई साहब ये है क्या ये हवाई नहीं लगती है सुनो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब ये थर्मोमीटर है थर्मोमीटर में देखो दिस इज योर थर्मोमीटर और इस थर्मोमीटर को हम लोग जीब के नीचे रखते हैं ऐसे ऐसे करके कर, फंसा लेते हैं ना तो जिसको हम लोग जीब के नीचे दबाते हैं जो आप लोगों का सिल्वर कलर का मैकेनिक दिखाई देता है राइट right? इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब दिस इज नोन एज बल्ब राइट ये क्या हो जाता है मेरे लाल इसको हम लोग क्या बोलते हैं बल्ब बोलते हैं और इसी बल्ब से कहानी चलती है आगे ठीक है तो अगर मैं बोलू बल्ब टेम्परेचर मतलब कि तुम इस बल्ब के टेम्परेचर को ही कर लो कि अभी कितना टेम्परेचर है दैट इज ड्राइबल्बेम्परेचर बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर कहने का मतलब कि इस बल्ब के ऊपर तुमने गीला कपड़ा लपेट दिया इस बल्ब के ऊपर तुमने गीला कपड़ा लपेट दिया और फिर टेम्परेचर मेजर करा बोले ये वेटबल्ब टेम्परेचर है ड्राइबल टेम्परेचर मतलब नॉर्मली ड्राई बल्ब से मेजर कर लिया वेटबल मतलब गीला कपड़ा लपेट के मेजर कर लिया अब उसके बाद आता है है डिप्रेशन इसका कहने का मतलब क्या है? कि भाई इससे मैं हमने मेजर करा था तो आया फॉर एग्जाम्पल सौ राइट इस समय मेजर किया तो आया फॉर एग्जाम्पल चालीस तो वेटबल्ब डिप्रेशन कितना हो गया साठ का तो वेटबल्ब डिप्रेशन इज नथिंग बट इट इज ड्राइबल टेम्परेचर माइनस वेटबल्ब टेम्परेचर ठीक है सब तो लिखा है ठीक है ओके नहीं सर वो है अच्छा वो जिग्नेश तुम बता दिए है, है ना तुम इतनी इतनी बीच बीच में इतनी बढ़िया कॉमेडी कर लेते हो मतलब वाह यार क्या बात है हंसना था क्या <laughs> बहुत बढ़िया यार थैंक यू सो मच ओके चलो आगे बढ़ते हैं ड्यू पॉइंट पॉइंटरेचर पे अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाता है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं राइट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके बारे में भी आप लोगों को समझा देता हूं गाइस देखो हर एक चीज का सेचुरेशन पॉइंट होता है <laughs> ठीक है हर चीज का सेचुरेशन पॉइंट होता है अब अगर मैं उसी सेचुरेशन पॉइंट को पकड़ के <laughs> अगर मैं उसी सेचुरेशन पॉइंट को पकड़ के तुम्हारा वैल्यू बताने लग जाऊं ठीक है तो उसको मैं क्या बोलूंगा उसको मैं बोल दूंगा आप लोगों का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दैट इज अ अचुरेशन टेम्परेचर अब सेचुरेशन टेम्परेचर के बारे में मैं बात कर रहा हूं और वो जो सैचुरेशन टेम्परेचर है तुमको किस तरीके से लेकर के चल रहा हूं अप टू द इनिशियल ऑफ द कंडेंसेशन इनिशियलेशन सेचर का जो तुम ले रहे हो वो किसका होगा इनिशियल ऑफ द कंडेंसेशन का तो उसको मैं क्या बोलूंगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलूंगा समझ आया समझ आ गया ठीक ओके अब देखो अगर कोई अनसेचुरेटेड एयर है और एक है सेचुरेटेड एयर सेचुरेटेड एयर कहने का मतलब भाई अब उसमें कुछ नहीं आ सकता वो पूरा का पूरा भरी हुई है दैट इज सेचुरेशन मैंने सिखाया था सैचुरेशन सुपर सेचुरेशन याद करो तो अगर सेचुरेटेड एयर है उस सेचुरेटेड एयर में मेरे लाल उस सेचुरेटेड एयर में ड्राइबल टेम्परेचर वेटेबल टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम होता है और अगर आप लोगों का अनसेचुरेटेड एयर है तो उसमें ड्राइबल टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसके बाद वेटेबल टेम्परेचर फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट पॉइंटरेचर ऐसा होता है ये चीज याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन ओके डिग्री ऑफ सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इसका फॉर्मूला है गाइस राइट फिर उसके बाद एंथेल ऑफ द एयर का फॉर्मूला है ये फॉर्मूले आप लोगों से ना ही पूछे जाएंगे और ना ही आप लोगों को इसको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये सीबीटी टू में आ जाए बात अलग है सीबीटी वन में अभी इसका कोई चांसेस नहीं है राइट एब्जॉन फॉर्मूला ये सिर्फ और सिर्फ गेट में आता है ठीक है अभी तक ये आप लोगों से पूछा नहीं गया है चलो बेसिकली अगर कभी भी आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कि फार्मूला किसके लिए यूज किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है ये जो भी फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हैं दैट इज पी पी माइनस है ना इन सब का जो फुल फॉर्म है ये मैंने यहाँ लिख दिया है दीवी पी पी डैश वी ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी ठीक है पी वी एस क्या है पी क्या है सब कुछ बता दिया मैंने ओके okay. फिर तो उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट साइकोमेट्रिक चार्ट को अगर मुझे डेवलप करना है तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी जरूरी है बेसिकली क्या है गाइस अगर मैं साइकोमेट्रिक चार्ट दिखाना चाहूं खुलबो कि ना खुलबो अरे यार चलो तुम लोगों की किस्मत सही नहीं है गाइस अभी स्मार्ट बोर्ड में इंटरनेट नहीं कनेक्टेड है ओके okay. तो अगर मैं तुम लोगों को साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में बताना चाहूं तो साइकोमेट्रिक चार्ट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ठीक है कि भाई उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राइबल टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर कैसे दिखाएंगे तो देखो यहां पर यह वाली जो हॉरिजोंटल लाइन है वो क्या होती है ग्राइबल टेम्परेचर की लाइन होती है ठीक है ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है तुमको ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन होती है ठीक है और ये जो आप लोगों को ऐसा कर्व दिख रहा है दैट इज योर कर्व कर्व ठीक है 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 ये ये क्या होता है? कर्व होता है. अब ये जो तुम लोगों ने चीजें सीखी हैं इसमें हमेशा हमेशा याद रख लेना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसी दिख रही है वर्टिकल ये क्या है ड्राइवल टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल ये जो आप लोगों ने देखा है सेचुरेशन कर्व और इसी से ही तीनों से मिला करके तुम्हारा क्या बन जाता है साइकोमेट्रिक चार्ट बन जाता है इसके अलग अलग टर्म्स है जैसे कि की ऐसी दिखाई देती है वर्टिकल होती है। अब ये जो वर्टिकल है, ये होती है। लिखा मैंने। वर्टिकल लाइन है ऊपर की तरफ जैसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में ऐसी इंक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी देखो जैसे यहां पे माइनस पंद्रह माइनस दस पांच जीरो पांच दस पंद्रह इस डायरेक्शन में जाएगी तो बढ़ती हुई जाएगी ठीक है फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन अगर मैं कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन के बारे में बात करूं तो ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है इस साइड को सेचुरेशन कर्व की तरफ जाती हुई ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन्स होती हैं गाइस ये भी आप लोगों की यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं फिर आता है कॉन्स्टेंट ड्यू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन राइट अब ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन है ये दिखती एक्जैक्टली exactly आप लोगों की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जैसी है लेकिन इसके और इसके बीच में डिफरेंस ये है कि यूनिफॉर्मली स्पेस जो नहीं होती हैं ठीक है ये अलग अलग स्पेस की होती है दिख रहा है ये सारी चीजें आपको मेरी किताब में मिल जाएंगी एक एक चीज और इतने डेफ्त में तुम लोगों को मिलेगा साइकोमेट्री तुम लोगों को तुम लोग का खुद ही दिल खुश हो जाएगा ये देखो हर चीज ईच एंड एवरीथिंग हर चीज मैंने इसमें बना रखी है पेज नंबर 298 297 एक एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें मैंने ठीक है तो वो जरूर देख लेना आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा प्लस उसके बाद चलते हैं कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व तो कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व कैसा होता है ऐसा होता है ये इस तरीके से दिख रहा होता है गाइस एक मिनट रुकना मैं थोड़ा सा कंप्यूटर जी को बुला करके आपको बता दूं कि एक्चुअली में दिखता कैसे है साइकोमेट्रिक चार्ट या फिर जब तक नहीं हो रहा है तो फिर आगे ही बढ़ते हैं ओके फिर उसके बाद यहाँ पर आ, कुछ केसेस मैंने बताए हैं ठीक है हाँ इस पॉइंट पे आते हैं ये वाला पॉइंट इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है नहीं नहीं चल रहा है सॉरी <laughs> कोई बात ठीक <नहीं। laughs> है हाँ करना था करता नहीं नहीं कोई बात नहीं अब इतना टाइम नहीं है <laughs> अच्छा लिए किसी और के ओके चलो तो गाइज अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो इसको मैंने एक्सप्लेन करने का तरीका रखा है इसको समझते हुए जाना ठीक है ओके गाइज जितना ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ोगे तुम्हें ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा जितना ज्यादा नीचे की तरफ बढ़ोगे तुम्हें डी ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा इस साइड जाओगे सेंसिबल हीटिंग इस साइड आओगे सेंसिबल कूलिंग दिख रहा है ठीक है ओके अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं ठंड में ठंड में क्या होता है ठंड में क्या होता है ठंड में तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हें वैसलिन की, बोरो प्लस की इन सब की जरूरत पड़ती है क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा कि ठंड में हमारा जो आ, स्किन का मॉइस्चर है वो बहुत कम हो जाता है क्या कभी तुम लोगों ने फील करा है कि हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ठंड में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारी स्किन इतनी ज्यादा शुष्क हो जाती है राइट क्योंकि हमारी एटमोसफियर से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है ठंड के टाइम पे ठंड के टाइम पे देयर इज नो ह्यूमिडिटी मतलब वेरी लेस ह्यूमिडिटी ऐसा है तो जब तुम ठंड में तुमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई साहब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहां पर मेरा कमरा गर्म भी हो सके और साथ में ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं विंटर एसी का विंटर एसी इज़ नथिंग बट इट इज काइंड ऑफ अ ब्लोअर ठीक है इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा इस विंटर एसी में इस जगह पर सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान की राजस्थान की राजस्थान में गाइस मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ठीक है अब अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो राजस्थान में तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब गर्मी भी है और साथ में आप लोगों को क्या मिल रहा है आप लोगों को यहां पर सेंसिबल कूलिंग भी चाहिए और ह्यूमिडिफिकेशन भी चाहिए राइट तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे डेजर्ट कूलर कि भाई कूलिंग भी मिल जाए साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी मिल जाए गर्मियों के टाइम पे ऐसा किया जाता है ठीक है और अगर तुम लोग ठंड मतलब गर्मियों में ही जा रहे हो और गर्मियों में अगर बारिश का टाइम आ जाए तो बारिश के टाइम पे तो क्या चाहिए होता है कि भाई साहब चिपचिप ना हो और बहुत अच्छे से डिह्यूमिडिफिकेशन हो सके तो उसके लिए तुम किसका यूज करते हो सेंसिबल कूलिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन का क्लियर है समझ आ गया अभी कुमार मेरा भी नेट खत्म हो गया अरे भाई दिलीप हॉटस्पॉट दे दे भाई <laughs> तुम हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट दे रहे थे ना दे दो यार और ईश्वर क्या हाल चाल सब बढ़िया ओके <laughs> समझ आ गया गईस समझ आ गया चलो आगे बढ़ते हैं अब आ जाओगे इस बाइपास फैक्टर में बाईपास फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूछे जाते हैं सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बाईपास फैक्टर बाईपास फैक्टर इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक कि ऐसे समझो ये तुम्हारी कॉइल है ठीक है तुम्हारी हवा यहां से भी गुजर सकती है यहां से भी गुजर सकती है और यहां से भी गुजर सकती है राइट ठीक है ओके अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो तुम्हारी हवा थी बहुत सारी हवा इधर निकल गई बहुत सारी हवा इधर निकल गई और बहुत ही कम हवा थी जो तुम्हारी इस को, कोयल से होकर के गुजरी तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैंने एक के की हवा ली थी ठीक है अमाउंट ले लिया एयर का वन के जी ठीक है अब वन केजी में से एक्स अमाउंट था जो ऊपर से निकल गया ठीक है बाकी बचा वन एक्स की हवा कॉन्टेक्ट में, में थी राइट तो अब अगर तुम इसको देखो तो तुम्हें यहां पर यह वाली चीज तो पता चल रही है ना कि एक्चुअली में जो मुझे कूलिंग मिल रही है या फिर मुझे हीटिंग मिल रही है वो मुझे इस अमाउंट से नहीं मिल रही जो में नहीं थी मुझे से मिल रही है? लड़ाई हो गई कहीं पे दस लड़के गए दस लड़के में से छह लड़कों ने तुम्हें हेल्प नहीं करी गए थे तुम्हारे साथ लेकिन सिर्फ चार लड़के थे जिन्होंने एक्चुअली में तुम्हारे साथ तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ दिया है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये छह लोग बाईपास से निकल गए साथ ही नहीं आए मेरे यही चार लोग थे जो आए हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो गई फोर्टी परसेंट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं राइट right? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यस yes, बिल्कुल बोल सकते हैं ठीक है हाँ वही सुबीर

और बाकी बचा तुम्हारा किस में चला जाता है एफिशिएंसी में तो मतलब अगर मैं बोलू uh, फैक्टर दोनों को मिलाकर के हंड्रेड परसेंट हो रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल दस लोग थे ठीक है दस लोग थे ठीक है कितने लोग थे दस लोग इन दस में से चार लोगों ने तुम्हारी मदद करी छह लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं करी तो यहां पर एफिशियंसी कितनी हो जाएगी दैट इज फोर्टी बाईपास फैक्टर कितना हो जाएगा सिक्सटी

बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपकी हीटिंग कॉइल है तो फॉर्मूला लगा देते हो दैट इज टी वन दट इज टी थ्री दैट इज टी टू इसका फॉर्मूला होता है टी थ्री माइनस टी टू डिड बाई दी थ्री माइनस टी वन टी थ्री माइनस टी टू डिड बाई टी थ्री माइनस टी वन ठीक है इससे निकाल लेते हो ओके आगे बढ़ते हैं कूलिंग कॉल का सेम फॉर्मूला लगेगा बस अब तुम्हें क्या करना है टी टू माइनस टी थ्री हो जाएगा और यहां पर टी वन माइनस टी थ्री हो जाएगा जस्ट उल्टा कूलिंग का ठीक है कूलिंग कॉल का फॉर्मूला और हीटिंग कॉइल का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है जिस तरीके से ब्रेटन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल में पढ़ा था ऑल दो बाईपास से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जरूर आया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछ लिया जाता है कि अगर मैंने तीन कॉइल सीरीज में लगाई हैं, ठीक है तीन कॉल सीरीज में लगाई हैं और एक कॉल का जो बाईपास फैक्टर था उसकी वैल्यू थी पॉइंट टू तो मुझे बताओ टोटल कितनी वैल्यू आएगी अगर तुमसे पूछ लिया जाए अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि यहां पर मेरी तीन कॉल लगी थी एक कॉल की बाईपास फैक्टर वैल्यू पॉइंट टू थी तो फिर टोटल कितनी बाइपास फैक्टर की वैल्यू आएगी

अब इसको सॉल्व करो पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट टू तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहां से आंसर मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट क्लियर है आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को राइट right? आगे बढ़ते हैं ओके इफेक्टिव टेम्परेचर इफेक्टिव टेम्परेचर कहने का मतलब है कि गाइस जब भी कभी हम लोग एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को चाहिए होता है कि यार कौन सा ऐसा इफेक्टिव टेम्परेचर होगा कौन से ऐसी चीज होगी जिसमें मुझे ये लगे कि भाई मैं सबसे ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूं जैसे बोलते हैं ना इक्कीस नंबर पर ए सी चलाओ बहुत ठंड लगती है तेईस नंबर पर ए सी चलाओ गर्मी लगने लग जाती है बाईस ओ हो हो मस्त टेम्परेचर होता है बाईस में ए सी लगा के सो ओ हो हो मजा आ जाता है Right? तो कंफर्ट जोन के बारे में बात करते हैं तो एक सर्वे के हिसाब से ऐसा पाया गया है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी पचास से साठ परसेंट रखी जाए एट अ ऑफ़ डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आप लोगों का सबसे तगड़ा कंफर्ट जोन क्रिएट करता है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 60 परसेंट रखी जाए -21 ये आप लोगों को सबसे तगड़ा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है क्लियर हुआ आगे बढ़े वाओ तो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट आर एयर कंडीशनिंग भी खत्म खत्म हो गई भाई आरएसी तो यस गाइस आर खत्म ओहो जलवे मजा आ गया हाँ बीस से इक्कीस डिग्री का टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है हो गया आ ठीक कितने लोग हैं जिनमें अभी जान बची हुई है लगी नहीं रहा चार बजे से जुड़े हुए हैं अल्फिया चार बजे से आप पढ़ रही हो अभी तक क्या बात है यार बहुत ही बढ़िया तभी तो गर्मी ही लगती है हाँ <laughs> ये भी सही है चलो बेसिकली गईज अगर मैं आप लोगों को बताऊं जज uh, मत करना ठीक है प्लीज जज मत करना मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को आर के वो सारे टॉपिक्स सिखा सकूं या फिर सारे टॉपिक बता दूं जिससे आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे जिससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट टू बी वेरी फ्रेंक मैंने अभी आज इन पिछले चार घंटों में आप लोगों को आर का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है अगर मुझसे पूरी आर पढ़नी है ना तो पूरी आर एसी एटलीस्ट से एटलीस्ट पैंतीस से चालीस घंटे पढ़ाता हूं मैं पूरी इन डेफ ठीक है अब चालीस घंटे को अगर मैं चार घंटे में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मतलब मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट दे रहा हूं कोशिश यही थी कि इन दस परसेंट में तुमको वो सारे टॉपिक एड करा सकूं जिससे आप लोगों को मैक्सिमम uh, बेनिफिट मिल सके Paid वालों को तो कंप्लीट रिवीजन हो गया हाँ ये महापैक वालों को पता है यस yes. तो बस जज करने वाली बात नहीं है आई विल नॉट से कि नहीं तुम्हें महापैक लेना ही है बट आई विल सजेस्ट कि अगर तुम लोगों को इन डेफ तो में नॉलेज चाहिए देन महापैक इज द बेस्ट जहां पर तुम्हें सब मिल जाएगा राइट right? तो अब यहां पर यही वाली बात है अब चार घंटों में मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था मैंने उतना ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को कराने की कोशिश करी है सो so दैट आप लोगों को और ज्यादा डेफ्ट में चीजें सीखने मिल जाए समझ जाओ मोहब्बत हो जाए सब्जेक्ट से सब कुछ हो जाए ठीक है ओके क्या बात है प्रियांशु बहुत ही बढ़िया कभी रिमोट में आर एच कंट्रोल क्यों नहीं देते उसका रीजन है तुम रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हो वो तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है रीजन बताऊं रीजन ये हो जाता है कि अगर तुमने तुम्हें कंफर्ट जोन पता है ना कि भाई कंफर्ट जोन 50 से 60 है मान लो अगर तुम्हारा किसी के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तुम्हें उससे है ना या फिर तुम्हें पता चल रहा है कि भाई साहब ये जो इंसान है ये बहुत ही तकलीफ वाला जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब टी होती है तो टी में आपके जो फेफड़े होते हैं उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कंटेंट मतलब आ जाता है लिक्विड बहुत ज़्यादा आ जाता है अब पता चला किसी को टीबी है और तुम्हारी उससे दुश्मनी है तुमने उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा के कर दी हंड्रेड परसेंट या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर दी जीरो परसेंट हाँ तुम तो उसकी जान लेने पे तो लाओगे यार तुमने बनाया कंफर्ट जोन के लिए और बेचारे को डिसकंफर्ट में रख के तुमने उसका टाटा कर देना है तो जिस चीज से आपको दिक्कत हो सकती है, है ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं सांस नहीं आएगी अजीब सा हो जाएगा नौशिया होने लग जाएगा है ना तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए पहले से ही सेट रहता है कि वो 50 टू 60 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इंसान कंफर्ट जोन में रहेगा उतनी पहले से सेट कर दो है ना और गई तुमको क्या लगता है कि ए में तुम सोलह डिग्री से कम का टेम्परेचर नहीं ले सकते बताओ जरा क्या एयर कंडीशनिंग में सोलह डिग्री से कम का टेम्परेचर पॉसिबल है या नहीं है बस मुझे ये बताओ न्यूमेरिकल की क्लास है क्या ऐप में ऐप में यार क्लासेस इतनी सारी है क्या ही बताऊं कितनी है तुमको क्या लगता है क्या सोलह डिग्री से कम का टेम्परेचर मेंटेन करना एयर कंडीशन के लिए इंपॉसिबल है बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हैं भाई साहब तुम चाहो तो तुम एक डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन कर लो लगा दो तगड़ा कंप्रेसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा कोई तकलीफ नहीं है दस घंटे पंद्रह घंटे बीस घंटे के बाद एक डिग्री में पहुंचेंगे पहुंचेंगे तो लेकिन तुमको पता है पॉसिबल है तुमको पता है अगर तुम्हें किसी को परेशान करना है या फिर अगर तुम किसी के साथ बिल्कुल अपनी खुन्नस निकालना चाहते हो तुम्हारे ए का टेम्परेचर एक डिग्री जा रहा है तुम उसको एक डिग्री में लगा करके कमरे में बंद करके चले गए हो बेचारा क्या करेगा तो गई चीज़ें ना अच्छी चीजों के लिए यूज करनी चाहिए है ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम तो उससे किसी को हार्म पहुंचा सको इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सब ना हो सके ठीक है क्लियर हुआ ओके क्या क्लियर हुआ सभी को मजा आया हो और बताओ अच्छा चलो अब मुझे जल्दी से जल्दी सभी लोग बताओ कि थक गए हो या फिर एनर्जी बाकी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हाँ खुन्नस वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था थक गए हो या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए एनर्जी बाकी है मजा क्या बात है यार बहुत ही बढ़िया हर कोई थोड़ी ना करेगा बिल्कुल सही बात है हर कोई थोड़ी ना करेगा बट इसका प्रॉब्लम वही है ना जिग्नेश कि तुम्हें कंफर्ट जोन के लिए बनाई जा रही हैं चीजें इसके लिए नहीं बनाई जा रही है पता चला एक डिग्री का है तो ए में ही तुमने कोल्ड स्टोरेज बना डाला उसे है ना तो उसका प्रॉपर यूज हो सके इसके लिए बनाया जा रहा है ना कि इसके लिए ताकि उसको मिस किया जा सके ठीक है चलो ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है एनर्जी बाकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ये जलवा खींच दिए भाई आज तो अपन लोग ओके द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दो क्लास दो सब्जेक्ट्स ओवर गाइस। एक मैंने मेटल वेल्डिंग की बना दी थी जिसमें पूरी मेटल वेल्डिंग समझा दी थी एक थर्मो की हो गई सर होल नाइट पढ़ाओ यार होल नाइट ना खड़े होके पढ़ाने में प्रॉब्लम है यू नो वट तुम दो घंटे तीन घंटे भी नितिन खड़े हो ना तो तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है ठीक है ये होता ही होता है हर किसी के साथ होता है अगर रात भर खड़े होना है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा राइट right? और बोलने के लिए भी तो चाहिए ना गले में ही तुम्हारे प्रॉब्लम पता चला मैं रात भर पढ़ा दिया चलो ठीक एनर्जी बना के मैंने रात भर पढ़ा दिया फिर उसके बाद अगले चार दिन मैंने छुट्टी ले ली मजा आएगा तुम्हें नहीं आएगा पंकज बताओ वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जल्दी बताइए गाइस और अभी भी मुझे सेंचुरी नहीं दिखाई दी है लाइक्स में इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ इतनी सारी चीजें पढ़ाई लेकिन लाइक नहीं करा यार तुम लोगों ने मतलब क्या यार ऑप्शन नंबर सी लेट्स से क्या दिया है देख लेते हैं कह रहा है एंड ऑफ द कंप्रेशन एंड एंड द एंड ऑफ द कंडेंसेशन इज यहां पे दिया हुआ है 210 सौ यहां पर दिया हुआ है एक और नहीं 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 अच्छा सॉरी माय लॉर्ड वापस से देखते हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इट इज एज दैट इन सिंपल सैचुरटेडरेशन हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर इज वन सिक्सटी किलो जूल पर केजी कंप्रेसर वर्क इज थर्टी किलो जूल पर केजी ऑफ द रेफ्रिजरेंट विल बी वाह 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 बताइए इसका आंसर क्या होगा क्या बढ़िया क्वेश्चन है बताओ मेरे लाल बताओ जल्दी बताओ वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इतना टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में क्या बात है सुबीर इज फास्ट एंड एक्यूरेट ऑल्सो बिल्कुल सही है सुबीर कॉपी मार दो सब लोग सुबीर को जल्दी से बोल रहा हूं मैं सुबीर को कॉपी मार दो सही हो जाएगा आंसर तुम्हारा जिग्नेश को भी कॉपी मार दो नितिन और हरिया कह रहे हैं नहीं हम तो खुदा ही लगाएंगे जिग्नेश तुम पूरा थ्योरी क्यों नहीं लिख देते हो ओके okay. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट कैसे निकालना है कंडेंसर पे हीट रिजेक्टेड दिया भाई इसको रेफ्रिजरेशन मत समझ लो यहां पर देखा जाए तो ये दिया हुआ था मेरे लाल यहां पर ये वर्क डन कितना दिया है 32 का और ये कितना दिया है 160 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 32 128 ठीक है तो 128 डिवाइडेड बाय 32 बत्तीस चौके एक सौ अट्ठाईस ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है दीओपी ऑफ अ वेपर कंप्रेशन प्लांट इन कंपैरिजन ऑफ द वेपर एब्जॉर्बन प्लांट इज बहुत ही सिंपल सा आंसर है बताइए सर लाइब्रेरी के मैनेजमेंट हमसे पूछ रहे हैं कि इलेवेंथ में पढ़ते हो क्या तुमने क्या बोला नहीं भैया टेंथ में <laughs> बोल दिया करो नहीं 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 टेंथ में अभी अगले साल इलेवेंथ में जाएंगे बताओ वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए मोर एब्सोल्यूटली करेक्ट भाई साहब वीसीआरएस की सीओपी वी आर एस से तो ज्यादा ही होनी है अगला क्वेश्चन इन रेफ्रिजरेशन साइकिल सब कूलिंग अकर्स वेन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे सब कूलिंग हम कब करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल पे सब कूलिंग हम कब करते हैं बताइए गाइस सब कूलिंग हम कब करते हैं आप लोग बहुत स्लो आंसर दे रहे हो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ओके okay. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सब कूलिंग हम कब करते हैं वेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर ए सी डी ए डी डी सी ए मोहित डी बोलो देखो अपना आंसर डी बोलेंगे दूसरों को भी बोलेंगे तुम भी यही बोलो है ना ओके फेज चेंज करना है करना तो लिक्विड के तब अच्छा रेफ्रिजरेशन साइकिल पे सब लेटेंट हीट फ्रॉम एंड रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी ओके रेफ्रिजरेंट हैज लो लेटेंट हीट आंसर क्या दिया जा रहा है hmm. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाइस देखो सब कूलिंग कहने का मतलब क्या है सब कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करना है जितना टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उतनी सब कूलिंग होगी अगर मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो सब कूलिंग मेरी किसमें होती है इसमें ही होती है राइट और अगर सब कूलिंग करनी है तो मुझे हीट रिलीज करनी पड़ेगी और हीट रिलीज करूं तो कौन सी रिलीज करूं लेटेंट हीट या सेंसिबल हीट लेटेंट हीट रिलीज करूंगा तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि लेटेंट हीट टेम्परेचर से नहीं कनेक्ट होती सेंसिबल हीट रिलीज करूंगा तभी जाकर के टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सब कूलिंग होगी तो सब कूलिंग के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो लेटेंट हीट रिलीज करनी सॉरी सेंसिबल हीट रिलीज करनी होगी और ऑप्शन कह रहा है सेंसिबल हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट इज रिमूव अब रेफ्रिजरेंट से सेंसिबल हीट रिमूव कर दो तो सब कूलिंग होने लग जाएगी इतना सिंपल सा क्वेश्चन था बताओ समझ आया समझ आ गया क्लियर है वसीम प्यार मोहब्बत से देखो दिखाई देंगे हमेशा हम दिखाई देंगे ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्लियर हुआ सभी को जल्दी बताओ गुलाबी दिल के साथ हाया ना जल्दी बताओ और वसीम हम तुमको कितनी देर से दिखाई दे रहे हैं जब हम क्लास में आए थे तब दिन था अब तो रात हो गई है ये वाला पॉइंट में पहुंच गया था मैं ओके रोहित लेकिन आंसर नहीं आ पाया था है ना? चले, समझ गए? सुबीर आंसर डी नहीं हो गया ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन अच्छा हीट एक्सचेंजर इज क्या बात है यूज टू बताओ ओके okay. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना नए क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं जिग्नेश अब यार जब तक इतने डेफ्थ वाले कॉन्सेप्ट में आकर के अपन नहीं सीखेंगे तब तक कैसे मजा आएगा समझ रहे हो चाहिए गाइस अपन को ना ये लेवल चाहिए जहां पर मिल सके इत, इतना तगड़ा डेफ तो मिल सके ना वेर यू कैन फील कि भाई साहब ये है जो लेवल मुझे अचीव करना है जहां पर मैं जानती हुई चीज जो मुझे बनती हुई चीजें हैं है ना जिसके बारे में मैं जानता हूं उसमें भी मैं कंफ्यूज हो जाऊं ऐसा लेवल क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है लोकेश आंसर बी दे रहे हैं कोई बात नहीं अवधराज होता है गलतियां सबसे हो जाती हैं से सॉरी ओके आंसर बी दिया जा रहा है देख लेते हैं प्रिवेंट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम इंटरिंग द कंप्रेसर इन वेबर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट द लिक्विड रिफ्रिजरेंट फ्रॉम एंटरिंग द कंप्रेसर भाई साहब तुमको यहां पर एक चीज समझ में नहीं आई यहां पर एक चीज समझ में नहीं आई है ना हवा हवा में तुम लोगों ने गलत कर दिया अवधराज मोहित कुमार वेरी गुड इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट right? तुम लोगों को समझना चाहिए था ये वीसीआरएस सिस्टम में लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज ठीक है ये जब बात कर रहे हैं सक्शन हीट एक्सचेंजर की तो सक्शन हीट एक्सचेंजर तुम्हारा किसमें आता है कौन सा है बताओ कौन सा हीट एक्सचेंजर होगा कंडेंसर होगा ना भाई साहब कंडेंसर होगा कि नहीं होगा है ना तो अब तुमको यही वाली चीज तो समझनी है कि भाई कंडेंसर पे तुम किस तरीके से कर सकते हो सब सबकूल द लिक्विड लिविंग द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला तो ये किस किसमें हो रहा है कंडेंसर में आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर राइट अगला क्वेश्चन इफ इवेपरेटर टेम्परेचर ऑफ अ प्लांट इज लोअर्ड द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर रिक्वायर्ड विल बी बोलो सर जी चार घंटे के बाद ना बुद्धि काम नहीं कर रही है अब अब लग रहा है बस अब सेशन कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और कर लेते हैं मजा आ रहा है यार <laughs> ऐसे यही तो फील है भाई यही दो जलवे हैं जो खींचने अपन को सुबीर इसी की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने सुबह कि कंसंट्रेशन कितना तगड़ा होना चाहिए है ना यही प्रैक्टिस करवाई थी ना सुबह कि कंसंट्रेशन भटकने से बिगड़ जाता है ओके आंसर ऑप्शन नंबर बी मोर एब्सोल्युटली करेक्ट है गुड सब ने करेक्ट आंसर दिया अगला क्वेश्चन कह रहा था इफेक्ट ऑफ द सुपर हीटिंग ऑफ अ वेपर इन सब कूलिंग ऑफ द बी क्या बात है बहुत बढ़िया सुपर हीटिंग ऑफ दर इन इवेपरेटर एंड सब कूलिंग ऑफ द कंडेंसर कंडेंसेट इन द कंडेंसर विल विल सिखाया यही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने शुरू शुरू में ऑप्शन नंबर बी सीओपी भैया सुनो सब कूलिंग से सब कूलिंग से सीओपी इंक्रीज़ होती है और जब तुम सुपर हीटिंग का इफेक्ट लेकर के जाते हो तो सुपर हीटिंग के इफेक्ट में भी आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है समझ में आया समझ में आया अब आप बात करोगे कि जब हमने सुपर हीटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वर्क इनपुट के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी राइट वर्क इनपुट के बारे में भी हमने बात करी थी और हमने कहा था कि सर सुपर हीटिंग के केस में हम ये नहीं बता सकते कि एफिशिएंसी डिक्रीज होगी या इनक्रीज होगी डिस्कशन हुआ था हमारा हा या ना याद है सभी को सुपर हीटिंग पे बात हुई थी यस और नो जस्ट टेल मी यस और नो यस और नो जल्दी बताओ बिल्कुल बिल्कुल सुबीर यही तो बता रहा हूं कि भाई सुपर हीटिंग पे हम सीओपी पे वो नहीं कर सकते कि भाई साहब की हमारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी हो सुपर हीटिंग के कॉन्सेप्ट पे तो नहीं हो सकता ना लेस मोर कुछ भी हो सकता है राइट वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन सीओपी वेरी गुड लेकिन सब कूलिंग के केस में तो हमारी सीओपी इंक्रीज हो रही है और अगर मैंने सुपर हीटिंग और सब कूलिंग दोनों एक साथ डाल दिया तो मुझे एक चीज पता है कि सुपर हीटिंग पे फर्क पड़े ना पड़े सीओपी पे लेकिन सब कूलिंग से सीओपी इंक्रीज होगी तो फाइनली मुझे तो इंक्रीज सीओपी ही मिलेगी ना समझो ये वाली बात समझ आई अरे यार इट जस्ट लाइक पावर प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब रीहीटिंग से हमारी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा याद है रीहीटिंग और एक चीज और पड़ी थी इंटरकूलिंग याद करो इससे सीओपी पे फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन अगर इसके साथ मैं रीजनरेशन ऐड कर दूं तो मेरी सीओ सॉरी सीओपी बोल रहा हूं एफिशिएंसी अगर मैं इसके साथ रीजनरेशन ऐड कर देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है ये वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ा था इन द सेम मैनर मेरी सुपर हीटिंग से मुझे नहीं पता कि भाई मेरी सीओपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी लेकिन आई एम डैम श्योर कि मेरी सब कूलिंग से सीओपी बढ़ेगी और अगर मेरी सब कूलिंग से सीओपी बढ़ रही है तो फिर ओवरऑल तो मेरी सीओपी इंक्रीज हो ही रही है ना और मेरे को क्या लेना देना सीओपी इनक्रीज आंसर ऑप्शन नंबर वी टिक लगा दिया <laughs> जिग्देश कह रहा है ये क्वेश्चन ये सी हाँ एब्सोल्युटली बिल्कुल सही जा रहे हो तुम तो। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन से गाइस, ठीक है लेकिन मुझे लगता है यार तुम लोग जब लगा पा रहे हो क्वेश्चन तो फिर कहां वो है क्या क्या तुमको इतना सोचना है है ना बनना चाहिए बन रहा है कॉन्सेप्ट तो वही है ना इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ ले एस एसएससी में पूछ ले किसी में भी पूछ ले ठीक है अवधराज अब इंटरकूलिंग पावर प्लांट में मत घुस मेरे भाई है ना अब क्वेश्चन लगा लिया के ठीक है पावर प्लांट वाली चीजें पावर प्लांट में करेंगे ठीक ओके बाकी हाँ तुम सही हो <laughs> तुम सही हो लेकिन ये जो इंटरकूलिंग होती है वो इवेपरेटर में नहीं होती मेरे लाल क्योंकि जो हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग है वर्क प्रोड्यूसिंग में इवेपरेटर का यूज नहीं किया जाता है वर्क कंज्यूमिंग में इवेपरेटर का यूज करते हैं ठीक है इसलिए उसमें जाने में थोड़ा सा गड़बड़ है मत जाना वहां ये पावर प्लांट की चीज़ें हैं इसको हटा दू मैं तो अच्छा है पता चला कंफ्यूज हो जाए ये जो पेज वाले बच्चे हैं ना उनको समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था जो वाइटी वाले उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट रखो जो पढ़ा है अपन ने ठीक है चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है वेट कंप्रेशन वेपर सॉरी वेट कंप्रेशन इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल मींस कह रहा है वीसीआरएस में वेट कंप्रेशन का मतलब क्या है अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई यही होता है इतनी पढ़ाई कर लो ना कि जब तुम पढ़ाई करने के बाद उठो तो तुम्हें लगे कि भाई साहब वाह इस टाइम पे वाईटी सेशन <laughs> वारिफ तुमको पता है ये सेशन कब से चल रहा है तुमको पता है ये सेशन कब से चल रहा है किसी ने अभी पूछा था कब से ये सेशन चल रहा है और हमने बहुत बढ़िया आंसर दिया था नितिन कहां गया नितिन बताओ जरा वारिफ को कब से सेशन चल रहा है अरे आंचल भी है आंचल को तो पता ही होगा आंचल नहीं तो पूछा था आंचल कब से, से कब से पढ़ा रहे हैं हम <laughs> आंचल नहीं क्वेश्चन पूछा था हमको याद है बताओ जरा ओके इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है लेट्स चेक कह रहा okay. region, mm -hmm. है वेट कंप्रेशन में ओके वेपर कंप्रेशन रीजन बट लीव्स इन सुपर हीटेड रीजन हम्म ऑप्शन नंबर सी क्या बात है ओके हाँ नितिन ने आंसर दिया तेरह साल पंद्रह हो गए <laughs> सही है भाई ओके okay. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर सी गलत है ठीक है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गाइस, तुमको जो सिखाया गया है तुम उस पर फोकस करो ना अपना दिमाग क्यों लगाने का एक्स्ट्रा <laughs> एक बात समझो माइक में वॉइस इश्यू हुआ था अभी 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 सही है हेलो 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 आवाज आ रही है सातों सुर सुनाई दे रहे हैं चार बजे से अरे यार आंचल आंचल आंसर दिया गया था ना तेरह साल पंद्रह महीने भूल गई क्या है यार ओके सुनो गाइस एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेट कंप्रेशन हमने ये चीज कभी भी किसी भी किताब में या फिर कभी भी ना ही मैंने बोली है और ना ही मैंने कभी यह वाली चीज डिक्लेयर करी है कि वेट कंप्रेशन में आप लोगों का जो कंप्रेशन है वो वेट रीजन से तो शुरू होगा लेकिन खत्म सुपर हीटेड में होगा ऐसा मैंने कब कहा और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है वेट कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन स्टार्ट फ्रॉम वेट रीजन अब वो खत्म सुपर हीटेड में हो रहा है या वेट रीजन के अंदर हो रहा है वो तो बात की बात है भाई तो ये समझो ना यार क्यों अपना दिमाग लगाना कि नहीं वो तो सुपर हीटेड में जाकर खत्म होगा किसने बोला वेट कंप्रेशन हमने क्या पढ़ा है सिर्फ यही पढ़ा है कि वेट रीजन से अगर कंप्रेशन स्टार्ट हो तो उसे हम वेट कंप्रेशन बोलते हैं सिर्फ यही पढ़ा है अपने अंदर की भावनाओं को संभाल के रखो ठीक है सर आप तो ओके okay हो ना मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था बेटा मैं हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही करता हूं ना <laughs> क्या यार <laughs> सही है मजा आया फील कर पाए इस क्वेश्चन को है ना ऐसे ऐसे खेला जाता है खेल गया क्वेश्चन है <laughs> कहता है, और देख लो भाई अरे यार सिंपल सा फंडा है देखो ना इमेजिन करना ठीक है क्या इसमें सुपर हीटेड रीजन पे कंप्रेशन खत्म हो रहा है क्या इस पे रीजन पे सुपर रीजन कंप्रेशन खत्म हो रहा है बताओ नहीं हो रहा तो क्या ये वेट कंप्रेशन नहीं है है बिल्कुल है तो ये भी तो वेट कंप्रेशन है तुम लोगों ने हमेशा क्या सोचा एक अपने हिसाब से प्री डिफाइंड बना लिया कि भाई साहब ऐसा हो रहा होगा ये भी वेट कंप्रेशन है दिस इज ऑल्सो वेट कंप्रेशन दिस इज ऑल्सो वेट कंप्रेशन दोनों वेट कंप्रेशन है तो हमको यह पता है कि वेट कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन स्टार्ट फ्रॉम वेट रीजन कंप्रेशन स्टार्ट फ्रॉम वेट रीजन वो तो खत्म कहां हो रहा है उसको थोड़ी ना वेट कंप्रेशन में लेकर के जाएंगे <laughs> हा कहा खत्म हो रहा है क्या लेना देना हमें उससे हमें जो पता है कि यहां से शुरू होता तो वेट कंप्रेशन है बस जहां जाके खत्म हो वो उसकी मर्जी तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये सुपर हीटेड पे होगा तभी वेट कंप्रेशन है ये तो नहीं हो रहा ये तो सैचुरेटेड वेपर पे जाके खत्म हो जा रहा है तो क्या ये वेट नहीं है मतलब क्या ये वेट कंप्रेशन नहीं है 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 एब्सोल्युटली बिल्कुल है, हमेशा रहेगा हमेशा हम लोग डायग्राम वैसे बनाते हैं इसलिए हम लोगों के दिमाग में बस गया कि नहीं ये वैसा ही होगा ठीक है ऐसा हमेशा नहीं होता है ना मान लो तुम्हारा रेफ्रिजरेटर सिस्टम बहुत ही खराब है तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा <laughs> राइट कि वेट कंप्रेशन से स्टार्ट होगा सैचुरेटेड तक जा करके नीचे आ जाएगा क्या सोचना है इतना भाई लेवल पे मजे लेने नेक्स्ट लेवल पे मजे समझ आया ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो <laughs> कर अब दर्द हो रहा है सर सर अब अगला नहीं आना चाहिए बस ओके नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द ऑर्डर इन विच मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर यूज्ड इन ये क्वेश्चन सिंपल है ये तो बता सकते हो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो अनोइंगली अलग डायग्राम दिमाग में छाप लिया हम लोगों ने सर हाँ यही होता है इसीलिए तो सही करने आए हैं हम ना नोइंगली एंड नोइंगली बेटा इतने डेप्थ में कॉन्सेप्ट दे करके जाऊंगा ना तुम लोगों को अगर तुम लोगों ने मेरी हर एक बात को प्रॉपर सुना और उसका ऐसे रिवीजन करा कि ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारी रगों में दौड़ने लग जाए ना दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है गाइस जो तुम लोगों को कभी भी सिलेक्शन से दूर रख सके इतने कांसेप्ट दूंगा तुम लोगों को इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पहले कंप्रेसर फिर कंडेंसर देन थ्रोटल वॉल्व एंड इवेपरेटर अगला क्वेश्चन अच्छा और है ओके फ्लैश चेंबर इंटरकूलर अलाउज द रेफ्रिजरेंट टू इंटर द सेकेंड स्टेट ऑफ द कंप्रेसर ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एट द स्टेट ऑफ बताइए गाइस व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऐसा uh, करो इस क्वेश्चन को छोड़ दो रीजन बता रहा हूं ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर का है ठीक है यह सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है चलो दे ही दिए हो आंसर तो कोई बात नहीं वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग दोगे दिमाग अच्छा चला पा रहे हो एब्सोल्युटली दैट इज लिक्विड ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ द एक्सपेंशन सिलेंडर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ थ्रोटल वॉल्व द सीओपी विल ये तो आंसर दे दोगे छोड़ भी दो अभी जान लोगे क्या बच्चों की सुमेद यार मैंने तो पहले ही बोला था कि हिम्मत बची है तो बताओ तब क्वेश्चन कराऊंगा मेरा क्या है मैं तो छह घंटे सात घंटे दस घंटे पढ़ा दूंगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस ग्रेट गाइस ग्रेट वेरी गुड बहुत बढ़िया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए घनघोर गलत है आंसर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस होगा अरे मेरे सतरंगी हो थ्रॉटल वॉल्व जो होती है उसमें एन्थैल्पी कांस्टेंट होती है जहां पर एन्थैल्पी कांस्टेंट है कांस्टेंट है वहां पर डेल्टा डब्ल्यू डी विल बी जीरो और मिनिमम ठीक है और ये जो एक्सपेंशन सिलेंडर है एक्सपेंशन सिलेंडर के बारे में मैंने बताया था कि ये आइसिंग ट्रॉपिक प्रोसेस में जाता है और इसमें सम अमाउंट ऑफ वर्कडन होगा और अगर वर्कडन इसमें भी हो गया एक्सपेंशन सिलेंडर में तो सीओपी तो घटेगी ना बढ़ेगी कहां से समझ गए जिग्नेश थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई चलो ओके तो क्वेश्चन भी फिनिश हो गए मजा आया गाइज मजा आया ओके तो गाइज आज के सेशन के एंड में मतलब जब आप लोगों का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया है अब जब आपका कमेंट बॉक्स आएगा तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल के साथ मुझे इस सेशन का रिव्यू चाहिए अगर डिटेल में रिव्यू देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नॉर्मली रिव्यू देते हो तो गुड बेटर एंड बेस्ट इन तीनों में से रिव्यू दे देना अगर डिटेल में रिव्यू देते हो तो मुझे और मजा आएगा है ना और अच्छा लगेगा पढ़ के कि तुम लोगों ने इतना अच्छा अच्छा लिखा है लेकिन अगर Uh, एक वर्ड में भी अगर तुम्हें देना है नहीं है टाइम तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में गुड बेटर बेस्ट में तुम्हें जो भी सही लग रहा हो उसको जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना ठीक है ओके आई होप सेशन में तुम्हें मजा आया होगा तुम लोगों ने बहुत मस्ती के साथ सेशन लिया हमने बहुत मजे करे बहुत नई चीजें सीखी जिन्होंने आर मुझसे पहले पढ़ी हुई थी उन्होंने रिवाइज भी कर ली है ना और गाइज अगर आप लोग प्रॉपर इन डेफ पढ़ना चाहते हो सारे पढ़ाए हैं सारे पढ़ा कर सकते हो। अगर जो इंटरेस्टेड है, जो है वो जरूर कर लेना यूज करना कोड वाई वन डबल सिक्स का जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए एंड गाइज दिस इज द बुक ये बुक जरूर ले लेना इस बुक में मेरी सारी नोट्स है ठीक है जो नोट्स तुम लोगों ने यहाँ पे देखी वो सारी की सारी नोट्स मैंने यहां पर रखी हुई है और ये बुक आपको अमेजोन में भी मिल जाएगी फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगी सिर्फ सर्च कर लेना मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता तुम्हें मिल जाएगी जाकर के वहाँ से तुम इसको खरीद जरूर लेना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेवल फायदेमंद होगी ये पक्का वादा है मुझसे मतलब मेरा तुमसे ठीक है एंड चलो गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए सत श्रीकाल गुड नाइट शुभ रात्रि शब खैर हंसते रहो मुस्कुराते रहो मजे करो बाय गाइज बाय